हेलो गाइस वेलकम टू माय चैनल तो आज के वीडियो में हम जिस फिल्म के ऊपर बातचीत करने वाले हैं उसका नाम है अरण मनई फोर यानी कि पैलेस फोर ये एक 2024 की तमिल लैंग्वेज फिल्म है तो इस फिल्म का तमिल तेलुगू कन्नड़ा मलयालम और हिंदी वर्जन है वो किस तरह से कैसे क्या ऑफिशियली देख सकते हो उसके ऊपर मैं जानकारी देने वाला हूँ इसके अलावा इस फिल्म के प्री प्रोडक्शन पोस्ट प्रोडक्शन बजट बॉक्स ऑफिस कलेक्शन फिल्मिंग के ऊपर एक डिटेलिंग मिलेगी फिल्म से जुड़े हुए डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट वो भी मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ साथ ही इन फिल्म का एक डिटेल रिव्यू दिया जाएगा जहाँ पर मैं इस फिल्म की कहानी के ऊपर एक चर्चा एक्सप्लेनेशन एनालिसिस करके देने वाला हूँ फिल्म की स्टार का सपोर्टिंग कास्ट की परफॉर्मेंसिस के बारे में बातचीत करेंगे म्यूजिक डिपार्टमेंट टेक्निकल डिपार्टमेंट के ऊपर भी एक जानकारी मिलने वाली है तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहिएगा तो आज का हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं अरन मनई फोर यानी कि पेलेस फोर ये एक दो की इंडियन तमिल लैंग्वेज कॉमेडी हॉरर फिल्म है फिल्म को पहले तमिल और तेलुगू वर्जन में रिलीज़ किया गया था लेटर ऑन बाकी सभी वर्जन में डब करके थिएट्रिकली इस फिल्म को रिलीज़ किया हुआ था जहाँ पे तेलुगू वर्ज़न में इस फिल्म को बाक नाम दिया हुआ था अदरवाइज सभी लैंग्वेज में इस फिल्म को अरन फोर ही नाम दिया हुआ है इस फिल्म का जो हिंदी वर्जन है वो टी थ्री स्ट्रीमिंग के द्वारा प्रोड्यूस किया गया था उनके ही द्वारा डब किया गया था जहाँ पे ओरिजिनल प्रोड्यूसर्स के ऊपर बातचीत करें तो खुशबू सुंदर ए सी सनमुगन ए सी एस अरुण कुमार ने इस फिल्म को अवनी सिनेमेक्स और बेंस मीडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के नीचे करीबन चालीस करोड़ जितने हाई बजट में बनाया हुआ था ये फिल्म जो अरन माने फिल्म सीरीज़ है उसका चौथा पार्ट है इसके पहले की जो तीन पार्ट है वो भी एक से बढ़कर एक हिट हुए जहाँ पे 2014 में पहला पार्ट आया हुआ था जिसमें सुंदर सिंह खुद लीड रोल में थे अरन माने टू में भी वो खुद लीड रोल में और डायरेक्टर भी थे जो दो में रिलीज़ किया गया था 2021 में इसका तीसरा पार्ट आया था वो भी काफ़ी सक्सेसफुल साबित हुआ था और जो दो का पार्ट आया हुआ है वो उससे भी बड़ा काफ़ी बड़ा सक्सेसफुल साबित हुआ है मेनली उसकी कहानी की वजह से जिस तरह से उसको पेश किया था उसकी वजह से इस फिल्म को डायरेक्ट किया हुआ है सुंदर सिंह ने लिखा हुआ है सुंदर सिंह ने जहाँ पे वेंकट राघवन और एस बी रामदास ने भी उसमें राइटिंग में मदद किए हुई है स्क्रीन प्ले वो सुंदर सिंह का था एडिशनल स्क्रीन प्ले वेंकट राघवन ने लिखा हुआ है स्टोरी आइडिया ओरिजिनल स्टोरी लाइन थी वो खुद सुंदर सी की थी तो इस तरह से इस फिल्म में सुंदर सी ने अपना पूरा काम दिया हुआ है वहीं पे उनकी वाइफ ने इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है जहाँ पे ये फिल्म है वो का उनके ही द्वारा डिस्ट्रीब्यूट करवाई गई थी इसके अलावा इस फिल्म की कास्टिंग के ऊपर बातचीत करें तो सुंदर सी तमन्ना भाटे और राशिक खन्ना लीड रोल में देखने को मिलेंगे टेक्निकल टीम के ऊपर बात बातचीत करें तो सिनेमाटोग्राफी वो ई कृष्णा सामी ने किए हुई है फिल्म को फेनी ओलिवर ने एडिट किया हुआ है जिन्होंने एक मिनट यानी कि दो घंटे और 27 मिनट का रन टाइम दिया हुआ है सेंसर बोर्ड की तरफ से फिल्म को यू ए सर्टिफिकेट मिला हुआ था म्यूज़िक में हिप हॉप ने बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स दोनों कंपोज किए हुए म्यूज़िक के जो राइट्स है वो थिंक म्यूजिक वालों ने एक अच्छी प्राइज़ में खरीदे हुए थे उन्होंने तमिल तेलुगु दोनों वर्जन के गानों को ऑफिशियली रिलीज़ करवाया हुआ है इसके अलावा इस फिल्म के कास्टिंग के ऊपर बातचीत करें कौन सा एक्टर कौन सा रोल प्ले कर रहा है उसके ऊपर तो इस फिल्म में सुंदर सी आपको एडवोकेट सर्वानंद के रोल में लीड रोल में देखने को मिलेंगे तमन्ना भाटिया ने सेल्वी का रोल प्ले किया हुआ है जो सर्वानंद की यंगर सिस्टर है डॉक्टर माया का रोल राशि खन्ना को दिया गया था स्वामी का रोल रामचंद्र राजू ने प्ले किया हुआ है संतोष जो सेल्वी का हसबेंड है वो रोल संतोष प्रताप ने प्ले किया हुआ है सर्वानंद की जो आंट है उसका रोल कोवाई सरला ने प्ले किया हुआ है मैसौन का रोल है वो योगी बाबू ने प्ले किया हुआ है कारपेंटर के रोल में वी टी वी गणेश देखने को मिलेंगे माया के ग्रैंडफादर जो जमींदार थे वो रोल दिल्ली गणेश ने प्ले किया हुआ है विलेज के जो प्रेसिडेंट है वर्था राजन एस वो रोल जया प्रकाश ने प्ले किया हुआ है फेडरिक जॉनसन इस फिल्म में रवि के रोल में देखने को मिलेंगे जो वर्धर राजन है उसके बेटे का रोल था वो राजेंद्रन ने रत्नम का रोल प्ले किया हुआ है सिंगम ने कॉन्स्टेबल ए सक्तिवेल का रोल प्ले किया हुआ है देवानंदा ने इसमें शक्ति यानी कि सेल्वी की डॉटर का रोल प्ले किया हुआ है इसके अलावा इस फिल्म में और भी सपोर्टिंग कास्ट देखने को मिलते हैं जहां पे सर्वानंद जूनियर का रोल संजय ने प्ले किया हुआ है जमींदार के सर्वण का लो, रोल लोलू लो, सभा से ने प्ले किया है विचू विश्वनाथ ने मनी लेंडर का रोल प्ले किया है यातिन कार्यकर ने इसमें पृष्ठ का रोल प्ले किया है नमो नारायणा ने इस फिल्म में किए दुराई पांडे का रोल प्ले किया है जयश्री चाकी ने इस फिल्म में सेल्वी का रोल प्ले किया जो दुराई पांडे की बेटी का रोल था हर्षा हरीश ने इस फिल्म में प्रष्ट के बेटी का रोल प्ले किया हुआ है इसके अलावा तेलुगू वर्जन में आपको जो योगी बाबू वाला मैसोन का किरदार था वो वेनोला के स्वर प्ले करते हुए नजर आएंगे और श्रीनिवास रेड्डी ने कारपेंटर जो वी टी वी वाला किरदार था वो प्ले किया हुआ है इसके अलावा कुछ कैमियोज देखने को मिलते हैं जहाँ पे के एस रवि कुमार ने डी एस पी एस जगदीशन के रोल में केमियो दिया हुआ है खुशबू सुंदर ने अमन गाने में केमियो दिया हुआ है उनके साथ सिमरन ने भी उस गाने में केमियो दिया हुआ है तो ये फिल्म के लीड प्रोमिनेंट कास्ट जिन्होंने इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले किए हुए हैं प्रोडक्शन की ओर बढ़ते मिड जनवरी 2023 में कुछ अनाउंसमेंट आ रही आई थी जहां पे बताया जा रहा था कि अरल में नई फिल्म सीरीज का चौथा तो इंस्टॉलमेंट आने वाला है जिसमें इस फिल्म को लीड करेंगे विजय सेतुपति जहां पे सुंदर सी इसको डायरेक्ट करने वाले और वही प्रोड्यूस करेंगे फिल्म को लेकिन विजय सेतुपति की और, और भी कई कमिटमेंट थे जिसके चलते वो इस प्रोजेक्ट के साथ जुड़ नहीं पाए उसके बाद में सुंदर सी ने खुद लीड रोल करने का फैसला लिया लेटर ऑन मार्च दो में ऑफिशियली राशिक खन्ना और तमन्ना भाटिया को लीड एक्ट्रेस के लिए अप्रोच किया गया उनको कंफर्म किया गया उसके बाद में संतोष प्रसाद को प्रताप को क्या पाइवटल रोल के लिए सिक्योर किया गया को योगी बाबू वी टी गणेश दिल्ली गणेश राजेंद्रन सिंगम पोली को भी इस फिल्म में इंपॉर्टेंट रोल के लिए अप्रोच किया गया जहाँ पे तेलुगु में जो इस फिल्म को पार्सियली रिशोट किया हुआ है जहाँ पे विनेला किशोर श्रीनिवास रेड्डी ने योगी बाबू और वी गणेश का रोल रिप्लेस किया हुआ है एडिशनली जो सुंदर से का जो अब म्यूजिक कॉडियो का, 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 है हिप हॉप तमिला उनके साथ एक और का, का प्रोजेक्ट जुड़ा क्योंकि इससे पहले उन्होंने काफ़ी फिल्मों में साथ में काम किया हुआ है इस फिल्म के प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी मार्च 2023 में स्टार्ट करवाई गई थी मिड सितंबर तक रेपअप करवाई गई सीबीएफसी जो बोर्ड है सेंसर बोर्ड वहाँ पे इस फिल्म को यू सर्टिफिकेट मिला गया एक मिनट बाईस सेकंड का रन टाइम सेंसर करवाया गया जहाँ पे तेलुगु वर्जन को एक मिनट और सात सेकंड का सेंसर करवाया गया जहाँ पे यू सर्टिफिकेट फिल्म को दिया हुआ था म्यूजिक डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो फिल्म में तमिल वर्जन में पांच गाने सुनने को मिलेंगे तेलुगु में चार जहाँ पे तमिल ट्रैक लिस्टिंग में टोटल लेंथ है वो है सोलह मिनट तैंतीस सेकंड तेलगू का जो साउंड ट्रेक है उसके लेते तेरह मिनट सैंतालीस से सेकंड तो इसके रेड थिंक म्यूजिक ने खरीदे थे हिप ऑप तमिल ने म्यूजिक दिया हुआ था मार्च से सितंबर 2023 के बीच में इसको रिकॉर्ड किया गया था ट्रैक लिस्टिंग करें तो अच्छो चो करके जो गाना है उसको विग्नेश श्रीकांत ने लिखा हुआ था करिश्मा रविचंद्रन और श्रीनिवास श्रीनिवासिलान ने उसको गाया हुआ था जो जो गाने को को शेसा ने लिखा था मीनाक्षी इलाया राजा ने उसको गाया था अमन गाने को मुतामिल ने लिखा हुआ था अरुणा रविचंद्रन महालिंगम ने उसको गाया हुआ था गाने को लिखा को तमिला ने गाया हुआ था तो ये वर्जन में पांच तैयार किए गए थे जिसकी लेंथ थी सोलह मिनट तेसी सेकंड इन सभी गानों को तीन मई 2024 तक ऑफिशियली वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में सभी वर्जन में थिंक म्यूजिक के द्वारा रिलीज करवाए हुए थे तो ये सभी गाने उनके यूट्यूब चैनल के ऊपर आप बिल्कुल फ्री में वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में सुन सकते हो अब थोड़ी बहुत कहानी के ऊपर चर्चा करें तो इस फिल्म को तेलुगु में बाक नाम दिया हुआ है बाकी सभी वर्जन में ये फिल्म अरन बने फोर के नाम से रिलीज़ की गई है जहाँ पे सुंदरसी का जो कैरेक्टर है शिवशंकर जिसको तेलुगु में शिवशंकर नाम दिया हुआ है वैसे उनका नाम सर्वानंद है फिल्म में जो सिंसियर लॉयर है किसी एक दिन उसको पता चलता है कि उनकी बहन जो शिव बहन है शिवानी उसने सुसाइड कर लिए शिवानी का रोल प्ले करे तमन्ना इस न्यूज़ को सुनते ही सर्वानंद पूरी तरह से शौक हो जाता है दूसरी तरफ शिवानी का हस्बैंड भी कुछ मिस्ट्री इस तरीके से जंगल में मर जाता है तो सर्वानंद को इन सभी चीज़ों के ऊपर विश्वास नहीं होता है अपनी बहन का जो एक्सट्रीम स्टेप लिया हुआ है उसमें भी उसको भरोसा नहीं हो रहा है तो ये सभी चीजें उसको थोड़ी ऐसी लग रही है कि ऊपर ऊपर से ढकी ढकी है कुछ इसके पीछे और कोई रीजन हो सकता है या किसी और ने मर्डर किया होगा तो ये सभी चीज़ों को प्रॉपर क्लेरिफाई करने के लिए इस मिस्ट्री इस चीज़ को क्लेरिफाई करने के लिए वो डिसाइड करते हैं कि वो इस डेथ के पीछे शिवानी और उसके हस्बैंड के जो डेथ हुए उसके पीछे क्या रीज़न है उसको ढूंढने के लिए वो निकल जाता है जहाँ पे बाकी की कहानी यही है कि किस तरह से सर्वानंद इस मिस्टीरियस चीज़ों को सोल्व करता है और ये जो घटनाएँ घटी है उसको हमारे सामने पेश कर पाता है इस फिल्म में यानी कि अर फ्रेंचाइज़ में जिस तरह से जो चीज़ें आपने अभी तक देखी है उसमें ये फिल्म पूरी तरह से टेक्निकली काफ़ी बढ़िया नज़र आती है पहले तीन फिल्मों के मुकाबले इस फिल्म में टेक्निकल एस्पेक्ट काफ़ी मज़बूत थे विजुअल्स बैकग्राउंड स्कोर प्रोडक्शन वैल्यू काफ़ी बढ़िया तरीके से एक्स्ट्रीम लेवल्स के ऊपर इसको केयर किया हुआ है मेकर्स ने काफ़ी बढ़िया पैसा डाला हुआ ऐसा नज़र आ रहा है हर एक फ्रेम में क्वालिटी नज़र आ रही थी हॉरर इफेक्ट थे उसको काफ़ी नीटली डन किया हुआ था बैकग्राउंड स्कोर जो दिया हुआ था हिप हॉप तमिला ने वो काफ़ी बढ़िया तरीके से स्क्रेक स्केरी मोमेंट्स थे उसको एक अनहेंस करके इम्पेक्ट डालता हुआ नज़र आता है मूवी में कई सारे ऐसे सीन्स थे जो काफ़ी बढ़िया तरीके से डायरेक्टर ने एग्जीक्यूट किए हुए इंटरवल का जो पोर्सन था वो भी काफ़ी बढ़िया तरीके से हैंडल किया गया था इंटरेस्टिंग इवेंट्स जो सीरीज़ में दिखाए हुए जब फिल्म आधे दूर तक पहुंचती है जिस तरह से आपकी क्यूरोसिटी डायरेक्टर बना के रखते हैं इंटरवल तक वो सभी चीज़ें काफ़ी बढ़िया तरीके से हैंडल की हुई है इस फिल्म में कुछ एक्साइटिंग मोमेंट्स देखने को मिलते हैं जिस तरह से सेकंड हाफ़ में पहले पार्ट में पहले हाफ़ में जो सभी चीज़ें दिखाई हुई है फर्स्ट हाफ में उसको सेकंड हाफ़ में किस तरह से वो ज्वाइंट करते हैं इंटरवल के बाद उन डोड को कनेक्ट करके जिस तरह से हमारे सामने पेश किया जाता है वो काफ़ी बढ़िया नज़र आता है सुंदर सी इस फिल्म में लीड रोल में देखने को मिलते हैं उनका जो प्रोटोगोनिस वाला किरदार था उसमें वो काफ़ी बढ़िया नजर आए तम भाटिया को एक अच्छा खासा ब्रीप रोल दिया गया था जहां पे वो अपने रोल के साथ अपना प्रेजेंस इंपेक्टर करते हुए काफी बढ़िया नजर आती है ओवरऑल जो सपोर्टिंग कास्ट थी उन्होंने भी बढ़िया काम किया हुआ है इस फिल्म का मेन इश्यू यही है कि इस फिल्म में जो स्टोरी लाइन चल रही थी काफी बढ़िया स्टोरी लिखी हुई थी स्क्रीन प्ले भी अच्छा लिखा होता लेकिन उसके बीच में अनवॉन्टेड कॉमेडी ट्रेक आते जो पंद्रह बीस साल पहले फिल्मों में आया करते थे ऐसे जो शायद लगता है कि उन्होंने वैसे भी ये सीरीज मास ऑडियंस के लिए बनाए हुए तो उनको ध्यान में रखती हुई सभी चीज़ें क्लिक करके डाली होगी ये स्लिपस्टिक कॉमेडी ज़्यादातर सीनों में वर्क नहीं करती इरिटेशन वाला फील नज़र आता है कुछ फन सीन्स डेफिनेटली इस फिल्म में दिए हुए हैं लेकिन उसमें ये का अननेसेसरी कॉमेडी कुछ ऐसी चीज़ें वो उसका इम्पेक्ट है वो डाइल्यूट करती हुई नज़र आती है क्लाइमेक्स में जिस तरह से जो चीज़ें देखने को मिलती है वो भी उतने कुछ खास करके वर्क नहीं करते कॉमेडी एंगल से इसके अलावा इस फिल्म में अरण फ्रेंचाइज में जो दूसरी फिल्में जिस तरह से वो एक रूटीन फे टेम्पलेट होते वही रूटीन टेम्पलेट के साथ इस यूनिक स्टोरी को डिलीवर किया होता कुछ नयापन आपको देखने को नहीं नजर आएगा रूटीन प्लॉट को जिस तरह से शुगर क्रॉट करके ट्विस्ट और टर्न्स के साथ गुड टेक्निक के साथ हमारे सामने पेश किया वो बढ़िया था लेकिन जो चीज़ें थी वो कहीं हद तक उसमें हमें पता चल जाता था प्रिडिक्टेबल नजर आ जाती थी ये फिल्म पूरी तरह से एक प्रिडिक्टेबल नजर आएगी इमोशनल डेप्थ की कमी नज़र आती है कॉमेडी अननेसेसरी डाली हुई थी जिसके चलते फिल्म की जो मेन मोटिव है वो डाइल्यूट होता हुआ नजर आता है सेकंड हाफ में फिल्म स्लो डाउन काफी हो जाती है सॉन्ग्स जो डाले हुए उसकी भी कुछ खास जरूरत नहीं थी उसको एवॉइड किया किया जा सकता था एडिटिंग फिल्म की और की जा सकती थी ये फिल्म आ, आसानी से दस मिनट जितनी और छोटी की जा सकती थी तो ओवरऑल देखा जाए तो बा किया अरन मनी फोर टेक्निकली अच्छी खासी बनी हुई फिल्म है बैकग्राउंड स्कोर भी काफी दमदार नजर आएगा जो सीन्स को एनहेंस कर रहा था सिनेमेटोग्राफी भी जिस तरह से शोकेस किया है जो विजुअल्स देखने को मिलती है वो काफी बढ़िया था प्रोडक्शन वैल्यू भी इस फिल्म की काफ़ी बड़ी और अच्छी नजर आती है एडिटिंग फिल्म की थोड़ी बेहतर हो सकती थी डायरेक्टर सुंदर सिंह ने रूटीन स्टोरी लेते हुए जिस तरह से अपना एंगेजिंग नेरेशन नेरे दिया हुआ है कुछ पार्ट्स में काफ़ी बढ़िया तरीके से वर्क करता है वहीं पर कुछ जगह पर ये चीज़ें कुछ खास वर्क कर नहीं पाती है जहाँ पर इस फिल्म में हॉरर एलिमेंट इंटरेस्टिंग थे लेकिन कॉमेडी पोर्स को जिस तरह शोकेस किया वो सभी चीज़ें बगा बिगाड़ देती है सुंदर सी की तरफ से अननेसेसरी कॉमेडी सीन्स अगर नहीं आते तो ये फिल्म और बेटर इम्पेक्ट डाल सकती थी कुल मिला एक रूटीन स्टोरी लाइन के साथ ये फिल्म आई हुई है जहाँ पे डेफिनेटली हॉरर एलिमेंट आपको पसंद आएंगे और दी टॉप कॉमेडी सिक्वेंस को आपको थोड़ा बहुत इग्नोर करना पड़ेगा अदरवाइज वन टाइम वॉचेबल ये फिल्म है अरन मने फोर या बाग फिल्म को ऑफिशियली तमिल तेलुगु इन सभी वर्जनस में 40 करोड़ के बजट के साथ यू सर्टिफिकेट लेते हुए 3 मई 2024 को रिलीज किया था जब यह फिल्म रिलीज हुई तब क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से काफ़ी मिक्स्ड और पॉजिटिव रिस्पांस आया जिसके चलते इस फिल्म ने आई के ऊपर करीबन करीबन उन्नीस वोट हासिल किए जिसमें इक्यावन सौ पाँच की रेटिंग हासिल की दस में से अरन मने फोर ने अपने पहले वीक में अपने पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ के चलते मास ऑडियंस के चलते पचास करोड़ का वर्ल्ड वाइड वीक

काफ़ी कई सारे रिकॉर्ड्स क्रेक किए जब ये फिल्म ओ पे प्रीमियर करवाई गई वहाँ पे भी इस फिल्म ने काफ़ी बढ़िया रिस्पांस हासिल किया जहाँ पे इस फिल्म ने ओ रिलीज जब ली तब काफ़ी बढ़िया व्यूज़ हासिल किए थे जहाँ पे अरन मने फोर फिल्म को अगर आपको साउथ इंडियन लैंग्वेज जैसे कि तमिल तेलगू कन्नडा मलयालम और हिंदी में देखना है तो डिजनी प्लस होट स्टार के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल सब्सक्रिप्शन देख सकते हो हिंदी वर्जन के ओ टी राइट जियो सिनेमा के पास है टी थ्री व टी स्ट्रीमिंग वालों ने उनको बेचे हुए हैं तो जियो सिनेमा के ऊपर ये फिल्म बिल्कुल फ्री में प्रीमियर करवाई हुई है तो अरन मनई फोर फिल्म हिंदी डब वर्जन में आपको बिल्कुल फ्री में देखने को मिल जाएगी डिजनी प्लस होटस्टार के ऊपर तमिल तेलुगु कन्नडा मलयालम इन चार वर्जन में देखने को मिलेगी विथ इंग्लिश सब सब्सक्रिप्शन वहीं पर फिल्म का हिंदी डब वर्जन आपको बिल्कुल फ्री में जियो सिनेमा के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल आसानी से देखने को मिल जाएगा वहाँ पे फिल्म आप आसानी से हिंदी डब में एंजॉय कर पाओगे तो इस तरह से अरन मने फोर फिल्म आप ऑफिशियली ओटीटी और सैटेलाइट प्लेटफॉर्म के ऊपर पांच ही लैंग्वेज जैसे कि हिंदी तमिल तेलुगु कन्नडा मलयालम इन सभी वर्जन में एंजॉय कर पाओगे जहाँ पे मेनली हिंदी वर्जन आपको बिल्कुल फ्री में देखने को मिलेगा जियो सिनेमा के ऊपर अरन मनई फॉर यानि कि पेलेस फॉर ये एक 2024 की इंडियन तमिल लैंग्वेज कॉमेडी हॉरर फिल्म है फिल्म को पहले तमिल और तेलुगु वर्ज़न में रिलीज़ किया गया था लेटर ऑन बाकी सभी वर्जन में डब करके थिएट्रिकली इस फिल्म को रिलीज़ किया हुआ था जहाँ पर तेलुगु वर्जन में इस फिल्म को बाक नाम दिया हुआ था अदरवाइज़ सभी लैंग्वेज में इस फिल्म को अरन मनई फोर ही नाम दिया हुआ है इस फिल्म का जो हिंदी वर्जन है वो टी थ्री स्ट्रीमिंग के द्वारा प्रोड्यूस किया गया था उनके द्वारा डब किया गया था जहाँ पे ओरिजिनल प्रोड्यूसर्स के ऊपर बातचीत करें तो खुशबू सुंदर ए सी सनमुगन ए सी एस अरुण कुमार ने इस फिल्म को अवनी सिनेमैक्स और बेंस मीडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के नीचे करीबन चालीस करोड़ जितने हाई बजट में बनाया हुआ था ये फिल्म जो अरन माने फिल्म सीरीज़ है उसका चौथा पार्ट है इसके पहले की जो तीन पार्ट है वो भी एक से बढ़कर एक हिट हुए जहाँ पे 2014 में पहला पार्ट आया हुआ था जिसमें सुंदर सी खुद लीड रोल में थे अरन माने टू में भी वो खुद लीड रोल में और डायरेक्टर भी थे जो दो में रिलीज़ किया गया था 2021 में इसका तीसरा पार्ट आया था वो भी काफ़ी सक्सेसफुल साबित हुआ था और जो 2024 का पार्ट आया हुआ है वो उससे भी बड़ा काफ़ी बड़ा सक्सेसफुल साबित हुआ है मेनली उसकी कहानी की वजह से जिस तरह से उसको पेश किया था उसकी वजह से इस फिल्म को डायरेक्ट किया हुआ है सुंदर सिंह ने लिखा हुआ है सुंदर सिंह ने जहाँ पे वेंकट राघवन और एस बी रामदास ने भी उसमें राइटिंग में मदद किए हुई है स्क्रीन प्ले वो सुंदर सिंह का था एडिशनल स्क्रीन प्ले वेंकट राघवन ने लिखा हुआ है स्टोरी आइडिया स्टोरी लाइन थी वो खुद सुंदर सी की थी तो इस तरह से इस फिल्म में सुंदर सी ने अपना पूरा काम दिया हुआ है वहीं पे उनकी वाइफ ने इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है जहाँ पे ये फिल्म है वो का उनके ही द्वारा डिस्ट्रीब्यूट करवाई गई थी इसके अलावा इस फिल्म की कास्टिंग के ऊपर बातचीत करें तो सुंदर सी तमन्ना भाटे और राशिक खन्ना लीड रोल में देखने को मिलेंगे टेक्निकल टीम के ऊपर बात बातचीत करें तो सिनेमाटोग्राफी वो ई कृष्णा सामी ने किए हुई है फिल्म को फेनी ओलिवर ने एडिट किया हुआ है जिन्होंने एक मिनट यानी कि दो घंटे और 27 मिनट का रन टाइम दिया हुआ है सेंसर बोर्ड की तरफ से फिल्म को यू ए सर्टिफिकेट मिला हुआ था म्यूज़िक में हिप हॉप तमिला ने बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स दोनों कंपोज किए हुए म्यूज़िक के जो राइट्स है वो थिंक म्यूज़िक वालों ने एक अच्छी प्राइज़ में खरीदे हुए थे उन्होंने तमिल तेलुगु दोनों वर्जन के गानों को ऑफिशियली रिलीज़ करवाया हुआ है इसके अलावा इस फिल्म के कास्टिंग के ऊपर बातचीत करें कौन सा एक्टर कौन सा रोल प्ले रहा है उसके ऊपर तो इस फिल्म में सुंदर सी आपको एडवोकेट सर्वानंद के रोल में लीड रोल में देखने को मिलेंगे तमन्ना भाटिया ने सेल्वी का रोल प्ले किया हुआ है जो सर्वानंद की यंगर सिस्टर है डॉक्टर माया का रोल राशि खन्ना को दिया गया था स्वामी का रोल रामचंद्र राजू ने प्ले किया हुआ है संतोष जो सेल्वी का हस्बैंड है वो रोल संतोष प्रताप ने प्ले किया हुआ है सर्वानंद की जो आंट है उसका रोल को सरला ने प्ले किया हुआ है मैसौन का रोल है वो योगी बाबू ने प्ले किया हुआ है कारपेंटर के रोल में वी गणेश देखने को मिलेंगे माया के ग्रैंडफादर जो जमींदार थे वो रोल दिल्ली गणेश ने प्ले किया हुआ है विलेज के जो प्रेसिडेंट है वर्था राजन एस वो रोल जया प्रकाश ने प्ले किया हुआ है फेडरिक जॉनसन इस फिल्म में रवि के रोल में देखने को मिलेंगे जो वर्धा राजन है उसके बेटे का रोल था वो राजेंद्रन ने रत्नम का रोल प्ले किया हुआ है सिंगम ने कॉन्स्टेबल शक्तिवेल का रोल प्ले किया हुआ है देवानंदा शक्ति यानी कि सेल्वी की डॉटर का रोल प्ले किया हुआ है इसके अलावा इस फिल्म में और भी सपोर्टिंग कास्ट देखने को मिलते जहां पे सर्वानंद जूनियर का रोल संजय ने प्ले किया हुआ है जमींदार के सरवण का लो, रोल लोलू लो, सभा से ने प्ले किया हुआ है विचू विश्वनाथ ने मनी लेंडर का रोल प्ले किया हुआ है यातिन कार्यकर ने इसमें पृष्ठ का रोल प्ले किया है नमो नारायणा ने इस फिल्म में किए दुराई पांडे का रोल प्ले किया हुआ है जयश्री चाकी ने इस फिल्म में सेल्वी का रोल प्ले किया जो दुराई पांडे की बेटी का रोल था हर्ष हरीश ने इस फिल्म में प्रस्ट के बेटी का रोल प्ले किया हुआ है इसके अलावा तेलुगु वर्जन में आपको जो योगी बाबू वाला मैसोन का किरदार था वो वेनोला के स्वर प्ले करते हुए नजर आएंगे और श्रीनिवास रेड्डी ने कारपेंटर जो वी टी गणेश वाला किरदार था वो प्ले किया हुआ है इसके अलावा कुछ केमियोंज़ देखने को मिलते हैं जहाँ पे के एस रवि कुमार ने डी एस पी एस जगदीशन के रोल में केमियो दिया हुआ है खुशबू सुंदर ने अमन गाने में केमियो दिया हुआ है उनके साथ सिमरन ने भी उस गाने में केमियो दिया हुआ है तो ये फिल्म की लीड प्रोमिनेंट कास्ट जिन्होंने इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले किए हुए हैं प्रोडक्शन की ओर बढ़ते मिड जनवरी 2023 में कुछ अनाउंसमेंट आ रही आई थी जहां पे बताया जा रहा था कि अरन में नई फिल्म सीरीज का चौथा तो इंस्टॉलमेंट आने वाला है जिसमें इस फिल्म को लीड करेंगे विजय सेतुपति जहां पे सुंदर सी इसको डायरेक्ट करने वाले और वही प्रोड्यूस करेंगे फिल्म को लेकिन विजय सेतुपति की और और भी कई कमिटमेंट थी जिसके चलते वो इस प्रोजेक्ट के साथ जुड़ नहीं पाए उसके बाद में सुंदर सिंह ने खुद लीड रोल करने का फैसला लिया लेटर ऑन मार्च दो में ऑफिशियली राशिक खन्ना और तमन्ना भाटिया को लीड एक्ट्रेस के लिए अप्रोच किया गया उनको कंफर्म किया गया उसके बाद में संतोष प्रसाद को प्रताप को क्या पाइवटल रोल के लिए सिक्योर किया गया को योगी बाबू वी टी गणेश दिल्ली गणेश राजेंद्रन सिंगम पोली को भी इस फिल्म में इंपॉर्टेंट रोल के लिए अप्रोच किया गया जहाँ पे तेलुगु में जो इस फिल्म को पार्सिय रिसोट किया हुआ है जहाँ पे विनिला किशोर श्रीनिवास रेड्डी ने योगी बाबू और वी टी गणेश का रोल रिप्लेस किया हुआ है एडिशनली जो सुंदर सी का जो म्यूजिक का कॉर्डियो का, का, है हिप हॉप तमिला उनके साथ एक और का, का प्रोजेक्ट जुड़ा क्योंकि इससे पहले उन्होंने काफ़ी फिल्मों में साथ में काम किया हुआ है इस फिल्म की प्रिंसिपल ऑफ़ फोटोग्राफी मार्च 2023 में स्टार्ट करवाई गई थी मिड सितंबर तक रेप अप करवाई गई सीबीएफसी जो बोर्ड है सेंसर बोर्ड वहाँ पे इस फिल्म को यू सर्टिफिकेट मिला गया एक मिनट बाईस सेकंड का रन टाइम सेंसर करवाया गया जहाँ पे तेलुगु वर्जन को एक मिनट और सात सेकंड का सेंसर करवाया गया जहाँ पे यू सर्टिफिकेट फिल्म को दिया हुआ था म्यूज़िक डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो फिल्म में तमिल वर्जन में पांच गाने सुनने को मिलेंगे तेलुगु में चार जहाँ पे तमिल ट्रैक लिस्टिंग में टोटल लेंथ है वो है सोलह मिनट तैंतीस सेकंड तेलुगु का जो साउंड ट्रैक है उसकी लेंथ है तेरह मिनट सैंतालीस से सेकंड तो इसके रेट थिंक म्यूजिक ने खरीदे थे हिप हॉप तमिल ने म्यूजिक दिया हुआ था मार्च से सितंबर 2023 के बीच में इसको रिकॉर्ड किया गया था ट्रैक लिस्टिंग करें तो चो चो करके जो गाना है उसको विघनेश श्रीकांत ने लिखा हुआ था करिश्मा रविचंद्रन और श्रीनिवास श्रीनिवासिलान ने उसको गाया हुआ था जो जो गाने को को शेसा ने लिखा था मीनाक्षी इलाया राजा ने उसको गाया था अमन गाने को मुतामिल ने लिखा हुआ था अरुणा रविचंद्रन वी महालिंगम ने उसको गाया हुआ था गाने को ऐसा ने लिखा हुआ था कौशिक क्रिस और चंद्रा ने गाया हुआ था। कोश को तमिला ने गाया गाया हुआ हुआ था था को तो ये टोटल तमिल वर्जन में पांच ट्रैक तैयार किए गए थे जिसकी लेंथ थी सोलह मिनट तेसी सेकंड इन सभी गानों को तीन मई 2024 तक ऑफिशियली वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में सभी वर्जन में थिंक म्यूजिक के द्वारा रिलीज करवाए हुए थे ये सभी गाने उनके यूट्यूब चैनल के ऊपर आप बिल्कुल फ्री में वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में सुन सकते हो अब थोड़ी बहुत कहानी के ऊपर चर्चा करें तो इस फिल्म को तेलुगु में बाक नाम दिया हुआ है बाकी सभी वर्जन में ये फिल्म अरन वन फोर के नाम से रिलीज़ की गई है जहाँ पे सुंदरसी का जो कैरेक्टर है शिवशंकर जिसको तेलुगु में शिवशंकर नाम दिया हुआ है वैसे उनका नाम सर्वानन है फिल्म में जो सिंसियर लॉयर है किसी एक दिन उसको पता चलता है कि उनकी बहन जो शिव बहन है शिवानी उसने सुसाइड कर लिए शिवानी का रोल प्ले करे तमन्ना इस न्यूज़ को सुनते ही सर्वानंद पूरी तरह से शौक हो जाता है दूसरी तरफ शिवानी का हस्बैंड भी कुछ मिस्टीरियस तरीके से जंगल में मर जाता है तो सर्वानंद को इन सभी चीज़ों के ऊपर विश्वास नहीं होता है अपनी बहन का जो एक्सट्रीम स्टेप लिया हुआ है उसमें भी उसको भरोसा नहीं हो रहा है तो ये सभी चीज़ें उसको थोड़ी ऐसी लग रही है कि ऊपर ऊपर से ढकी ढकी है कुछ इसके पीछे और कोई रीज़न हो सकता है या किसी और ने मर्डर किया होगा तो ये सभी चीज़ों को प्रॉपर क्लेरिफाई करने के लिए इस मिस्ट्री इस चीज़ को क्लेरिफाई करने के लिए वो डिसाइड करते हैं कि वो इस डेथ के पीछे शिवानी और उसके हस्बैंड के जो डेथ हुए उसके पीछे क्या रीज़न है उसको ढूंढने के लिए वो निकल जाता है जहाँ पे बाकी की कहानी यही है कि किस तरह से सर्वानंद इस मिस्टीरियस चीज़ों को सोल्व करता है और ये जो घटनाएँ घटी है उसको हमारे सामने पेश कर पाता है इस फिल्म में यानी कि अरउंड फ्रेंचाइज में जिस तरह से जो चीज़ें आपने अभी तक देखी है उसमें ये फिल्म पूरी तरह से टेक्निकली काफ़ी बढ़िया नज़र आती है पहले तीन फिल्मों के मुकाबले इस फिल्म में टेक्निकल टेक्निकलीसपे काफ़ी मज़बूत थे विजअल्स बैकग्राउंड स्कोर प्रोडक्शन वैल्यू काफ़ी बढ़िया तरीके से एक्सट्रीम लेवल्स के ऊपर इसको केयर किया हुआ है मेकर्स ने काफ़ी बढ़िया पैसा डाला हुआ ऐसा नज़र आ रहा है हर एक फ्रेम में क्वालिटी नज़र आ रही थी हॉरर इफेक्ट थे उसको काफ़ी नीटली डन किया हुआ था बैकग्राउंड स्कोर जो दिया हुआ था हिप हॉप ने वो काफ़ी बढ़िया तरीके से स्क्रेक स्केरी मोमेंट्स थे उसको एक का एनहेंस करके इम्पैक्ट डालता हुआ नजर आता है मूवी में कई सारे ऐसे सीन्स थे जो काफ़ी बढ़िया तरीके से डायरेक्टर ने एग्जीक्यूट किए हुए हैं इंटरवल का जो पोर्सन था वो भी काफ़ी बढ़िया तरीके से हैंडल किया गया था इंटरेस्टिंग इवेंट्स जो सीरीज में दिखाए हुए हैं जब फिल्म आधे दूर तक पहुंचती है जिस तरह से आपकी क्यूरियोसिटी डायरेक्टर बना के रखते हैं इंटरवल तक वो सभी चीज़ें काफ़ी बढ़िया तरीके से हैंडल की हुई है इस फिल्म में कुछ एक्साइटिंग मोमेंट्स देखने को मिलते हैं जिस तरह से सेकंड हाफ में पहले पार्ट में पहले हाफ़ में जो सभी चीज़ें दिखाई हुई है फर्स्ट हाफ में उसको सेकंड हाफ़ में किस तरह से वो ज्वाइंट करते हैं इंटरवल के बाद उन डोट को कनेक्ट करके जिस तरह हमारे सामने पे पेश किया जाता है वो काफ़ी बढ़िया नज़र आता है सुंदर सी इस फिल्म में लीड रोल में देखने को मिलते हैं उनका जो प्रोटोकॉनिस वाला किरदार था उसमें वो काफ़ी बढ़िया नज़र आए तमाम खन्ना भाटिया को एक अच्छा खासा ब्रीफ रोल दिया गया था जहां पे वो अपने रोल के साथ अपना प्रेजेंस डिलीवर करते हुए राशि खन्ना को एक डिसेंट रोल रोल मिला हुआ था अपने रोल के साथ वो काफ़ी बढ़िया नजर आती है ओवरऑल जो सपोर्टिंग कास्ट थी उन्होंने भी बढ़िया काम किया हुआ है इस फिल्म का मेन इश्यू यही है कि इस फिल्म में जो स्टोरी लाइन चल रही थी काफी बढ़िया स्टोरी लिखी हुई थी स्क्रीन प्ले भी अच्छा लिखा होता लेकिन उसके बीच में अनवॉन्टेड कॉमेडी ट्रेक आते जो पंद्रह बीस साल पहले फिल्मों में आया करते थे ऐसे जो शायद लगता है कि उन्होंने वैसे भी ये सीरीज मास ऑडियंस के लिए बनाए हुए तो उनको ध्यान में रखती हुई सभी चीज़ें क्लिक करके डाली होगी ये इस्लेफ्टिक कॉमेडी ज़्यादातर सीनों में वर्क नहीं करते इरीटेशन वाला फील नज़र आता है कुछ फन सीन्स डेफिनेटली इस फिल्म में दिए हुए लेकिन उसमें ये का अननेसेसरी कॉमेडी कुछ ऐसी चीज़ें वो उसका इम्पेक्ट है वो डाइल्यूट करती हुई नज़र आती है क्लाइमेक्स में जिस तरह से जो चीज़ें देखने को मिलती है वो भी उतने कुछ खास करके वर्क नहीं करते कॉमेडी एंगल से इसके अलावा इस फिल्म में अरण फ्रेंचाइज में जो दूसरी फिल्में जिस तरह से वो एक रूटीन टेम्पलेट होते वही रूटीन टेम्पलेट के साथ इस यूनिक स्टोरी को डिलीवर किया होता कुछ नयापन आपको देखने को नहीं नज़र आएगा रूटीन प्लॉट को जिस तरह से शुगर क्लॉट करके ट्विस्ट और टर्न्स के साथ गुड टेक्निक के साथ हमारे सामने पेश किया वो बढ़िया था लेकिन जो चीज़ें थी वो कहीं हद तक उसमें हमें पता चल जाता था प्रिडिक्टेबल नजर आ जाती थी ये फिल्म पूरी तरह से एक प्रिडिक्टेबल नज़र आएगी इमोशनल डेप्थ की कमी नज़र आती है कॉमेडी अननेसेसरी डाली हुई थी जिसके चलते फिल्म की जो मेन मोटिव है वो डायल्यूट होता हुआ नजर आता है सेकंड हाफ में फिल्म स्लो डाउन काफ़ी हो जाती है सॉन्ग्स जो डाले हुए उसकी भी कुछ खास जरूरत नहीं थी उसको एवॉइड किया जा सकता था एडिटिंग फिल्म की और की जा सकती थी ये फिल्म आ, आसानी से दस मिनट जितनी और छोटी की जा सकती थी तो ओवरऑल देखा जाए तो बा किया अरन मने फोर टेक्निकली अच्छी खासी बनी हुई फिल्म है बैकग्राउंड स्कोर भी काफ़ी दमदार नजर आएगा जो सीन्स को एनहेंस कर रहा था सिनेमेटोग्राफी भी जिस तरह से शोकेस किया है जो विजुअल्स देखने को मिलती है वो काफ़ी बढ़िया था प्रोडक्शन वैल्यू इस फिल्म की काफ़ी बड़ी और अच्छी नज़र आती है एडिटिंग फिल्म की थोड़ी बेहतर हो सकती थी डायरेक्टर सुंदर सिंह ने रूटीन स्टोरी लेते हुए जिस तरह से अपना एंगेजिंग नेरेट की नेरेशन दिया हुआ है कुछ पार्ट्स में काफ़ी बढ़िया तरीके से वर्क करता है वहीं पर कुछ जगह पे ये चीज़ें कुछ खास वर्क कर नहीं पाती है जहाँ पे इस फिल्म में हॉरर एलिमेंट इंटरेस्टिंग थे लेकिन कॉमेडी पोर्शंस को जिस तरह से शोकेज किया वो सभी चीज़ें बगा बिगाड़ देती है सुंदर सी की तरफ से अननेसेसरी कॉमेडी सीन्स अगर नहीं आते तो ये फिल्म और बेटर इंपेक्ट डाल सकती थी कुल मिला एक रूटीन स्टोरी लाइन के साथ ये फिल्म आई हुई है जहाँ पे डेफिनेटली हॉरर एलिमेंट आपको पसंद आएंगे और दी टॉप कॉमेडी सिक्वेंस को आपको थोड़ा बहुत इग्नोर करना पड़ेगा अदरवाइज वन टाइम वॉचेबल ये फिल्म है अरन मने फोर या बाग फिल्म को ऑफिशियली तमिल तेलुगू इन सभी वर्जन्स में चालीस करोड़ के बजट के साथ यू सर्टिफिकेट लेते हुए तीन मई दो को रिलीज़ किया था जब यह फिल्म रिलीज़ हुई तब क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से काफ़ी मिक्सड तो पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया जिसके चलते इस फिल्म ने आई के ऊपर करीबन करीबन उन्नीस वोट हासिल किए जिसमें इक्यावन सौ पाँच पॉइंट एक ये की रेटिंग हासिल की दस में से अरन मने फोर ने अपने पहले वीक में अपने पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ के चलते मास ऑडियंस के चलते पचास करोड़ का वर्ल्ड वाइड वीकली हुआ था से, बाद में सेकंड वीक तक पहुंचते पहुंचते फिल्म पिछहत्तर करोड़ तक पहुंच गए उसके बाद में इस फिल्म में इस फिल्म फिल्म ने ने अपना जो थिएट्रिकल रन रन कंप्लीट किया उस में चालीस करोड़ के बजट के सामने सौ करोड़ से ज्यादा का ग्रोस कलेक्शन किया और बॉक्स ऑफिस पर फिल्म काफी बड़ी सक्सेसफुल फिल्म साबित हुई और वन ऑफ दी तमिल लैंग्वेज में भी जो पिछली कुछ फिल्में आई है दो वन ऑफ में उसमें ग्रोसिंग फिल्म साबित हुई और साथ ही में जो ये फ्रेंचाइज से फोर तक की उसमें सबसे ज्यादा पैसे कमाने वाली फिल्म साबित हुई तो इस तरह से इस फिल्म ने काफी कई सारे रिकॉर्ड्स क्रेक किए जब ये फिल्म ओ पे प्रीमियर करवाई गई वहाँ पर भी इस फिल्म ने काफ़ी बढ़िया रिस्पॉन्स हासिल किया जहाँ पर इस फिल्म ने ओ रिलीज़ जब ली तब काफ़ी बढ़िया व्यूज़ हासिल किए थे जहाँ पे अरन मनेई फोर फिल्म को अगर आपको साउथ इंडियन लैंग्वेज जैसे कि तमिल तेलगू कन्नडा मलयालम और हिंदी में देखना है तो डिजनी प्लस होट स्टार के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल सब्सक्रिप्शन देख सकते हो हिंदी वर्जन के ओ टी टी राइट जियो सिनेमा के पास है टी स्थ्रीम टी थ्री स्ट्रीमिंग वालों ने उनको बेचे हुए हैं तो जियो सिनेमा के ऊपर ये फिल्म बिल्कुल फ्री में प्रीमियर करवाई हुई है तो अरन मने फोर फिल्म हिंदी डब वर्जन में आपको बिल्कुल फ्री में देखने को मिल जाएगी जियो सिनेमा का जियो सिनेमा के ऊपर विदाउट लॉग इन चार वर्जन में देखने को मिलेगी English subtitle, वहीं पे इस फिल्म का डब वर्जन आपको बिल्कुल फ्री में जियो सिनेमा के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल आसानी से देखने को मिल जाएगा वहां पर फिल्म आप आसानी से हिंदी डब में इंजॉय कर पाओगे तो इस तरह से अरन मने फोर फिल्म आप ऑफिशियली टी टी और सैटेलाइट प्लेटफॉर्म के ऊपर पांच ही लैंग्वेज जैसे कि हिंदी तमिल तेलुगु, कन्नड़ा मलयालम इन सभी वर्जन में इंजॉय कर पाओगे जहां पे मेनली हिंदी वर्जन आपको बिल्कुल फ्री में देखने को मिलेगा जियो सिनेमा के ऊपर अरन मनई फॉर यानी कि पेलेस फॉर ये एक दो की इंडियन तमिल लैंग्वेज कॉमेडी हॉरर फिल्म है फिल्म को पहले तमिल और तेलुगु वर्जन में रिलीज़ किया गया था लेटर ऑन बाकी सभी वर्जन में डब करके थिएट्रिकली इस फिल्म को रिलीज़ किया हुआ था जहाँ पे तेलुगु वर्जन में इस फिल्म को बाग नाम दिया हुआ था अदरवाइज सभी लैंग्वेज में इस फिल्म को अरन मनई फोर ही नाम दिया हुआ है इस फिल्म का जो हिंदी वर्जन है वो टी थ्री स्ट्रीमिंग के द्वारा प्रोड्यूस किया गया था उनके ही द्वारा डब किया गया था जहाँ पे ओरिजिनल प्रोड्यूसर्स के ऊपर बातचीत करें तो खुशबू सुंदर ए सी सनमुगन ए सी एस अरुण कुमार ने इस फिल्म को अवनी सिनेमेक्स और बेंस मीडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के नीचे करीबन चालीस करोड़ जितने हाई बजट में बनाया हुआ था ये फिल्म जो अरन मने फिल्म सीरीज़ है उसका चौथा पार्ट है इसके पहले की जो तीन पार्ट है वो भी एक से बढ़कर एक हिट हुए हैं जहाँ पे 2014 में पहला पार्ट आया हुआ था जिसमें सुंदर सिंह खुद लीड रोल में थे अरन मने टू में भी वो खुद लीड रोल में और डायरेक्टर भी थे जो दो में रिलीज़ किया गया था 2021 में इसका तीसरा पार्ट आया था वो भी काफ़ी सक्सेसफुल साबित हुआ था और जो 2024 का पार्ट आया हुआ है वो उससे भी बड़ा काफ़ी बड़ा सक्सेसफुल साबित हुआ है मेनली उसकी कहानी की वजह से जिस तरह से उसको पेश किया था उसकी वजह से इस फिल्म को डरेक्ट किया हुआ है सुंदर सिंह ने लिखा हुआ है सुंदर सिंह ने जहाँ पे वेंकट राघवन और एस बी रामदास ने भी उसमें राइटिंग में मदद की हुई है स्क्रीन प्ले वो सुंदर सिंह का था एडिशनल स्क्रीन प्ले वेंकट राघवन ने लिखा हुआ है स्टोरी आइडिया ओरिजिनल स्टोरी लाइन थी वो खुद सुंदर सी की थी तो इस तरह से इस फिल्म में सुंदर सी ने अपना पूरा काम दिया हुआ है वहीं पे उनकी वाइफ ने इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है जहाँ पे ये फिल्म है वो उनके ही द्वारा डिस्ट्रीब्यूट करवाई गई थी इसके अलावा इस फिल्म की कास्टिंग के ऊपर बातचीत करें तो सुंदर सी तमन्ना भाटे और राशिक खन्ना लीड रोल में देखने को मिलेंगे टेक्निकल टीम के ऊपर बात बातचीत करें तो सिनेमाटोग्राफी वो ई कृष्णा सामी ने किए हुई है फिल्म को फेनी ओलिवर ने एडिट किया हुआ है जिन्होंने एक मिनट यानी कि दो घंटे और 27 मिनट का रन टाइम दिया हुआ है सेंसर बोर्ड की तरफ से फिल्म को यू ए सर्टिफिकेट मिला हुआ था म्यूज़िक में हिप ऑप तमिला ने बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स दोनों कंपोज किए हुए म्यूजिक के जो राइट्स वो थिंक म्यूजिक वालों ने एक अच्छी प्राइज़ में खरीदे हुए थे उन्होंने तमिल तेलुगु दोनों वर्जन के गानों को ऑफिशियली रिलीज़ करवाया हुआ है इसके अलावा इस फिल्म के कास्टिंग के ऊपर बातचीत करें कौन सा एक्टर कौन सा रोल प्ले रहा है उसके ऊपर तो इस फिल्म में सुंदर सी आपको एडवोकेट सर्वानंद के रोल में लीड रोल में देखने को मिलेंगे तमन्ना भाटिया ने सेल्वी का रोल प्ले किया हुआ है जो सर्वानंद की यंगर सिस्टर है डॉक्टर माया का रोल राशि खन्ना को दिया गया था स्वामी का रोल रामचंद्र राजू ने प्ले किया हुआ है संतोष जो सेल्वी का हस्बैंड है वो रोल संतोष प्रताप ने प्ले किया हुआ है सर्वानंद की जो आंट है उसका रोल को सरला ने प्ले किया हुआ है मैसौन का रोल है वो योगी बाबू ने प्ले किया हुआ है कारपेंटर के रोल में वी टी गणेश देखने को मिलेंगे माया के ग्रैंडफादर जो जमींदार थे वो रोल दिल्ली गणेश ने प्ले किया हुआ है विलेज के जो प्रेसिडेंट है वर्था राजन एस वो रोल जया प्रकाश ने प्ले किया हुआ है फेडरिक जॉनसन इस फिल्म में रवि के रोल में देखने को मिलेंगे जो वर्धा राजन है उसके बेटे का रोल था वो राजेंद्रन ने रत्नम का रोल प्ले किया हुआ है सिंगम ने कॉन्स्टेबल ए शक्तिवेल का रोल प्ले किया हुआ है देवानंदा ने शक्ति यानी कि सेल्वी की डॉटर का रोल प्ले किया हुआ है इसके अलावा इस फिल्म में और भी सपोर्टिंग कास्ट देखने को मिलते हैं जहां पे सर्वानंद जूनियर का रोल संजय ने प्ले किया हुआ है जमींदार के सर्वण का लो, रोल लोलू लो, सभा सेसु ने प्ले किया हुआ है विचू विश्वनाथ ने मनी लेंडर का रोल प्ले किया है यातिन कार्यकर ने इसमें पृष्ठ का रोल प्ले किया है नमो नारायणा ने इस फिल्म में के दुराई पांडे का रोल प्ले किया है जयश्री चाकी ने इस फिल्म में सेल्वी का रोल प्ले किया जो दुराई पांडे की बेटी का रोल था हर्षा हरीश ने इस फिल्म में प्रष्ट के बेटी का रोल प्ले किया हुआ है इसके अलावा तेलुगू वर्जन में आपको जो योगी बाबू वाला मैसोन का किरदार था वो वेनोला के प्ले करते हुए नजर आएंगे और श्रीनिवास रेड्डी ने कारपेंटर जो वी टी विकनेस वाला किरदार था वो प्ले किया हुआ है इसके अलावा कुछ कमियोज देखने को मिलते हैं जहाँ पे के एस रवि कुमार ने डी एस पी एस जगदीशन के रोल में कैमियो दिया हुआ है खुशबू सुंदर ने अमन गाने में कैमियो दिया हुआ है उनके साथ सिमरन ने भी उस गाने में कैमियो दिया हुआ है तो ये फिल्म की लीड प्रोमिनेंट कास्ट जिन्होंने इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले किए हुए हैं प्रोडक्शन की ओर बढ़ते मिड जनवरी 2023 में कुछ अनाउंसमेंट आ रही आई थी जहां पे बताया जा रहा था कि केरल में नई फिल्म सीरीज का चौथा तो इंस्टॉलमेंट आने वाला है जिसमें इस फिल्म को लीड करेंगे विजय सेतुपति जहाँ पे सुंदर सी इसको डिरेक्ट करने वाले और वही प्रोड्यूस करेंगे फिल्म को लेकिन विजय सेतुपति की और और भी कई कमिटमेंट थी जिसके चलते वो इस प्रोजेक्ट के साथ जुड़ नहीं पाए उसके बाद में सुंदर सी ने खुद लीड रोल करने का फैसला लिया लेटर ऑन मार्च दो में ऑफिशियली राशि खन्ना और तमन्ना भाटिया को लीड एक्ट्रेस के लिए अप्रोच किया गया उनको कंफर्म किया गया उसके बाद में संतोष प्रसाद को प्र प्रताप को क्या पाइवटल रोल के लिए सिक्योर किया गया को सला योगी बाबू वी टी गणेश दिल्ली गणेश राजेंद्रन सिंगम पोली को भी इस फिल्म में इंपॉर्टेंट रोल के लिए अप्रोच किया गया जहाँ पे तेलुगु में जो इस फिल्म को पार्सियली रिसोट किया हुआ है जहाँ पे विनी किशोर श्रीनिवास रेड्डी ने योगी बाबू और वी टी गणेश का रोल रिप्लेस किया हुआ है एडिसनली जो सुंदर सी का जो म्यूजिक का का कॉडियो है हिप हॉप तमिला उनके साथ एक और का, का प्रोजेक्ट जुड़ा क्योंकि इससे पहले उन्होंने काफ़ी फिल्मों में साथ में काम किया हुआ है इस फिल्म की प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी मार्च 2023 में स्टार्ट करवाई गई थी मिड सितंबर तक रेपअप करवाई गई सीबीएफसी जो बोर्ड है सेंसर बोर्ड वहाँ पे इस फिल्म को यू सर्टिफिकेट मिला गया एक मिनट बाईस सेकंड का रन टाइम सेंसर करवाया गया जहाँ पे तेलुगु वर्जन को एक मिनट और सात सेकंड का सेंसर करवाया गया जहाँ पे यू सर्टिफिकेट फिल्म को दिया हुआ था म्यूज़िक डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो फिल्म में तमिल वर्जन में पांच गाने सुनने को मिलेंगे तेलुगू में चार जहाँ पे तमिल ट्रैक लिस्टिंग में टोटल लेंथ है वो है सोलह मिनट तैंतीस सेकंड तेलुगु का जो साउंड ट्रैक है उसकी लेंथ है तेरह मिनट सैंतालीस से सेकंड तो इसके रेट थिंक म्यूजिक ने खरीदे थे हिप हॉप तमिल ने म्यूजिक दिया हुआ था मार्च से सितंबर 2023 के बीच में इसको रिकॉर्ड किया गया था ट्रैक लिस्टिंग करें तो चोच्चो करके जो गाना है उसको विघ्नेश श्रीकांत ने लिखा हुआ था करिश्मा रविचंद्रन और श्रीनिवास श्रीनिवासिलान ने उसको गाया हुआ था जो जो गाने को को ने लिखा था मीनाक्षी इलाया राजा ने उसको गाया था अमन गाने को मुतामिल ने लिखा हुआ था अरुणा रविचंद्रन वी महालिंगम ने उसको गाया हुआ था ओइले ओइले गाने को ऐसा ने लिखा हुआ था कौशिक क्रिस और स्निग्धा चंद्रा ने गाया हुआ था गोश्त थीम को हिप हॉप तमिला ने गाया हुआ था तो ये टोटल तमिल वर्जन में पाँच ट्रैक तैयार किए गए थे जिसकी लेंथ थी सोलह मिनट तेईसी सेकंड इन सभी गानों को तीन मई दो तो तक ऑफिशियली वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में सभी वर्जन में थिंक म्यूजिक के द्वारा रिलीज़ करवाए हुए थे, थे ये सभी गाने उनके यूट्यूब चैनल के ऊपर अब बिल्कुल फ्री में वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में सुन सकते हो अब थोड़ी बहुत कहानी के ऊपर चर्चा करें तो इस फिल्म को तेलुगु में बाक नाम दिया हुआ है बाकी सभी वर्जन में ये फिल्म अरन बनेक फोर के नाम से रिलीज़ की गई है जहाँ पे सुंदर सी का जो कैरेक्टर है शिवशंकर जिसको तेलुगु में शिवसंघ का नाम दिया है वैसे उनका नाम सर्वानंद है फिल्म में जो सिंसियर लॉयर है किसी एक दिन उसको पता चलता है कि उनकी बहन जो शिव बहन है शिवानी उसने सुसाइड कर लिए शिवानी का रोल प्ले करे तमन्ना इस न्यूज़ को सुनते ही सर्वानंद पूरी तरह से शौक़ हो जाता है दूसरी तरफ शिवानी का हस्बैंड भी कुछ मिस्टीरियस तरीके से जंगल में मर जाता है तो सर्वानंद को इन सभी चीज़ों के ऊपर विश्वास नहीं होता है अपनी बहन का जो एक्सट्रीम स्टेप लिया हुआ है उसमें भी उसको भरोसा नहीं हो रहा है तो ये सभी चीज़ें उसको थोड़ी ऐसी लग रही है कि ऊपर ऊपर से ढकी ढकी है कुछ इसके पीछे और कोई रीजन हो सकता है या किसी और ने मर्डर किया होगा तो ये सभी चीज़ों को प्रॉपर क्लेरिफाई करने के लिए इस मिस्ट्री इस चीज़ को क्लेरिफाई करने के लिए वो डिसाइड करते हैं कि वो इस डेथ के पीछे सिवानी और उसके हस्बैंड के जो डेथ हुए उसके पीछे क्या रीज़न है उसको ढूंढने के लिए वो निकल जाता है जहाँ पे बाकी की कहानी यही है कि किस तरह से सर्वानंद इस मिस्टीरियस चीज़ों को सोल्व करता है और ये जो घटनाएँ घटी है उसको हमारे सामने पेश कर पाता है इस फिल्म में यानी कि अरण मन फ्रेंचाइज में जिस तरह से जो चीज़ें आपने अभी तक देखी है उसमें ये फिल्म पूरी तरह से टेक्निकली काफ़ी बढ़िया नज़र आती है पहले तीन फिल्मों के मुकाबले इस फिल्म में टेक्निकल टेक्निकलीसपे काफ़ी मज़बूत थे विजुअल्स बैकग्राउंड्स को और प्रोडक्शन वैल्यू काफ़ी बढ़िया तरीके से एक्सट्रीम लेवल्स के ऊपर इसको केयर किया हुआ है मेकर्स ने काफ़ी बढ़िया पैसा डाला हुआ ऐसा नज़र आ रहा है हर एक फ्रेम में क्वालिटी नजर आ रही थी हॉरर इफेक्ट थे उसको काफ़ी नीटली डन किया हुआ था बैकग्राउंड स्कोर जो दिया हुआ था हिप हॉप तमिला ने वो काफ़ी बढ़िया तरीके से स्क्रेक स्केरी मोवमेंट्स थे उसको एक अनहेंस करके इम्पेक्ट डालता हुआ नज़र आता है मूवी में कई सारे ऐसे सीन्स थे जो काफ़ी बढ़िया तरीके से डायरेक्टर ने एग्जीक्यूट किए हुए प्री इंटरवल का जो पोर्सन था वो भी काफ़ी बढ़िया तरीके से हैंडल किया गया था इंटरेस्टिंग इवेंट्स जो सीरीज़ में दिखाए हुए है जब फिल्म आधे दूर तक पहुंचती है जिस तरह से आपकी क्यूरियोसिटी डायरेक्टर बना के रखते हैं इंटरवल तक वो सभी चीज़ें काफ़ी बढ़िया तरीके से हैंडल की हुई है इस फिल्म में कुछ एक्साइटिंग मोमेंट्स देखने को मिलते हैं जिस तरह से सेकंड हाफ़ में पहले पार्ट में पहले हाफ़ में जो सभी चीज़ें दिखाई हुई है फर्स्ट हाफ में उसको सेकंड हाफ़ में किस तरह से वो ज्वाइंट करते हैं इंटरवल के बाद उन रोड को कनेक्ट करके जिस तरह से हमारे सामने पे पेश किया जाता है वो काफ़ी बढ़िया नज़र आता है सुंदर सी इस फिल्म में लीड रोल में देखने को मिलते हैं उनका जो प्रोटोकोनिस वाला किरदार था उसमें वो काफ़ी बढ़िया नज़र आए तमन भाटिया को एक अच्छा खासा ब्रीफ रोल दिया गया था जहां पे वो अपने रोल के साथ अपना प्रेजेंस इंपेक्टफुली डिलीवर करते हुए नजर आती है राशि खन्ना को एक डिसेंट रोल मिला हुआ था अपने रोल के साथ वो काफी बढ़िया नजर आती है ओवरऑल दूसरी जो सपोर्टिंग कास्ट थी उन्होंने भी बढ़िया काम किया हुआ है इस फिल्म का मेन इश्यू यही है कि इस फिल्म में जो स्टोरी लाइन चल रही थी काफी बढ़िया स्टोरी लिखी हुई थी स्क्रीन प्ले भी अच्छा लिखा होता था लेकिन उसके बीच में अनवॉन्टेड कॉमेडी ट्रेक आते जो पंद्रह बीस साल पहले फिल्मों में आया करते थे ऐसे जो शायद लगता है कि उन्होंने वैसे भी ये सीरीज मास के लिए बनाए हुए तो उनको ध्यान में रखती हुई सभी चीज़ें क्लिक करके डाली होगी ये स्टेफ्टिक कॉमेडी ज़्यादातर सीनों में वर्क नहीं करते इरिटेशन वाला फील नजर आता है कुछ फन सीन्स डेफिनेटली इस फिल्म में दिए हुए लेकिन उसमें ये का अननेसेसरी कॉमेडी कुछ ऐसी चीज़ें वो उसका इंपेक्ट है वो डाइल्यूट करती हुई नजर आती है क्लाइमेक्स में जिस तरह से जो चीज़ें देखने को मिलती है वो भी उतने कुछ खास करके वर्क नहीं करते कॉमेडी एंगल से इसके अलावा इस फिल्म में अरण मनी फ्रेंचाइज में जो दूसरी फिल्में जिस तरह से वो एक रूटीन फेर टेम्पलेट होते वही रूटीन टेम्पलेट के साथ इस यूनिक स्टोरी को डिलीवर किया होता कुछ नयापन आपको देखने को नहीं नज़र आएगा रूटीन प्लॉट को जिस तरह से शुगर क्रॉट करके ट्विस्ट और टर्न्स के साथ गुड टेक्निक के साथ हमारे सामने पेश किया वो बढ़िया था लेकिन जो चीज़ें थी वो कहीं हद तक उसमें हमें पता चल जाता था प्रिडिक्टेबल नज़र आ जाती थी ये फिल्म पूरी तरह से एक प्रिडिक्टेबल नज़र आएगी इमोशनल डेप्थ की कमी नज़र आती है कॉमेडी अननेसेसरी डाली हुई थी जिसके चलते फिल्म की जो मेन मोटिव है वो डायलिट होता हुआ नजर आता है सेकंड हाफ में फिल्म स्लो डाउन काफी हो जाती है सॉन्ग्स जो डाले हुए हैं उसकी भी कुछ खास जरूरत नहीं थी उसको एवॉइड किया जा सकता था एडिटिंग फिल्म की और की जा सकती थी ये फिल्म आ, आसानी से दस मिनट जितनी और छोटी की जा सकती थी तो ओवरऑल देखा जाए तो बा किया अरन मने फॉर टेक्निकली अच्छी खासी बनी हुई फिल्म है बैकग्राउंड स्कोर भी काफ़ी दमदार नजर आएगा जो सीन्स को एनहेंस कर रहा था सिनेमेटोग्राफी भी जिस तरह से शोकेस किया है जो विजुअल्स देखने को मिलती है वो काफी बढ़िया था प्रोडक्शन वैल्यू भी फिल्म की काफ़ी बड़ी और अच्छी नजर आती है एडिटिंग फिल्म की थोड़ी बेहतर हो सकती थी डायरेक्टर सुंदर सिंह ने रूटीन स्टोरी लेते हुए जिस तरह से अपना एंगेजिंग नेरेशन नेरे दिया हुआ है कुछ पार्ट्स में काफ़ी बढ़िया तरीके से वर्क करता है वहीं पर कुछ जगह पर ये चीज़ें कुछ खास वर्क कर नहीं पाती है जहाँ पर इस फिल्म में हॉरर एलिमेंट इंटरेस्टिंग थे लेकिन कॉमेडी पोर्संस को जिस तरह शोकेस किया वो सभी चीज़ें बगा बिगाड़ देती है सुंदर सी की तरफ से अननेसेसरी कॉमेडी सीन्स अगर नहीं आते तो ये फिल्म और बेटर इम्पेक्ट डाल सकती थी कुल मिला एक रूटीन स्टोरी लाइन के साथ ये फिल्म आई हुई है जहाँ पे डेफिनेटली हॉरर एलिमेंट आपको पसंद आएंगे और दी टॉप कॉमेडी सिक्वेंस को आपको थोड़ा बहुत इग्नोर करना पड़ेगा अदरवाइज वन टाइम वॉचेबल ये फिल्म है अरन मने फोर या बाग का फिल्म को ऑफिशियली तमिल तेलुगु इन सभी वर्जन्स में 40 करोड़ के बजट के साथ यूएस सर्टिफिकेट लेते हुए 3 मई 2024 को रिलीज़ किया था जब यह फिल्म रिलीज़ हुई तब क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से काफ़ी मिक्स्ड मिक्सड पॉजिटिव रिस्पांस आया जिसके चलते इस फिल्म ने आई के ऊपर करीबन करीबन उन्नीस वोट हासिल किए जिसमें इक्काउन सौ की रेटिंग हासिल की दस में से अरन मने फोर ने अपने पहले वीक में अपने पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ के चलते मास ऑडियंस के चलते पचास करोड़ का वर्ल्ड वाइड वीक हुआ था से, बाद में सेकंड वीक तक पहुंचते पहुंचते फिल्म पिछहत्तर करोड़ तक पहुंच गए उसके बाद में इस फिल्म ने अपना जो थिएट्रिकल रन कंप्लीट किया उस रन में इस फिल्म ने चालीस करोड़ के बजट के सामने सौ करोड़ से ज्यादा का ग्रोस कलेक्शन किया और बॉक्स ऑफिस पर फिल्म काफी बड़ी सक्सेसफुल फिल्म साबित हुई और वन ऑफ दी तमिल लैंग्वेज में भी जो पिछली कुछ फिल्में आई है दो हजार चौबीस में, में दी फिल्म साबित हुई और साथ ही में जो ये फ्रेंचाइज है से तक की उसमें सबसे ज्यादा पैसे कमाने वाली फिल्म साबित हुई तो इस तरह से इस फिल्म ने काफी कई सारे रिकॉर्ड्स करेक किए जब ये फिल्म ओ टी टी पे प्रीमियर करवाई गई वहां पर भी इस फिल्म ने काफी बढ़िया रिस्पॉन्स हासिल किया जहां पर इस फिल्म ने ओ टी टी रिलीज जब ली तब काफी बढ़िया व्यूज हासिल किए थे जहां पर अरन मने फोर फिल्म को अगर आपको साउथ इंडियन लैंग्वेजेस जैसे कि तमिल तेलुगु कन्नडा मलयालम और हिंदी में देखना है तो डिजनी प्लस होट स्टार के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन देख सकते हो हिंदी वर्जन के ओ टी टी राइट जियो सिनेमा के पास है टी स्ट्रीम टी थ्री स्ट्रीमिंग वालों ने उनको बेचे हुए हैं तो जियो सिनेमा के ऊपर यह फिल्म बिल्कुल फ्री में प्रीमियर करवाई हुई है तो अरन मनई फोर फिल्म हिंदी डब वर्जन में आपको बिल्कुल फ्री में देखने को मिल जाएगी जियो सिनेमा का जियो सिनेमा के ऊपर विदाउट लॉग इन विथ इंग्लिश सब टाइटल फिलहाल में ऑफिशियली डिजनी प्लस होटस्टार के ऊपर तमिल तेलगू कन्नड़ा मलयालम इन चार वर्जन में देखने को मिलेगी विथ इंग्लिश सब टाइटल सब्सक्रिप्शन वहीं पे इस फिल्म का हिंदी डब वर्जन आपको बिल्कुल फ्री में जियो सिनेमा के ऊपर विथ इंग्लिश सब आसानी से देखने को मिल जाएगा वहाँ पे फिल्म आप आसानी से हिंदी डब में एंजॉय कर पाओगे तो इस तरह से अरन मने फोर सैटेलाइट प्लेटफॉर्म के ऊपर पांच ही लैंग्वेज जैसे कि हिंदी तमिल तेलुगु, कन्नडा मलयालम इन सभी वर्जन में कर पाओगे जहां पर मेनली हिंदी वर्जन आपको बिल्कुल फ्री में देखने को मिलेगा जियो सिनेमा के ऊपर अरन मनई फोर यानि कि पेलेस फॉर ये एक दो की इंडियन तमिल लैंग्वेज कॉमेडी हॉरर फिल्म है फिल्म को पहले तमिल और तेलुगू वर्जन में रिलीज़ किया गया था लेटर ऑन बाकी सभी वर्जन में डब करके थिएट्रिकली इस फिल्म को रिलीज़ किया हुआ था जहाँ पे तेलुगू वर्ज़न में इस फिल्म को बाक नाम दिया हुआ था अदरवाइज सभी लैंग्वेज में इस फिल्म को अरन मनई ही नाम दिया हुआ है इस फिल्म का जो हिंदी वर्जन है वो टी थ्री स्ट्रीमिंग के द्वारा प्रोड्यूस किया गया था उनके ही द्वारा डब किया गया था जहाँ पे ओरिजिनल प्रोड्यूसर्स के ऊपर बातचीत करें तो खुशबू सुंदर ए सी सनमुगन ए सी एस अरुण कुमार ने इस फिल्म को अवनी सिनेमेक्स और बेंस मीडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के नीचे करीबन चालीस करोड़ जितने हाई बजट में बनाया हुआ था ये फिल्म जो अरन मने फिल्म सीरीज़ है उसका चौथा पार्ट है इसके पहले की जो तीन पार्ट है वो भी एक से बढ़कर एक हिट हुए हैं जहाँ पे 2014 में पहला पार्ट आया हुआ था जिसमें सुंदर सिंह खुद लीड रोल में थे अरन मने टू में भी वो खुद लीड रोल में और डायरेक्टर भी थे जो दो में रिलीज़ किया गया था 2021 में इसका तीसरा पार्ट आया था वो भी काफ़ी सक्सेसफुल साबित हुआ था और जो 2024 का पार्ट आया हुआ है वो उससे भी बड़ा काफ़ी बड़ा सक्सेसफुल साबित हुआ है मेनली उसकी कहानी की वजह से जिस तरह से उसको पेश किया था उसकी वजह से इस फिल्म को डायरेक्ट किया हुआ है सुंदर सिंह ने लिखा हुआ है सुंदर सिंह ने जहाँ पे वेंकट राघवन और एस बी रामदास ने भी उसमें राइटिंग में मदद किए हुई है स्क्रीन प्ले वो सुंदर सिंह का था एडिशनल स्क्रीन प्ले वेंकट राघवन ने लिखा हुआ है स्टोरी आइडिया ओरिजिनल स्टोरी लाइन थी वो खुद सुंदर सी की थी तो इस तरह से इस फिल्म में सुंदर सी ने अपना पूरा काम दिया हुआ है वहीं पे उनकी वाइफ ने इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है जहाँ पे ये फिल्म है वो का उनके ही द्वारा डिस्ट्रीब्यूट करवाई गई थी इसके अलावा इस फिल्म की कास्टिंग के ऊपर बातचीत करें तो सुंदर सी तमन्ना बाटे और राशिक खन्ना लीड रोल में देखने को मिलेंगे टेक्निकल टीम के ऊपर बात बातचीत करें तो सिनेमाटोग्राफी वो ई कृष्णा सामी ने किए हुई है फिल्म को फेनी ओलिवर ने एडिट किया हुआ है जिन्होंने एक मिनट यानी कि दो घंटे और 27 मिनट का रन टाइम दिया हुआ है सेंसर बोर्ड की तरफ से फिल्म को यू ए सर्टिफिकेट मिला हुआ था म्यूज़िक में हिप हॉप तमिला ने बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स दोनों कंपोज किए हुए म्यूज़िक के जो राइट्स है वो थिंक म्यूजिक वालों ने एक अच्छी प्राइज़ में खरीदे हुए थे उन्होंने तमिल तेलुगु दोनों वर्जन के गानों को ऑफिशियली रिलीज़ करवाया हुआ है इसके अलावा इस फिल्म के कास्टिंग के ऊपर बातचीत करें कौन सा एक्टर कौन सा रोल प्ले कर रहा है उसके ऊपर तो इस फिल्म में सुंदर सी आपको एडवोकेट सर्वानंद के रोल में लीड रोल में देखने को मिलेंगे तमन्ना भाटिया ने सेल्वी का रोल प्ले किया हुआ है जो सर्वानंद की यंगर सिस्टर है डॉक्टर माया का रोल राशि खन्ना को दिया गया था स्वामी का रोल रामचंद्र राजू ने प्ले किया हुआ है संतोष जो सेल्वी का हस्बेंड है वो रोल संतोष प्रताप ने प्ले किया हुआ है सर्वानंद की जो आंट है उसका रोल कोवाई सरला ने प्ले किया हुआ है मैसौन का रोल है वो योगी बाबू ने प्ले किया हुआ है कारपेंटर के रोल में वी टी गणेश देखने को मिलेंगे माया के ग्रैंडफादर जो जमींदार थे वो रोल दिल्ली गणेश ने प्ले किया हुआ है विलेज के जो प्रेसिडेंट है वर्था राजन एस वो रोल जया प्रकाश ने प्ले किया हुआ है फेडरिक जॉनसन इस फिल्म में रवि के रोल में देखने को मिलेंगे जो वर्धर राजन है, उसके बेटे का रोल था वो राजेंद्रन ने रत्नम का रोल प्ले किया हुआ है सिंगम ने कॉन्स्टेबल शक्तिवेल का रोल प्ले किया हुआ है देवानंदा ने इसमें शक्ति यानी कि सेल्वी की डॉटर का रोल प्ले किया हुआ है इसके अलावा इस फिल्म में और भी सपोर्टिंग कास्ट देखने को मिलते हैं जहां पे सर्वानंद जूनियर का रोल संजय ने प्ले किया हुआ है जमींदार के सर्वण का रोल लोलू सभा सेसु ने प्ले किया है विचू विश्वनाथ ने मनी लेंडर का रोल प्ले किया है यातिन कार्यकर ने इसमें पृष्ठ का रोल प्ले किया है नमो नारायणा ने इस फिल्म में किए दुराई पांडे का रोल प्ले किया है जयश्री चाकी ने इस फिल्म में सेल्वी का रोल प्ले किया जो दुराई पांडे की बेटी का रोल था हर्षा हरीश ने इस फिल्म में प्रष्ट के बेटी का रोल प्ले किया हुआ है इसके अलावा तेलुगू वर्जन में आपको जो योगी बाबू वाला मैसोन का किरदार था वो वेनोला के प्ले करते हुए नजर आएंगे और श्रीनिवास रेड्डी ने कारपेंटर जो वी टी वी वाला किरदार था वो प्ले किया हुआ है इसके अलावा कुछ कैमियोज देखने को मिलते हैं जहाँ पे के एस रवि कुमार ने डी एस पी एस जगदीशन के रोल में केमियो दिया हुआ है खुशबू सुंदर ने अम्मन गाने में केमियो दिया हुआ है उनके साथ सिमरन ने भी उस गाने में केमियो दिया हुआ है तो ये फिल्म के लीड प्रोमिनेंट कास्ट जिन्होंने इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले किए हुए हैं प्रोडक्शन की ओर बढ़ते मिड जनवरी 2023 में कुछ अनाउंसमेंट आ रही आई थी जहां पे बताया जा रहा था कि अरल में नई फिल्म सीरीज का चौथा तो इंस्टॉलमेंट आने वाला है जिसमें इस फिल्म को लीड करेंगे विजय सेतुपति जहां पे सुंदर सी इसको डायरेक्ट करने वाले और वही प्रोड्यूस करेंगे फिल्म को लेकिन विजय सेतुपति की और, और भी कई कमिटमेंट थे जिसके चलते वो इस प्रोजेक्ट के साथ जुड़ नहीं पाए उसके बाद में सुंदर सी ने खुद लीड रोल करने का फैसला लिया लेटर ऑन मार्च दो में ऑफिशियली राशि खन्ना और तमन्ना भाटिया को लीड एक्ट्रेस के लिए अप्रोच किया गया उनको कंफर्म किया गया उसके बाद में संतोष प्रसाद को प्रताप को क्या पाइवटल रोल के लिए सिक्योर किया गया को सला योगी बाबू वी टी वी गणेश दिल्ली गणेश राजेंद्रन सिंगम पोली को भी इस फिल्म में इंपॉर्टेंट रोल के लिए अप्रोच किया गया जहाँ पे तेलुगु में जो इस फिल्म को पार्सियली रिशोट किया हुआ है जहाँ पे विनिला किशोर श्रीनिवास रेड्डी ने योगी बाबू और वी टी गणेश का रोल रिप्लेस किया हुआ है एडिशनली जो सुंदर से का जो अब म्यूजिक कॉडियो का, 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 है हिप हॉप तमिला उनके साथ एक और का, का प्रोजेक्ट जुड़ा क्योंकि इससे पहले उन्होंने काफ़ी फिल्मों में साथ में काम किया हुआ है इस फिल्म के प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी मार्च 2023 में स्टार्ट करवाई गई थी मिड सितंबर तक रेप अप करवाई गई सीबीएफसी जो बोर्ड है सेंसर बोर्ड वहाँ पे इस फिल्म को यू सर्टिफिकेट मिला गया एक मिनट बाईस सेकंड का रन टाइम सेंसर करवाया गया जहाँ पे तेलुगु वर्जन को एक मिनट और सात सेकंड का सेंसर करवाया गया जहाँ पे यू सर्टिफिकेट फिल्म को दिया हुआ था म्यूज़िक डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो फिल्म में तमिल वर्जन में पांच गाने सुनने को मिलेंगे तेलुगू में चार जहाँ पे तमिल ट्रैक लिस्टिंग में टोटल लेंथ है वो है सोलह मिनट तैंतीस सेकंड तेलुगू का जो साउंड ट्रैक है उसकी लेंथ है तेरह मिनट सैंतालीस से सेकंड तो इसके रेड थिंक म्यूजिक ने खरीदे थे हिप हॉप तमिल ने म्यूजिक दिया हुआ था मार्च से सितंबर 2023 के बीच में इसको रिकॉर्ड किया गया था ट्रैक लिस्टिंग करें तो चोच्चो करके जो गाना है उसको विग्नेश श्रीकांत ने लिखा हुआ था करिश्मा रविचंद्रन और श्रीनिवास श्रीनिवासिलान ने उसको गाया हुआ था जो जो गाने को को ने लिखा था मीनाक्षी इलाया राजा ने उसको या था अमन गाने को मुतामिल ने लिखा हुआ था अरुणा रविचंद्रन वी महालिंगम ने उसको गाया हुआ था ओइले ओइले गाने को ऐसा ने लिखा हुआ था कौशिक क्रिस और स्निग्धा चंद्रा ने गाया हुआ था गोश्त थीम को हिप हॉप तमिला ने गाया हुआ था तो ये टोटल तमिल वर्जन में पांच ट्रैक तैयार किए गए थे जिसकी लेंथ थी सोलह मिनट तेईस सेकंड इन सभी गानों को 3 मई 2024 तक ऑफिशियली वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में सभी वर्जन में थिंक म्यूजिक के द्वारा रिलीज़ करवाए हुए थे ये सभी गाने उनके यूट्यूब चैनल के ऊपर अब बिल्कुल फ्री में वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में सुन सकते हो अब थोड़ी बहुत कहानी के ऊपर चर्चा करें तो इस फिल्म को तेलुगु में बाक नाम दिया हुआ है बाकी सभी वर्जन में ये फिल्म अरन वन एक फोर के नाम से रिलीज की गई है जहाँ पे सुंदर सी का जो कैरेक्टर है शिवशंकर जिसको तेलुगु में शिवसंघ का नाम दिया है वैसे उनका नाम सर्वानंद है फिल्म में जो सिंसियर लॉयर है किसी एक दिन उसको पता चलता है कि उनकी बहन जो शिव बहन है शिवानी उसने सुसाइड कर लिए शिवानी का रोल प्ले करे तमन्ना इस न्यूज़ को सुनते ही सर्वानंद पूरी तरह से शौक़ हो जाता है दूसरी तरफ शिवानी का हस्बैंड भी कुछ मिस्टीरियस तरीके से जंगल में मर जाता है तो सर्वानंद को इन सभी चीज़ों के ऊपर विश्वास नहीं होता है अपनी बहन का जो एक्सट्रीम स्टेप लिया हुआ है उसमें भी उसको भरोसा नहीं हो रहा है तो ये सभी चीज़ें उसको थोड़ी ऐसी लग रही है कि ऊपर ऊपर से ढकी ढकी है कुछ इसके पीछे और कोई रीज़न हो सकता है या किसी और ने मर्डर किया होगा तो ये सभी चीज़ों को प्रॉपर क्लेरिफाई करने के लिए इस मिस्ट्री इस चीज़ को क्लेरिफाई करने के लिए वो डिसाइड करते हैं कि वो इस डेथ के पीछे शिवानी और उसके हस्बैंड के जो डेथ हुए उसके पीछे क्या रीज़न है उसको ढूंढने के लिए वो निकल जाता है जहाँ पे बाकी की कहानी यही है कि किस तरह से सर्वानंद इस मिस्टीरियस चीज़ों को सोल्व करता है और ये जो घटनाएं घटी है उसको हमारे सामने पेश कर पाता है इस फिल्म में यानी कि अरण फ्रेंचाइज में जिस तरह से जो चीज़ें आपने अभी तक देखी है उसमें ये फिल्म पूरी तरह से टेक्निकली काफ़ी बढ़िया नज़र आती है पहले तीन फिल्मों के मुकाबले इस फिल्म में टेक्निकल एस्पेक्ट काफ़ी मज़बूत थे विजुअल्स बैकग्राउंड स्कोर प्रोडक्शन वैल्यू काफ़ी बढ़िया तरीके से एक्सट्रीम लेवल्स के ऊपर इसको केयर किया हुआ है मेकर्स ने काफ़ी बढ़िया पैसा डाला हुआ ऐसा नज़र आ रहा है हर एक फ्रेम में क्वालिटी नज़र आ रही थी हॉरर इफेक्ट थे उसको काफ़ी नीटली डन किया हुआ था बैकग्राउंड स्कोर जो दिया हुआ था हिप हॉप तमिला ने वो काफ़ी बढ़िया तरीके से स्क्रेक स्केरी मोमेंट्स थे उसको एक का एनहेंस करके इम्पेक्ट डालता हुआ नजर आता है मूवी में कई सारे ऐसे सीन्स थे जो काफ़ी बढ़िया तरीके से डायरेक्टर ने एग्जीक्यूट किए हुए हैं इंटरवल का जो पोर्सन था वो भी काफ़ी बढ़िया तरीके से हैंडल किया गया था इंटरेस्टिंग इवेंट्स जो सीरीज़ में दिखाए हुए जब फिल्म आधे दूर तक पहुंचती है जिस तरह से आपकी क्यूरियसिटी डायरेक्टर बना के रखते हैं इंटरवल तक वो सभी चीज़ें काफ़ी बढ़िया तरीके से हैंडल की हुई है इस फिल्म में कुछ एक्साइटिंग मोमेंट्स देखने को मिलते हैं जिस तरह से सेकंड हाफ़ में पहले पार्ट में पहले हाफ़ में जो सभी चीज़ें दिखाई हुई है फर्स्ट हाफ में उसको सेकेंड हाफ़ में किस तरह से वो ज्वाइंट करते हैं इंटरवल के बाद उन डॉट को कनेक्ट करके जिस तरह हमारे सामने पे पेश किया जाता है वो काफ़ी बढ़िया नजर आता है सुंदर सी इस फिल्म में लीड रोल में देखने को मिलते हैं उनका जो प्रोटोगोनिस वाला किरदार था उसमें वो काफ़ी बढ़िया नज़र आए तमन भाटिया को एक अच्छा खासा ब्रीफ रोल दिया गया था जहां पे वो अपने रोल के साथ अपना प्रेजेंस इंपेक्टी डिलीवर करती हुई नजर आती है राशि खन्ना को एक डिसेंट रोल रोल मिला हुआ था अपने रोल के साथ वो काफ़ी बढ़िया नजर आती है ओवरऑल दूसरी जो सपोर्टिंग कास्ट थी उन्होंने भी बढ़िया काम किया हुआ है इस फिल्म का मेन इश्यू यही है कि इस फिल्म में जो स्टोरी लाइन चल रही थी काफी बढ़िया स्टोरी लिखी हुई थी स्क्रीन प्ले भी अच्छा लिखा हुआ था लेकिन उसके बीच में अनवॉन्टेड कॉमेडी ट्रेक आते जो पंद्रह बीस साल पहले फिल्मों में आया करते थे ऐसे जो शायद लगता है कि उन्होंने वैसे भी ये सीरीज मास ऑडियंस के लिए बनाई हुई तो उनको ध्यान में रखती हुई सभी चीज़ें क्लिक करके डाली होगी ये स्टेप्टिक कॉमेडी ज़्यादातर सीनों में वर्क नहीं करते इरीटेशन वाला फील नजर आता है कुछ फन सीन्स डेफिनेटली इस फिल्म में दिए हुए लेकिन उसमें ये का अननेसेसरी कॉमेडी कुछ ऐसी चीज़ें वो उसका इंपेक्ट है वो डाइल्यूट करती हुई नजर आती है क्लाइमेक्स में जिस तरह से जो चीज़ें देखने को मिलती है वो भी उतने कुछ खास करके वर्क नहीं करते कॉमेडी एंगल से इसके अलावा इस फिल्म में अरण फ्रेंचाइज में जो दूसरी फिल्में जिस तरह से वो एक रूटीन फेर टेम्पलेट होते वही रूटीन टेम्पलेट के साथ इस यूनिक स्टोरी को डिलीवर किया होता कुछ नयापन आपको देखने को नहीं नजर आएगा रूटीन प्लॉट को जिस तरह से शुगर क्रॉट करके ट्विस्ट और टर्न्स के साथ गुड टेक्निक के साथ हमारे सामने पेश किया वो बढ़िया था लेकिन जो चीज़ें थी वो कहीं हद तक उसमें हमें पता चल जाता था प्रिडिक्टेबल नजर आ जाती थी ये फिल्म पूरी तरह से एक प्रिडिक्टेबल नजर आएगी इमोशनल डेप्थ की कमी नज़र आती है कॉमेडी अननेसेसरी डाली हुई थी जिसके चलते फिल्म की जो मेन मोटिव है वो डायल्यूट होता हुआ नजर आता है सेकंड हाफ में फिल्म स्लो डाउन काफी हो जाती है सॉन्ग्स जो डाले हुए उसकी भी कुछ खास जरूरत नहीं थी उसको एवॉइड किया जा सकता था एडिटिंग फिल्म की और की जा सकती थी ये फिल्म आ, आसानी से दस मिनट जितनी और छोटी की जा सकती थी तो ओवरऑल देखा जाए तो बा किया अरन मनी फॉर टेक्निकली अच्छी खासी बनी हुई फिल्म फिल्में बैकग्राउंड स्कोर भी काफी दमदार नजर आएगा जो सीन्स को एनहेंस कर रहा था सिनेमेटोग्राफी भी जिस तरह से शोकेश की जो विजुअल्स देखने को मिलती है वो काफी बढ़िया था प्रोडक्शन वैल्यू भी इस फिल्म की काफ़ी बड़ी और अच्छी नज़र आती है एडिटिंग फिल्म की थोड़ी बेहतर हो सकती थी डायरेक्टर सुंदर सिंह ने रूटीन स्टोरी लाइन लेते हुए जिस तरह से अपना एंगेजिंग नेरेट की नेरेशन दिया हुआ है कुछ पार्ट्स में काफ़ी बढ़िया तरीके से वर्क करता है वहीं पर कुछ जगह पर ये चीज़ें कुछ खास वर्क कर नहीं पाती है जहाँ पर इस फिल्म में हॉरर एलिमेंट इंटरेस्टिंग थे लेकिन कॉमेडी पोर्स को जिस तरह शोकेस किया है वो सभी चीज़ें बिगाड़ देती है सुंदर सी की तरफ से अननेसेसरी कॉमेडी सीन्स अगर नहीं आते तो ये फिल्म और बेटर इंपेक्ट डाल सकती थी कुल मिला एक रूटीन स्टोरी लाइन के साथ ये फिल्म आई हुई जहाँ पे डेफिनेटली हॉरर एलिमेंट आपको पसंद आएंगे और दी टॉप कॉमेडी सीक्वेंस को आपको थोड़ा बहुत इग्नोर करना पड़ेगा अदरवाइज वन टाइम वॉचेबल ये फिल्म है अरनमने मने फोर या बाग फिल्म को ऑफिशियली तमिल तेलुगू इन सभी वर्जन्स में चालीस करोड़ के बजट के साथ यू सर्टिफिकेट लेते हुए तीन मई दो को रिलीज किया था जब यह फिल्म रिलीज हुई तब क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से काफी मिक्सड पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया जिसके चलते इस फिल्म ने आई के ऊपर करीबन करीबन उन्नीस वोट हासिल किए जिसमें इक्यावन सौ पाँच पॉइंट एक ये की रेटिंग हासिल की दस मई से अरन मने फोर ने अपने पहले वीक में अपने पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ के चलते मास ऑडियंस के चलते पचास करोड़ का वर्ल्ड वाइड वीक लिया

कई सारे रिकॉर्ड्स क्रिए किए जब ये फिल्म ओटीटी पे प्रीमियर करवाई गई वहां पे भी इस फिल्म ने काफी बढ़िया रिस्पांस हासिल किया जहाँ पे इस फिल्म ने ओटीटी रिलीज जब ली तब काफी बढ़िया व्यूज हासिल किए थे जहां पे अरन मने फोर फिल्म को अगर आपको साउथ इंडियन लैंग्वेजेस जैसे कि तमिल तेलगू कन्नडा मलयालम और हिंदी में देखना है तो डिजनी प्लस हॉट स्टार के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन देख सकते हो हिंदी वर्जन के ओ टी टी राइट जियो सिनेमा के पास है टी स्थिर टी थ्री स्ट्रीमिंग वालों ने उनको बेचे हुए हैं तो जियो सिनेमा के ऊपर ये फिल्म बिल्कुल फ्री में प्रीमियर करवाई हुई है तो अरन मने फोर फिल्म हिंदी डब वर्जन में आपको बिल्कुल फ्री में देखने को मिल जाएगी डिजनी प्लस होटस्टार के ऊपर ते हो तमिल तेलुगु कन्नडा मलयालम इन चार वर्जन में देखने को मिलेगी विथ इंग्लिश सब सब्सक्रिप्शन वहीं पर इस फिल्म का हिंदी डब वर्जन आपको बिल्कुल फ्री में जियो सिनेमा के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल आसानी से देखने को मिल जाएगा वहाँ पे फिल्म आप आसानी से हिंदी डब में एंजॉय कर पाओगे तो इस तरह से अरन मने फोर फिल्म आप ऑफिशियली ओटीटी और सैटेलाइट प्लेटफॉर्म के ऊपर पांच ही लैंग्वेज जैसे कि हिंदी तमिल तेलुगु कन्नड़ा मलयालम इन सभी वर्जन में एंजॉय कर पाओगे जहाँ पे मेनली हिंदी वर्जन आपको बिल्कुल फ्री में देखने को मिलेगा जियो सिनेमा के ऊपर अरन मनई फॉर यानि कि पेलेस फॉर ये एक 2024 की इंडियन तमिल लैंग्वेज कॉमेडी हॉरर फिल्म है Hyung फिल्म को पहले तमिल और तेलुगू वर्जन में रिलीज़ किया गया था लेटर ऑन बाकी सभी वर्जन में डब करके थिएट्रिकली कर इस फिल्म को रिलीज़ किया हुआ था जहाँ पे तेलुगू वर्ज़न में इस फिल्म को बाक नाम दिया हुआ था अदरवाइज सभी लैंग्वेज में इस फिल्म को अरन मनई फोर ही नाम दिया हुआ है इस फिल्म का जो हिंदी वर्जन है वो टी थ्री स्ट्रीमिंग के द्वारा प्रोड्यूस किया गया था उनके ही द्वारा डब किया गया था जहाँ पे ओरिजिनल प्रोड्यूसर्स के ऊपर बातचीत करें तो खुशबू सुंदर ए सी सनमुगन ए सी एस अरुण कुमार ने इस फिल्म को अवनी सिनेमिक्स और बेंस मीडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के नीचे करीबन चालीस करोड़ जितने हाई बजट में बनाया हुआ था ये फिल्म जो अरन माने फिल्म सीरीज़ है उसका चौथा पार्ट है इसके पहले की जो तीन पार्ट है वो भी एक से बढ़कर एक हिट हुए जहाँ पे 2014 में पहला पार्ट आया हुआ था जिसमें सुंदर सिंह खुद लीड रोल में थे अरन माने टू में भी वो खुद लीड रोल में और डायरेक्टर भी थे जो दो में रिलीज़ किया गया था 2021 में इसका तीसरा पार्ट आया था वो भी काफ़ी सक्सेसफुल साबित हुआ था और जो 2024 का पार्ट आया हुआ है वो उससे भी बड़ा काफ़ी बड़ा सक्सेसफुल साबित हुआ है मेनली उसकी कहानी की वजह से जिस तरह से उसको पेश किया था उसकी वजह से इस फिल्म को डायरेक्ट किया हुआ है सुंदर सिंह ने लिखा हुआ है सुंदर सिंह ने जहाँ पे वेंकट राघवन और एस बी रामदास ने भी उसमें राइटिंग में मदद की हुई है स्क्रीन प्ले वो सुंदर सिंह का था एडिशनल स्क्रीन प्ले वेंकट राघवन ने लिखा हुआ है स्टोरी आइडिया ओरिजिनल स्टोरी लाइन थी वो खुद सुंदर सी की थी तो इस तरह से इस फिल्म में सुंदर सी ने अपना पूरा काम दिया हुआ है वहीं पे उनकी वाइफ ने इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है जहाँ पे ये फिल्म है वो का उनके ही द्वारा डिस्ट्रीब्यूट करवाई गई थी इसके अलावा इस फिल्म की कास्टिंग के ऊपर बातचीत करें तो सुंदर सी तमन्ना भाटे और राशिक खन्ना रोल में देखने को मिलेंगे टेक्निकल टीम के ऊपर बात बातचीत करें तो सिनेमाटोग्राफी वो ई कृष्णा सामी ने की हुई है फिल्म को फेनी ओलिवर ने एडिट किया हुआ है जिन्होंने एक मिनट यानी कि दो घंटे और सत्ताईस मिनट का रन टाइम दिया हुआ है सेंसर बोर्ड की तरफ से फिल्म को यू सर्टिफिकेट मिला हुआ था म्यूज़िक में हिप हॉप तमिला ने बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स दोनों कंपोज किए हुए म्यूज़िक के जो राइट्स थे वो थिंक म्यूजिक वालों ने एक अच्छी प्राइस में खरीदे हुए थे उन्होंने तमिल तेलुगु दोनों वर्जन के गानों को ऑफिशियली रिलीज करवाया हुआ है इसके अलावा इस फिल्म के कास्टिंग के ऊपर बातचीत करें कौन सा एक्टर कौन सा रोल प्ले कर है उसके ऊपर तो इस फिल्म में सुंदर सी आपको एडवोकेट सर्वानंद के रोल में लीड रोल में देखने को मिलेंगे तमन्ना भाटिया ने सेल्वी का रोल प्ले किया हुआ है जो सर्वानंद की यंगर सिस्टर है डॉक्टर माया का रोल राशि खन्ना को दिया गया था स्वामी का रोल रामचंद्र राजू ने प्ले किया हुआ है संतोष जो सेल्वी का हस्बैंड है वो रोल संतोष प्रताप ने प्ले किया हुआ है सर्वानंद की जो आंट है उसका रोल कोवाई सरला ने प्ले किया हुआ है मैसौन का रोल है वो योगी बाबू ने प्ले किया हुआ है कारपेंटर के रोल में वी टी वी गणेश देखने को मिलेंगे माया के ग्रैंड जो जमींदार थे वो रोल दिल्ली गणेश ने प्ले किया हुआ है विलेज के जो प्रेसिडेंट है वर्था राजन एस वो रोल जया प्रकाश ने प्ले किया हुआ है फेडरिक जॉनसन इस फिल्म में रवि के रोल में देखने को मिलेंगे जो वर्धन राजन है उसके बेटे का रोल था वो राजेंद्रन ने रत्नम का रोल प्ले किया हुआ है सिंगम पुल ने कॉन्स्टेबल ए शक्तिवेल का रोल प्ले किया हुआ है देवानंदा ने इसमें शक्ति यानी कि सेल्वी की डॉटर का रोल प्ले किया हुआ है इसके अलावा इस फिल्म में और भी सपोर्टिंग कास्ट देखने को मिलते हैं जहां पे सर्वानंद जूनियर का रोल संजय ने प्ले किया हुआ है जमींदार के सर्वन का लो, रोल लोलू सभा से ने प्ले किया हुआ है विचू विश्वनाथ ने मनी लेंडर का रोल प्ले किया है यातिन कार्यकर ने इसमें पृष्ठ का रोल प्ले किया है नमो नारायणा ने इस फिल्म में के दुराई पांडे का रोल प्ले किया है जयश्री चाकी ने इस फिल्म में सेल्वी का रोल प्ले किया जो दूराई पांडे की बेटी का रोल था हर्ष हरीश ने इस फिल्म में प्रष्ट के बेटी का रोल प्ले किया हुआ है इसके अलावा तेलुगु वर्जन में आपको जो योगी बाबू वाला मैसोन का किरदार था वो वेनोला के प्ले करते हुए नजर आएंगे और श्रीनिवास रेड्डी ने कारपेंटर जो वी टी वाला किरदार था वो प्ले किया हुआ है इसके अलावा कुछ केमियोंज़ देखने को मिलते हैं जहाँ पे के एस रवि कुमार ने डी एस पी एस जगदीशन के रोल में कैमियो दिया हुआ है खुशबू सुंदर ने अमन गाने में कैमियो दिया हुआ है उनके साथ सिमरन ने भी उस गाने में कैमियो दिया हुआ है तो ये फिल्म की लीड प्रोमिनेंट कास्ट जिन्होंने इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले किए हुए हैं प्रोडक्शन की ओर बढ़ते मिड जनवरी 2023 में कुछ अनाउंसमेंट आ रही आई थी जहां पे बताया जा रहा था कि अरण में नई फिल्म सीरीज का चौथा तो इंस्टॉलमेंट आने वाला है जिसमें इस फिल्म को लीड करेंगे विजय सेतुपति जहां पे सुंदर सी इसको डायरेक्ट करने वाले और वही प्रोड्यूस करेंगे फिल्म को लेकिन विजय सेतुपति की और, और भी कई कमिटमेंट थे जिसके चलते वो इस प्रोजेक्ट के साथ जुड़ नहीं पाए उसके बाद में सुंदर सी ने खुद लीड रोल करने का फैसला लिया लेटर ऑन मार्च दो में ऑफिशियली राशिक खन्ना तमन्ना भाटिया को लीड एक्ट्रेस के लिए अप्रोच किया उनको कंफर्म किया गया उसके बाद में संतोष प्रसाद को प्र, प्रताप को किया पाइवटल रोल के लिए सिक्योर किया गया योगी बाबू वी गणेश गणेश दिल्ली राजेंद्रन सिंगम पोली को भी इस फिल्म में इंपॉर्टेंट रोल के लिए अप्रोच किया गया जहां पे तेलुगू में जो इस फिल्म को पार्शली रिशोट किया हुआ है जहां पे विनेला किशोर श्रीनिवास रेड्डी ने योगी बाबू और वी टी गणेश का रोल रिप्लेस किया हुआ है एडिसनली जो सुंदर से का जो अब म्यूजिक कॉडियो है हिप हॉप तमिला उनके साथ एक और का uh, प्रोजेक्ट जुड़ा क्योंकि इससे पहले उन्होंने काफ़ी फिल्मों में साथ में काम किया हुआ है इस फिल्म की प्रिंसिपल ऑफ़ फोटोग्राफी मार्च 2023 में स्टार्ट करवाई गई थी मिड सितंबर तक रेप अप करवाई गई सीबीएफसी जो बोर्ड है सेंसर बोर्ड वहाँ पे इस फिल्म को यू सर्टिफिकेट मिला गया एक मिनट बाईस सेकंड का रन टाइम सेंसर करवाया गया जहाँ पे तेलुगु वर्जन को एक मिनट और सात सेकंड का सेंसर करवाया गया जहाँ पे यू सर्टिफिकेट फिल्म को दिया हुआ था म्यूजिक डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो फिल्म में तमिल वर्जन में पांच गाने सुनने को मिलेंगे तेलुगु में चार जहाँ पे तमिल ट्रैक लिस्टिंग में टोटल लेंथ है वो है सोलह मिनट तैंतीस सेकंड तेलुगु का जो साउंड ट्रैक है उसकी लेंथ है तेरह मिनट सैंतालीस सेकंड तो इसके रेड थिंक म्यूजिक ने खरीदे थे हिप हॉप तमिल ने म्यूजिक दिया हुआ था मार्च से सितंबर 2023 के बीच में इसको रिकॉर्ड किया गया था ट्रैक लिस्टिंग करें तो चोच्चो करके जो गाना है उसको विग्नेश श्रीकांत ने लिखा हुआ था करिश्मा रविचंद्रन और श्रीनिवास श्रीनिवासिलान ने उसको गाया हुआ था जो जो गाने को को शेसा ने लिखा था मीनाक्षी इलाया राजा ने उसको गाया था अमन गाने को मुतामिल ने लिखा हुआ था अरुणा रविचंद्रन वी महालिंगम ने उसको गाया हुआ था ओइले ओइले गाने को को सेशा ने लिखा हुआ था कौशिक क्रिस और स्निग्धा चंद्रा ने गाया हुआ था घोष्ट थीम को हिप हॉप तमिला ने गाया हुआ था तो ये टोटल तमिल वर्जन में पांच ट्रैक तैयार किए गए थे जिसकी लेंथ थी सोलह मिनट तेसी सेकंड इन सभी गानों को तीन मई 2024 तक ऑफिशियली वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में सभी वर्जन में थिंक म्यूजिक के द्वारा रिलीज़ करवाए हुए थे ये सभी गाने उनके यूट्यूब चैनल के ऊपर अब बिल्कुल फ्री में वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में सुन सकते हो अब थोड़ी बहुत कहानी के ऊपर चर्चा करें तो इस फिल्म को तेलुगु में बाक नाम दिया हुआ है बाकी सभी वर्जन में ये फिल्म अरन वनक फोर के नाम से रिलीज़ की गई है जहाँ पे सुंदर सी का जो कैरेक्टर है शिवशंकर जिसको तेलुगु में शिवशंकर नाम दिया हुआ है वैसे उनका नाम सर्वानंद है फिल्म में जो सिंसियर लॉयर है किसी एक दिन उसको पता चलता है कि उनकी बहन जो शिव बहन है शिवानी उसने सुसाइड कर लिए शिवानी का रोल प्ले करे तमन्ना इस न्यूज़ को सुनते ही सर्वानंद पूरी तरह से शौक हो जाता है दूसरी तरफ शिवानी का हस्बैंड भी कुछ मिस्टीरियस तरीके से जंगल में मर जाता है तो सर्वानंद को इन सभी चीज़ों के ऊपर विश्वास नहीं होता है अपनी बहन का जो एक्सट्रीम स्टेप लिया हुआ है उसमें भी उसको भरोसा नहीं हो रहा है तो ये सभी चीज़ें उसको थोड़ी ऐसी लग रही है कि ऊपर ऊपर से ढकी ढकी है कुछ इसके पीछे और कोई रीज़न हो सकता है या किसी और ने मर्डर किया होगा तो ये सभी चीज़ों को प्रॉपर क्लेरिफाई करने के लिए इस मिस्ट्री इस चीज़ को क्लेरिफाई करने के लिए वो डिसाइड करते हैं कि वो इस डेथ के पीछे शिवानी और उसके हस्बैंड के जो डेथ हुए उसके पीछे क्या रीज़न है उसको ढूंढने के लिए वो निकल जाता है जहाँ पे बाकी की कहानी यही है कि किस तरह से सर्वानंद इस मिस्टीरियस चीज़ों को सोल्व करता है और ये जो घटनाएँ घटी है उसको हमारे सामने पेश कर पाता है इस फिल्म में यानी कि अरण फ्रेंचाइज में जिस तरह से जो चीज़ें आपने अभी तक देखी है उसमें ये फिल्म पूरी तरह से टेक्निकली काफ़ी बढ़िया नज़र आती है पहले तीन फिल्मों के मुकाबले इस फिल्म में टेक्निकल टेक्निकलीसपे काफ़ी मज़बूत थे विजुअल्स बैगग्राउंड स्कोर प्रोडक्शन वैल्यू काफ़ी बढ़िया तरीके से एक्सट्रीम लेवल्स के ऊपर इसको केयर किया हुआ है मेकर्स ने काफ़ी बढ़िया पेसर डाला हुआ ऐसा नज़र आ रहा है हर एक फ्रेम में क्वालिटी नज़र आ रही थी हॉरर इफेक्ट थे उसको काफ़ी नीटली डन किया हुआ था बैकग्राउंड स्कोर जो दिया हुआ था हिप हॉप तमिला ने वो काफ़ी बढ़िया तरीके से स्क्रेक स्केरी मोमेंट थे उसको एक का एनहेंस करके इम्पेक्ट डालता हुआ नज़र आता है मूवी में कई सारे ऐसे सीन्स थे जो काफ़ी बढ़िया तरीके से डायरेक्टर ने एग्जीक्यूट किए हुए प्री-इंटरवल का जो पोर्सन था वो भी काफ़ी बढ़िया तरीके से हैंडल किया गया था इंटरेस्टिंग इवेंट्स जो सीरीज़ में दिखाए हुए जब फिल्म आधे दूर तक पहुंचती है जिस तरह से आपकी क्यूरियोसिटी डायरेक्टर बना के रखते हैं इंटरवल तक वो सभी चीज़ें काफ़ी बढ़िया तरीके से हैंडल की हुई है इस फिल्म में कुछ एक्साइटिंग मोमेंट्स देखने को मिलते हैं जिस तरह से सेकंड हाफ़ में पहले पार्ट में पहले हाफ में जो सभी चीज़ें दिखाई हुई है फर्स्ट हाफ में उसको सेकंड हाफ़ में किस तरह से वो ज्वाइंट करते हैं इंटरवल के बाद उन डोट को कनेक्ट करके जिस तरह से हमारे सामने पे पेश किया जाता है वो काफ़ी बढ़िया नज़र आता है सुंदर सी इस फिल्म में लीड रोल में देखने को मिलते हैं उनका जो प्रोटोकोनिस वाला किरदार था उसमें वो काफ़ी बढ़िया नज़र आए तमाम भाटिया को एक अच्छा खासा ब्रीप रोल दिया गया था जहां पे वो अपने रोल के साथ अपना राशि खन्ना सपोर्टिंग कास्ट थी उन्होंने भी बढ़िया काम किया का कि लाइन चल रही थी काफी बढ़िया स्टोरी लिखी हुई थी स्क्रीन प्ले भी अच्छा लिखा हुआ था लेकिन उसके बीच में अनवॉन्टेड कॉमेडी ट्रेक आते जो पंद्रह बीस साल पहले फिल्मों में आया करते थे ऐसे जो शायद लगता है कि उन्होंने वैसे भी ये सीरीज मास ऑडियंस के लिए बनाए हुए तो उनको ध्यान में रखती हुई सभी चीज़ें क्लिक करके डाली होगी ये स्टेफ्टिक कॉमेडी ज़्यादातर सीनों में वर्क नहीं करते इरीटेशन वाला फील नज़र आता है कुछ फन सीन्स डेफिनेटली इस फिल्म में दिए हुए लेकिन उसमें ये का अननेसेसरी कॉमेडी कुछ ऐसी चीज़ें वो उसका इम्पेक्ट है वो डाइल्यूट करती हुई नज़र आती है क्लाइमेक्स में जिस तरह से जो चीज़ें देखने को मिलती है वो भी उतने कुछ खास करके वर्क नहीं करते कॉमेडी एंगल से इसके अलावा इस फिल्म में अरण मनी फ्रेंचाइज में जो दूसरी फिल्में जिस तरह से वो एक रूटीन फे टेम्पलेट होते वही रूटीन टेम्पलेट के साथ इस यूनिक स्टोरी को डिलीवर किया होता कुछ नयापन आपको देखने को नहीं नज़र आएगा रूटीन प्लॉट को जिस तरह से शुगर क्रॉट करके ट्विस्ट और टर्न्स के साथ गुड टेक्निक के साथ हमारे सामने पेश किया वो बढ़िया था लेकिन जो चीज़ें थी वो कहीं हद तक उसमें हमें पता चल जाता था प्रिडिक्टेबल नजर आ जाती थी ये फिल्म पूरी तरह से एक प्रिडिक्टेबल नज़र आएगी इमोशनल डेप्थ की कमी नज़र आती है कॉमेडी अननेसेसरी डाली हुई थी जिसके चलते फिल्म की जो मेन मोटिव है वो डाइल्यूट होता हुआ नजर आता है सेकंड हाफ में फिल्म स्लो डाउन काफ़ी हो जाती है सॉन्ग्स जो डाले हुए उसकी भी कुछ खास जरूरत नहीं थी उसको एवॉड किया जा सकता था एडिटिंग फिल्म की और की जा सकती थी ये फिल्म आ, आसानी से 10 मिनट जितनी और छोटी की जा सकती थी तो ओवरऑल देखा जाए तो बा किया अरन मने फोर टेक्निकली अच्छी खासी बनी हुई फिल्म है बैकग्राउंड स्कोर भी काफ़ी दमदार नज़र आएगा जो सीन्स को एनहेंस कर रहा था सिनेमेटोग्राफी भी जिस तरह से शोकेस किया है जो विजुअल्स देखने को मिलती है वो काफ़ी बढ़िया था प्रोडक्शन वैल्यू भी इस फिल्म की काफ़ी बड़ी और अच्छी नज़र आती है एडिटिंग फिल्म की थोड़ी बेहतर हो सकती थी डायरेक्टर सुंदर सिंह ने रूटीन स्टोरी लाइन लेते हुए जिस तरह से अपना एंगेजिंग नेरेट के नेरेशन दिया हुआ है कुछ पार्ट्स में काफ़ी बढ़िया तरीके से वर्क करता है वहीं पर कुछ जगह पर ये चीज़ें कुछ खास वर्क कर नहीं पाती है जहाँ पे इस फिल्म में हॉरर एलिमेंट इंटरेस्टिंग थे लेकिन कॉमेडी पोर्संस को जिस तरह शोकेस किया वो सभी चीज़ें बिगाड़ देती है सुंदर सी की तरफ से अननेसेसरी कॉमेडी सीन्स अगर नहीं आते तो ये फिल्म और बेटर इम्पेक्ट डाल सकती थी कुल मिला के एक रूटीन स्टोरी लाइन के साथ ये फिल्म आई हुई जहाँ पे डेफिनेटली हॉरर एलिमेंट आपको पसंद आएंगे और दी टॉप कॉमेडी सीक्वेंस को आपको थोड़ा बहुत इग्नोर करना पड़ेगा अदरवाइज वन टाइम वॉचेबल ये फिल्म है अरन मने फोर या बाग फिल्म को ऑफिशियली तमिल तेलुगु इन सभी वर्जन्स में चालीस करोड़ के बजट के साथ यू सर्टिफिकेट लेते हुए तीन मई दो को रिलीज किया था जब ये फिल्म रिलीज़ हुई तब क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से काफ़ी मिक्सड और पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया जिसके चलते इस फिल्म ने आई के ऊपर करीबन करीबन उन्नीस वोट हासिल किए जिसमें इक्कावन सौ पाँच पॉइंट एक की रेटिंग हासिल की दस में से अरन मने फोर ने अपने पहले वीक में अपने पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ के चलते मास ऑडियंस के चलते पचास करोड़ का वर्ल्ड वाइड वीक लिया हुआ था से, बाद में सेकंड वीक तक पहुँचते पहुँचते फिल्म पिचहत्तर करोड़ तक पहुँच गए उसके बाद में इस फिल्म ने अपना जो थिएट्रिकल रन कम्प्लीट किया उस रन में इस फिल्म ने चालीस करोड़ के बजट के सामने सौ करोड़ से ज़्यादा का ग्रोस कलेक्शन किया और बॉक्स ऑफिस पर फिल्म काफ़ी बड़ी सक्सेसफुल फिल्म साबित हुई और वन ऑफ दी तमिल लैंग्वेज में भी जो पिछली कुछ फिल्में आई है 2024 में उसमें वन ऑफ द हाईएस्ट ग्रोसिंग फिल्म साबित हुई और साथ ही में जो ये फ्रेंचाइज है वन से फोर तक की उसमें सबसे ज्यादा पैसे कमाने वाली फिल्म साबित हुई तो इस तरह से इस फिल्म ने काफ़ी कई सारे रिकॉर्ड्स क्रिएट किए जब ये फिल्म ओ टी पे प्रीमियर करवाई गई वहां पे भी इस इस फिल्म फिल्म ने काफ़ी बढ़िया रिस्पांस हासिल किया जहां पे इस फिल्म ने टी रिलीज जब ली तब काफी बढ़िया व्यूज हासिल किए थे जहां पे अरन मने फोर फिल्म को अगर आपको साउथ इंडियन लैंग्वेजेस जैसे कि तमिल तेलुगु कन्नडा मलयालम और हिंदी में देखना है तो डिजनी प्लस हॉट स्टार के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन देख सकते हो हिंदी वर्जन के ओ टी टी राइट जियो सिनेमा के पास है टी स्ट्रीम वा, टी थ्री स्ट्रीमिंग वालों ने उनको बेचे हुए हैं तो जियो सिनेमा के ऊपर ये फिल्म बिल्कुल फ्री में प्रीमियर करवाई हुई है तो अरन मनी फोर फिल्म हिंदी डब वर्जन में आपको बिल्कुल फ्री में देखने को मिल जाएगी जियो सिनेमा का जियो जी, सिनेमा के ऊपर विदाउट लॉग इन विद इंग्लिश सब टाइटल एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि अरन मनी फोर फिल्म फिलहाल में ऑफिशियली डिजनी प्लस होटस्टार के ऊपर तमिल तेलुगु कन्नडा मलयालम इन चार वर्जन में देखने को मिलेगी विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन वहीं पे इस फिल्म का हिंदी डब वर्जन आपको बिल्कुल फ्री में जियो सिनेमा के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल आसानी से देखने को मिल जाएगा वहाँ पे फिल्म आप आसानी से हिंदी डब में इन्जॉय कर पाओगे तो इस तरह से अरन मन फोर फिल्म आप ऑफिशियली ओ टी और सैटेलाइट प्लेटफॉर्म के ऊपर पाँच ही लैंग्वेज जैसे कि हिंदी तमिल तेलुगु, कन्नडा मलयालम इन सभी वर्जन में इन्जॉय कर पाओगे जहाँ पे मेनली हिंदी वर्जन आपको बिल्कुल फ्री में देखने को मिलेगा जियो सिनेमा के ऊपर अरन मनई फॉर यानि कि पेलेस फॉर ये एक 2024 की इंडियन तमिल लैंग्वेज कॉमेडी हॉरर फिल्म है फिल्म को पहले तमिल और तेलुगु वर्जन में रिलीज़ किया गया था लेटर ऑन बाकी सभी वर्जन में डब करके थिएट्रिकली इस फिल्म को रिलीज़ किया हुआ था जहाँ पे तेलुगु वर्जन में इस फिल्म को बाक नाम दिया हुआ था अदरवाइज सभी लैंग्वेज में इस फिल्म को अरन मनई फोर ही नाम दिया हुआ है इस फिल्म का जो हिंदी वर्जन है वो टी थ्री स्ट्रीमिंग के द्वारा प्रोड्यूस किया गया था उनके ही द्वारा डब किया गया था जहाँ पे ओरिजिनल प्रोड्यूसर्स के ऊपर बातचीत करें तो खुशबू सुंदर ए सी सनमुगन ए सी एस अरुण कुमार ने इस फिल्म को अवनी सिनेमेक्स और बेंस मीडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के नीचे करीबन चालीस करोड़ जितने हाई बजट में बनाया हुआ था ये फिल्म जो अरन माने फिल्म सीरीज़ है उसका चौथा पार्ट है इसके पहले की जो तीन पार्ट है वो भी एक से बढ़कर एक हिट हुए जहाँ पे 2014 में पहला पार्ट आया हुआ था जिसमें सुंदर सिंह खुद लीड रोल में थे अरन माने टू में भी वो खुद लीड रोल में और डायरेक्टर भी थे जो दो में रिलीज़ किया गया था 2021 में इसका तीसरा पार्ट आया था वो भी काफ़ी सक्सेसफुल साबित हुआ था और जो 2024 का पार्ट आया हुआ है वो उससे भी बड़ा काफ़ी बड़ा सक्सेसफुल साबित हुआ है मेनली उसकी कहानी की वजह से जिस तरह से उसको पेश किया था उसकी वजह से इस फिल्म को डरेक्ट किया हुआ है सुंदर सिंह ने लिखा हुआ है सुंदर सिंह ने जहाँ पे वेंकट राघवन और एस बी रामदास ने भी उसमें राइटिंग में मदद किए हुई है स्क्रीन प्ले वो सुंदर सिंह का था एडिशनल स्क्रीन प्ले वेंकट राघवन ने लिखा हुआ है स्टोरी आइडिया ओरिजिनल स्टोरी लाइन थी वो खुद सुंदर सी की थी तो इस तरह से इस फिल्म में सुंदर सी ने अपना पूरा काम दिया हुआ है वहीं पे उनकी वाइफ ने इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है जहाँ पे ये फिल्म है वो का, उनके ही द्वारा डिस्ट्रीब्यूट करवाई गई थी इसके अलावा इस फिल्म की कास्टिंग के ऊपर बातचीत करें तो सुंदर सी तमन्ना भाटे और राशिक खन्ना लीड रोल में देखने को मिलेंगे टेक्निकल टीम के ऊपर बात बातचीत करें तो सिनेमाटोग्राफी वो ई कृष्णा सामी ने किए हुई है फिल्म को फेनी ओलिवर ने एडिट किया हुआ है जिन्होंने एक मिनट यानी कि दो घंटे और 27 मिनट का रन टाइम दिया हुआ है सेंसर बोर्ड की तरफ से फिल्म को यू ए सर्टिफिकेट मिला हुआ था म्यूज़िक में हिप ऑप तमिला ने बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स दोनों कंपोज किए हुए म्यूज़िक के जो राइट्स है वो थिंक म्यूजिक वालों ने एक अच्छी प्राइज़ में खरीदे हुए थे उन्होंने तमिल तेलुगु दोनों वर्जन के गानों को ऑफिशियली रिलीज़ करवाया हुआ है इसके अलावा इस फिल्म के कास्टिंग के ऊपर बातचीत करें कौन सा एक्टर कौन सा रोल प्ले रहा है उसके ऊपर तो इस फिल्म में सुंदर सी आपको एडवोकेट सर्वानंद के रोल में लीड रोल में देखने को मिलेंगे तमन्ना भाटिया ने सेल्वी का रोल प्ले किया हुआ है जो सर्वानंद की यंगर सिस्टर है डॉक्टर माया का रोल राशि खन्ना को दिया गया था स्वामी का रोल रामचंद्र राजू ने प्ले किया हुआ है संतोष जो सेल्वी का हस्बैंड है वो रोल संतोष प्रताप ने प्ले किया हुआ है सर्वानंद की जो आंट है उसका रोल को सरला ने प्ले किया हुआ है मैसौन का रोल है वो योगी बाबू ने प्ले किया हुआ है कारपेंटर के रोल में वी टी गणेश देखने को मिलेंगे माया के ग्रैंडफादर जो जमींदार थे वो रोल दिल्ली गणेश ने प्ले किया हुआ है विलेज के जो प्रेसिडेंट है वर्था राजन एस वो रोल जया प्रकाश ने प्ले किया हुआ है फेडरिक जॉनसन इस फिल्म में रवि के रोल में देखने को मिलेंगे जो वर्धा राजन है उसके बेटे का रोल था वो राजेंद्रन ने रत्नम का रोल प्ले किया हुआ है सिंगम ने कॉन्स्टेबल शक्तिवेल का रोल प्ले किया हुआ है देवा ने शक्ति यानी कि सेल्वी की डॉटर का रोल प्ले किया हुआ है इसके अलावा इस फिल्म में और भी सपोर्टिंग कास्ट देखने को मिलते जहां पे सर्वानंद जूनियर का रोल संजय ने प्ले किया हुआ है जमींदार के सर्वण का लो, रोल लोलू लो, सभा से ने प्ले किया हुआ विचू विश्वनाथ ने मनी लेंडर का रोल प्ले किया है यातिन कार्यकर ने इसमें पृष्ठ का रोल प्ले किया है नमो नारायणा ने इस फिल्म में के दुराई पांडी का रोल प्ले किया है जयश्री चाकी ने इस फिल्म में सेल्वी का रोल प्ले किया जो दुराई पांडे की बेटी का रोल था हर्षा हरीश ने इस फिल्म में प्रष्ट के बेटी का रोल प्ले किया हुआ है इसके अलावा तेलुगु वर्जन में आपको जो योगी बाबू वाला मैसोन का किरदार था वो वेनोला के स्वर प्ले करते हुए नजर आएंगे और श्रीनिवास रेड्डी ने कारपेंटर जो वी गणेश वाला किरदार था वो प्ले किया हुआ है इसके अलावा कुछ केमियोंज़ देखने को मिलते हैं जहाँ पे के एस रवि कुमार ने डी एस पी एस जगदीशन के रोल में केमियो दिया हुआ है खुशबू सुंदर ने अमन गाने में केमियो दिया हुआ है उनके साथ सिमरन ने भी उस गाने में केमियो दिया हुआ है तो ये फिल्म के लीड प्रोमिनेंट कास्ट जिन्होंने इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले किए हुए हैं प्रोडक्शन की ओर बढ़ते मिड जनवरी 2023 में कुछ अनाउंसमेंट आ रही आई थी जहां पे बताया जा रहा था कि अरल में नई फिल्म सीरीज का चौथा तो इंस्टॉलमेंट आने वाला है जिसमें इस फिल्म को लीड करेंगे विजय सेतुपति जहां पे सुंदर सी इसको डायरेक्ट करने वाले और वही प्रोड्यूस करेंगे फिल्म को लेकिन विजय सेतुपति की और, और भी कई कमिटमेंट थी जिसके चलते वो इस प्रोजेक्ट के साथ जुड़ नहीं पाए उसके बाद में सुंदर सिंह ने खुद लीड रोल करने का फैसला लिया लेटर ऑन मार्च दो में ऑफिशियली राशिक खन्ना तमन्ना भाटिया को लीड एक्ट्रेस के लिए अप्रोच किया गया उनको कंफर्म किया गया उसके बाद में संतोष प्रसाद को प्रताप को क्या पाइवटल रोल के लिए सिक्योर किया गया को सला योगी बाबू वी टी गणेश दिल्ली गणेश राजेंद्रन सिंगम पोली को भी इस फिल्म में इंपॉर्टेंट रोल के लिए अप्रोच किया गया जहाँ पे तेलुगु में जो इस फिल्म को पार्शली रिसोट किया हुआ है जहाँ पे विनीला किशोर श्रीनिवास रेड्डी ने योगी बाबू और वी टी गणेश का रोल रिप्लेस किया हुआ है एडिशनली जो सुंदर सी का जो म्यूजिक का का डियो है हिप हॉप तमिला उनके साथ एक और का, का प्रोजेक्ट जुड़ा क्योंकि इससे पहले उन्होंने काफ़ी फिल्मों में साथ में काम किया हुआ है इस फिल्म की प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी मार्च 2023 में स्टार्ट करवाई गई थी मिड सितंबर तक रेपअप करवाई गई सीबीएफसी जो बोर्ड है सेंसर बोर्ड वहाँ पे इस फिल्म को यू सर्टिफिकेट मिला गया एक मिनट बाईस सेकंड का रन टाइम सेंसर करवाया गया जहाँ पे तेलुगु वर्जन को एक मिनट और सात सेकंड का सेंसर करवाया गया जहाँ पे यू सर्टिफिकेट फिल्म को दिया हुआ था म्यूज़िक डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो फिल्म में तमिल वर्जन में पांच गाने सुनने को मिलेंगे तेलुगू में चार जहाँ पे तमिल ट्रैक लिस्टिंग में टोटल लेंथ है वो है सोलह मिनट तैंतीस सेकंड तेलुगु का जो साउंड ट्रेक है उसकी लेंथ है तेरह मिनट सैंतालीस से सेकंड तो इसके रेड थिंक म्यूजिक ने खरीदे थे हिप हॉप तमिल ने म्यूजिक दिया हुआ था मार्च से सितंबर से, 2023 के बीच में इसको रिकॉर्ड किया गया था ट्रैक लिस्टिंग करें तो अच्छो चो के जो गाना है उसको विघ्नेश श्रीकांत ने लिखा हुआ था करिश्मा रविचंद्रन और श्रीनिवास श्रीनिवासिलान ने उसको गाया हुआ था जो जो गाने को को ने लिखा था मीनाक्षी इलाया राजा ने उसको अमन गाने को मुतामिल ने लिखा हुआ था अरुणा रविचंद्रन वी महालिंगम ने उसको गाया हुआ था ओइले ओइले गाने को ऐसा ने लिखा हुआ था कौशिक क्रिस और स्निग्धा चंद्रा ने गाया हुआ था थीम को हिप हॉप तमिला ने गाया हुआ था तो ये टोटल तमिल वर्जन में पाँच ट्रैक तैयार किए गए थे जिसकी लेंथ थी सोलह मिनट तेईसी सेकंड इन सभी गानों को तीन मई 2024 तक ऑफिशियली वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में सभी वर्जन में थिंक म्यूजिक के द्वारा रिलीज़ करवाए हुए थे ये सभी गाने उनके यूट्यूब चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में सुन सकते हो अब थोड़ी बहुत कहानी के ऊपर चर्चा करें तो इस फिल्म को तेलुगु में बाक नाम दिया हुआ है बाकी सभी वर्जन में ये फिल्म अरन बने फोर के नाम से रिलीज़ की गई है जहाँ पे सुंदर सिंह का जो कैरेक्टर है शिवशंकर जिसको तेलुगु में शिवशंकर नाम दिया हुआ है वैसे उनका नाम सर्वानन है फिल्म में जो सिंसियर लॉयर है किसी एक दिन उसको पता चलता है कि उनकी बहन जो शिव बहन है शिवानी उसने सुसाइड कर लिए शिवानी का रोल प्ले करे तमन्ना इस न्यूज़ को सुनते ही सर्वानंद पूरी तरह से शौक हो जाता है दूसरी तरफ शिवानी का हस्बैंड भी कुछ मिस्टीरियस तरीके से जंगल में मर जाता है तो सर्वानंद को इन सभी चीज़ों के ऊपर विश्वास नहीं होता है अपनी बहन का जो एक्सट्रीम स्टेप लिया हुआ है उसमें भी उसको भरोसा नहीं हो रहा है तो ये सभी चीज़ें उसको थोड़ी ऐसी लग रही है कि ऊपर ऊपर से ढकी ढकी है कुछ इसके पीछे और कोई रीज़न हो सकता है या किसी और ने मर्डर किया होगा तो ये सभी चीज़ों को प्रॉपर क्लेरिफाई करने के लिए इस मिस्ट्री इस चीज़ को क्लेरिफाई करने के लिए वो डिसाइड करते हैं कि वो इस डेथ के पीछे शिवानी और उसके हस्बैंड के जो डेथ हुए उसके पीछे क्या रीज़न है उसको ढूंढने के लिए वो निकल जाता है जहाँ पे बाकी की कहानी यही है कि किस तरह से सर्वानंद इस मिस्टीरियस चीज़ों को सोल्व करता है और ये जो घटनाएँ घटी है उसको हमारे सामने पेश कर पाता है इस फिल्म में यानी कि अरण फ्रेंचाइज में जिस तरह से जो चीज़ें आपने अभी तक देखी है उसमें ये फिल्म पूरी तरह से टेक्निकली काफ़ी बढ़िया नज़र आती है पहली तीन फिल्मों के मुकाबले इस फिल्म में टेक्निकल एस्पेक्ट काफ़ी मज़बूत थे विजुअल्स बैकग्राउंड स्कोर प्रोडक्शन वैल्यू काफ़ी बढ़िया तरीके से एक्सट्रीम लेवल्स के ऊपर इसको केयर किया हुआ है मेकर्स ने काफ़ी बढ़िया पैसा डाला हुआ ऐसा नजर आ रहा है हर एक फ्रेम में क्वालिटी नज़र आ रही थी हॉरर इफेक्ट थे उसको काफ़ी नीटली डन किया हुआ था बैकग्राउंड स्कोर जो दिया हुआ था हिप हॉप तमिला ने वो काफ़ी बढ़िया तरीके से स्क्रेक स्केरी मोवमेंट्स थे उसको एक का एनहेंस करके इम्पेक्ट डालता हुआ नज़र आता है मूवी में कई सारे ऐसे सीन्स थे जो काफ़ी बढ़िया तरीके से डायरेक्टर ने एग्जी ट किए हुए हैं प्रिंट औरल का जो पोर्सन था वो भी काफ़ी बढ़िया तरीके से हैंडल किया गया था इंटरेस्टिंग इवेंट्स जो सीरीज़ में दिखाए हुए जब फिल्म आधे दूर तक पहुंचती है जिस तरह से आपकी क्यूरियोसिटी डायरेक्टर बना के रखते हैं इंटरवल तक वो सभी चीज़ें काफ़ी बढ़िया तरीके से हैंडल की हुई है इस फिल्म में कुछ एक्साइटिंग मोमेंट्स देखने को मिलते हैं जिस तरह से सेकंड हाफ में पहले पार्ट में पहले हाफ़ में जो सभी चीज़ें दिखाई हुई है फर्स्ट हाफ में उसको सेकंड हाफ़ में किस तरह से वो ज्वाइंट करते हैं इंटरवल के बाद उन डोट को कनेक्ट करके जिस तरह से हमारे सामने पे पेश किया जाता है वो काफ़ी बढ़िया नज़र आता है सुंदर सी इस फिल्म में लीड रोल में देखने को मिलते हैं उनका जो प्रोटोकोनिस वाला किरदार था उसमें वो काफ़ी बढ़िया नज़र आए तमाम भाटिया को एक अच्छा खासा ब्रीफ रोल दिया गया था जहां पे वो अपने रोल के साथ अपना प्रेजेंस डिलीवर करते हुए नजर आती है राशि खन्ना को एक डिसेंट रोल मिला हुआ था अपने रोल के साथ वो काफी बढ़िया नजर आती है ओवरऑल दूसरी कास्ट थी उन्होंने भी बढ़िया काम किया हुआ है इस फिल्म का मेन इश्यू यही है कि इस फिल्म में जो स्टोरी लाइन चल रही थी काफी बढ़िया स्टोरी लिखी हुई थी स्क्रीन प्ले भी अच्छा लिखा होता लेकिन उसके बीच में अनवॉन्टेड कॉमेडी ट्रेक आते जो पंद्रह बीस साल पहले फिल्मों में आया करते थे ऐसे जो शायद लगता है कि उन्होंने वैसे भी ये सीरीज मास ऑडियंस के लिए बनाए हुए तो उनको ध्यान में रखती हुई सभी चीज़ें क्लिक करके डाली होगी ये स्टेफ्टिक कॉमेडी ज़्यादातर सीनों में वर्क नहीं करते इरिटेशन वाला फील नज़र आता है कुछ फन सीन्स डेफिनेटली इस फिल्म में दिए हुए लेकिन उसमें ये का अननेसेसरी कॉमेडी कुछ ऐसी चीज़ें वो उसका इम्पेक्ट है वो डाइल्यूट करती हुई नज़र आती है क्लाइमेक्स में जिस तरह से जो चीज़ें देखने को मिलती है वो भी उतने कुछ खास करके वर्क नहीं करते कॉमेडी एंगल से इसके अलावा इस फिल्म में अरण फ्रेंचाइज में जो दूसरी फिल्में जिस तरह से वो एक रूटीन टेम्पलेट होते वही रूटीन टेम्पलेट के साथ इस यूनिक स्टोरी को डिलीवर किया होता कुछ नयापन आपको देखने को नहीं नज़र आएगा रूटीन प्लॉट को जिस तरह से शुगर क्लॉट करके ट्विस्ट और टर्न्स के साथ गुड टेक्निक के साथ हमारे सामने पेश किया वो बढ़िया था लेकिन जो चीज़ें थी वो कहीं हद तक उसमें हमें पता चल जाता था प्रिडिक्टेबल नजर आ जाती थी ये फिल्म पूरी तरह से एक प्रिडिक्टेबल नज़र आएगी इमोशनल डेप्थ की कमी नज़र आती है कॉमेडी अननेसेसरी डाली हुई थी जिसके चलते फिल्म की जो मेन मोटिव है वो डायल्यूट होता हुआ नज़र आता है सेकंड हाफ आप में फिल्म स्लो डाउन काफ़ी हो जाती है सॉन्ग्स जो डाले हुए हैं उसकी भी कुछ खास ज़रूरत नहीं थी उसको एवॉड एवॉइड किया जा सकता था एडिटिंग फिल्म की और की जा सकती थी ये फिल्म आ, आसानी से 10 मिनट जितनी और छोटी की जा सकती थी तो ओवरऑल देखा जाए तो बा किया अरन मनी फोर टेक्निकली अच्छी खासी बनी हुई फिल्में बैकग्राउंड स्कोर भी काफ़ी दमदार नजर आएगा जो सीन्स को एनहेंस कर रहा था सिनेमेटोग्राफी भी जिस तरह से शोकेस किया है जो विजुअल्स देखने को मिलती है वो काफ़ी बढ़िया था प्रोडक्शन वैल्यू भी इस फिल्म की काफ़ी बड़ी और अच्छी नज़र आती है एडिटिंग फिल्म की थोड़ी बेहतर हो सकती थी डायरेक्टर सुंदर सिंह ने रूटीन स्टोरी लाइन लेते हुए जिस तरह से अपना एंगेजिंग नेरेट नेरेशन दिया हुआ है कुछ पार्ट्स में काफ़ी बढ़िया तरीके से वर्क करता है वहीं पर कुछ जगह पर ये चीज़ें कुछ खास वर्क कर नहीं पाती है जहाँ पे इस फिल्म में हॉरर एलिमेंट इंटरेस्टिंग थे लेकिन कॉमेडी पोर्संस को जिस तरह से चौकेस किया वो सभी चीज़ें बगा बिगाड़ देती है सुंदर सी की तरफ से अननेसेसरी कॉमेडी सीन्स अगर नहीं आते तो ये फिल्म और बेटर इंपेक्ट डाल सकती थी कुल मिला एक रूटीन स्टोरी लाइन के साथ ये फिल्म आई हुई है जहाँ पे डेफिनेटली हॉरर एलिमेंट आपको पसंद आएंगे और दी टॉप कॉमेडी सिक्वेंस को आपको थोड़ा बहुत इग्नोर करना पड़ेगा अदरवाइज वन टाइम वॉचेबल ये फिल्म है अरन मने फोर या बाग फिल्म को ऑफिशियली तमिल तेलुगू इन सभी वर्जन्स में चालीस करोड़ के बजट के साथ यूएस सर्टिफिकेट लेते हुए तीन मई दो को रिलीज़ किया था जब यह फिल्म रिलीज़ हुई तब क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से काफ़ी मिक्सड पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया जिसके चलते इस फिल्म ने आई के ऊपर करीबन करीबन उन्नीस वोट हासिल किए जिसमें इक्काउन सौ पाँच पॉइंट एक ये की रेटिंग हासिल की दस मई से अरन मने फोर ने अपने पहले वीक में अपने पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ के चलते मास ऑडियंस के चलते पचास करोड़ का वर्ल्ड वाइड हुआ था से, बाद में सेकंड वीक तक पहुंचते पहुंचते फिल्म पिछहत्तर करोड़ तक पहुंच गए उसके बाद में इस इस फिल्म फिल्म ने ने अपना जो थिएट्रिकल रन रन कंप्लीट किया उस रन में चालीस करोड़ के बजट के सामने सौ करोड़ से ज्यादा का ग्रोस कलेक्शन किया और बॉक्स ऑफिस पर फिल्म काफी बड़ी सक्सेसफुल फिल्म साबित हुई और वन ऑफ दी तमिल लैंग्वेज में भी जो पिछली कुछ फिल्में आई है दो हजार चौबीस में उसमें फिल्म साबित हुई और साथ ही में जो ये फ्रेंचाइज से फोर तक की उसमें सबसे ज्यादा पैसे कमाने वाली फिल्म साबित हुई तो इस तरह से इस फिल्म ने काफी कई सारे रिकॉर्ड्स क्रेक किए जब ये फिल्म ओ टी टी पे प्रीमियर करवाई गई वहाँ पर भी इस फिल्म ने काफ़ी बढ़िया रिस्पॉन्स हासिल किया जहाँ पे इस फिल्म ने ओ टी टी रिलीज जब ली तब काफ़ी बढ़िया व्यूज़ हासिल किए थे जहाँ पर अरन मने फोर फिल्म को अगर आपको साउथ इंडियन लैंग्वेजेस जैसे कि तमिल तेलुगु कन्नडा मलयालम और हिंदी में देखना है तो डिजनी प्लस होट स्टार के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन देख सकते हो हिंदी वर्जन के ओ टी टी राइट जियो सिनेमा के पास है टी स्थ्रीम टी थ्री स्ट्रीमिंग वालों ने उनको बेचे हुए हैं तो जियो सिनेमा के ऊपर ये फिल्म बिल्कुल फ्री में प्रीमियर करवाई हुई है तो अरन मने फोर फिल्म हिंदी डब वर्जन में आपको बिल्कुल फ्री में देखने को मिल जाएगी जियो सिनेमा का जियो जी, सिनेमा के ऊपर विदाउट लॉग इन विथ इंग्लिश सब टाइटल एक बार फिर रिपीट कर देता हूं कि अरन मने फोर फिल्म फिलहाल में ऑफिशियली डिजनी प्लस होस्ट के ऊपर तमिल तेलुगू, कन्नडा मलयालम इन चार वर्जन में देखने को मिलेगी विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन वहीं पर इस फिल्म का हिंदी डब वर्जन आपको बिल्कुल फ्री में जियो सिनेमा के ऊपर विथ इंग्लिश सब आसानी से देखने को मिल जाएगा वहाँ पर फिल्म आप आसानी से हिंदी डब में इन्जॉय कर पाओगे तो इस तरह से अरन मन फोर फिल्म आप ऑफिशियली ओ टी और सैटेलाइट प्लेटफॉर्म के ऊपर पाँच ही लैंग्वेज जैसे कि हिंदी तमिल तेलुगु, कन्नडा मलयालम इन सभी वर्जन में इन्जॉय कर पाओगे जहाँ पे मेनली हिंदी वर्जन आपको बिल्कुल फ्री में देखने को मिलेगा जियो सिनेमा के ऊपर अरन मनई फॉर यानी कि पेलेस फॉर ये एक दो की इंडियन तमिल लैंग्वेज कॉमेडी हॉरर फिल्म है फिल्म को पहले तमिल और तेलुगू वर्जन में रिलीज़ किया गया था लेटर ऑन बाकी सभी वर्जन में डब करके थिएट्रिकली इस फिल्म को रिलीज़ किया हुआ था जहाँ पर तेलुगू वर्जन में इस फिल्म को बाक नाम दिया हुआ था अदरवाइज सभी लैंग्वेज में इस फिल्म को अरन मनई फोर ही नाम दिया हुआ है इस फिल्म का जो हिंदी वर्जन है वो टी थ्री स्ट्रीमिंग के द्वारा प्रोड्यूस किया गया था उनके द्वारा डब किया गया था जहाँ पे ओरिजिनल प्रोड्यूसर्स के ऊपर बातचीत करें तो खुशबू सुंदर ए सी सनमुगन ए सी एस अरुण कुमार ने इस फिल्म को अवनी सिनेमेक्स और बेंस मीडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के नीचे करीबन चालीस करोड़ जितने हाई बजट में बनाया हुआ था ये फिल्म जो अरन मने फिल्म सीरीज़ है उसका चौथा पार्ट है इसके पहले की जो तीन पार्ट है वो भी एक से बढ़कर एक हिट हुए हैं जहाँ पे 2014 में पहला पार्ट आया हुआ था जिसमें सुंदर सिंह खुद लीड रोल में थे अरन मने टू में भी वो खुद लीड रोल में और डायरेक्टर भी थे जो दो में रिलीज़ किया गया था 2021 में इसका तीसरा पार्ट आया था वो भी काफ़ी सक्सेसफुल साबित हुआ था और जो 2024 का पार्ट आया हुआ है वो उससे भी बड़ा काफ़ी बड़ा सक्सेसफुल साबित हुआ है मेनली उसकी कहानी की वजह से जिस तरह से उसको पेश किया था उसकी वजह से इस फिल्म को डरेक्ट किया हुआ है सुंदर सिंह ने लिखा हुआ है सुंदर सिंह ने जहाँ पे वेंकट राघवन और एस बी रामदास ने भी उसमें राइटिंग में मदद की हुई स्क्रीन प्ले वो सुंदर सिंह का था एडिशनल स्क्रीन प्ले वेंकट राघवन ने लिखा हुआ है स्टोरी आइडिया ओरिजिनल स्टोरी लाइन थी वो खुद सुंदर सी की थी तो इस तरह से इस फिल्म में सुंदर सी ने अपना पूरा काम दिया हुआ है वहीं पे उनकी वाइफ ने इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है जहाँ पे ये फिल्म है वो का, उनके ही द्वारा डिस्ट्रीब्यूट करवाई गई थी इसके अलावा इस फिल्म की कास्टिंग के ऊपर बातचीत करें तो सुंदर सी तमन्ना भाटे और राशिक खन्ना लीड रोल में देखने को मिलेंगे टेक्निकल टीम के ऊपर बात बातचीत करें तो सिनेमाटोग्राफी वो ई कृष्णा सामी ने किए हुई है फिल्म को फेनी ओलिवर ने एडिट किया हुआ है जिन्होंने एक मिनट यानी कि दो घंटे और 27 मिनट का रन टाइम दिया हुआ है सेंसर बोर्ड की तरफ से फिल्म को यू ए सर्टिफिकेट मिला हुआ था म्यूज़िक में हिप ऑप तमिला ने बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स दोनों कंपोज किए हुए म्यूज़िक के जो राइट्स वो थिंक म्यूजिक वालों ने एक अच्छी प्राइज़ में खरीदे हुए थे उन्होंने तमिल तेलुगु दोनों वर्जन के गानों को ऑफिशियली रिलीज़ करवाया हुआ है इसके अलावा इस फिल्म के कास्टिंग के ऊपर बातचीत करें कौन सा एक्टर कौन सा रोल प्ले रहा है उसके ऊपर तो इस फिल्म में सुंदर सी आपको एडवोकेट सर्वानंद के रोल में लीड रोल में देखने को मिलेंगे तमन्ना का रोल प्ले किया हुआ है जो सर्वानंद की यंगर सिस्टर है डॉक्टर माया का रोल राशिक खन्ना को दिया गया था स्वामी का रोल रामचंद्र राजू ने प्ले किया हुआ है संतोष जो सेल्वी का हस्बेंड है वो रोल संतोष प्रताप ने प्ले किया हुआ है सर्वानंद की जो आंट है उसका रोल कोवाई सरला ने प्ले किया हुआ है मैसौन का रोल है वो योगी बाबू ने प्ले किया हुआ है कारपेंटर के रोल में वी टी गणेश देखने को मिलेंगे माया के ग्रैंडफादर जो जमींदार थे वो रोल दिल्ली गणेश ने प्ले किया हुआ है विलेज के जो प्रेसिडेंट है वर्था राजन एस वो रोल जया प्रकाश ने प्ले किया हुआ है फेडरिक जॉनसन इस फिल्म में रवि के रोल में देखने को मिलेंगे जो वर्धा राजन है उसके बेटे का रोल था वो राजेंद्रन ने रत्नम का रोल प्ले किया हुआ है सिंगम ने कॉन्स्टेबल ए शक्तिवेल का रोल प्ले किया हुआ है देवानंदा ने शक्ति यानी कि सेल्वी की डॉटर का रोल प्ले किया हुआ है इसके अलावा इस फिल्म में और भी सपोर्टिंग कास्ट देखने को मिलते हैं जहां पे सर्वानंद जूनियर का रोल संजय ने प्ले किया हुआ है जमींदार के सर्वण का लो, रोल लोलू लो, सभा सेसु ने प्ले किया हुआ विचू विश्वनाथ ने मनी लेंडर का रोल प्ले किया है यातिन कार्यकर ने इसमें पृष्ठ का रोल प्ले किया है नमो नारायणा ने इस फिल्म में किए दुराई पांडे का रोल प्ले किया है जयश्री चाकी ने इस फिल्म में सेल्वी का रोल प्ले किया जो दुराई पांडे की बेटी का रोल था हर्षा हरीश ने इस फिल्म में प्रष्ट के बेटी का रोल प्ले किया हुआ है इसके अलावा तेलुगू वर्जन में आपको जो योगी बाबू वाला मैसोन का किरदार था वो वेनोला के स्वर प्ले करते हुए नजर आएंगे और श्रीनिवास रेड्डी ने कारपेंटर जो वी टी वाला किरदार था वो प्ले किया हुआ है इसके अलावा कुछ केमियोज़ देखने को मिलते हैं जहाँ पे के एस रवि कुमार ने डी एस पी एस जगदीशन के रोल में कैमियो दिया हुआ है खुशबू सुंदर ने अमन गाने में कैमियो दिया हुआ है उनके साथ सिमरन ने भी उस गाने में कैमियो दिया हुआ है तो ये फिल्म की लीड प्रोमिनेंट कास्ट जिन्होंने इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले किए हुए हैं प्रोडक्शन की ओर बढ़ते मिड जनवरी दो में कुछ अनाउंसमेंट आ रही आई थी जहां पे बताया जा रहा था केरल में नई फिल्म सीरीज का चौथा तो इंस्टॉलमेंट आने वाला है जिसमें इस फिल्म को लीड करेंगे विजय सेतुपति जहां पे सुंदर सी इसको डायरेक्ट करने वाले और वही प्रोड्यूस करेंगे फिल्म को लेकिन विजय सेतुपति की और, और भी कई कमिटमेंट थे जिसके चलते वो इस प्रोजेक्ट के साथ जुड़ नहीं पाए उसके बाद में सुंदर सी ने खुद लीड रोल करने का फैसला लिया लेटर ऑन मार्च दो में ऑफिशियली राशि खन्ना तमन्ना भाटिया को लीड एक्ट्रेस के लिए अप्रोच किया गया उनको कंफर्म किया गया उसके बाद में संतोष प्रसाद को प्रताप को क्या पाइवटल रोल के लिए सिक्योर किया गया को सला योगी बाबू वी टी गणेश दिल्ली गणेश राजेंद्रन सिंगम पोली को भी इस फिल्म में इंपॉर्टेंट रोल के लिए अप्रोच किया गया जहाँ पे तेलुगु में जो इस फिल्म को पार्शली रिसोड किया हुआ है जहाँ पे विनिला किशोर श्रीनिवास रेड्डी ने योगी बाबू और वी गणेश का रोल रिप्लेस किया हुआ है एडिसनली जो सुंदर से का जो अब म्यूजिक का कॉडियो है हिप हॉप तमिला उनके साथ एक और का, का प्रोजेक्ट जुड़ा क्योंकि इससे पहले उन्होंने काफ़ी फिल्मों में साथ में काम किया हुआ है इस फिल्म के प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी मार्च 2023 में स्टार्ट करवाई गई थी मिड सितंबर तक रेप अप करवाई गई सीबीएफसी जो बोर्ड है सेंसर बोर्ड वहाँ पे इस फिल्म को यू सर्टिफिकेट मिला गया एक मिनट बाईस सेकंड का रन टाइम सेंसर करवाया गया जहाँ पे तेलुगु वर्ज़न को एक मिनट और सात सेकंड का सेंसर करवाया गया जहाँ पे यू सर्टिफिकेट फिल्म को दिया हुआ था म्यूज़िक डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो फिल्म में तमिल वर्जन में पांच गाने सुनने को मिलेंगे तेलुगू में चार जहाँ पे तमिल ट्रैक लिस्टिंग में टोटल लेंथ है वो है सोलह मिनट तैंतीस सेकंड तेलुगु का जो साउंड ट्रैक है उसकी लेंथ है तेरह मिनट सैंतालीस से सेकंड तो इसके रेट थिंक म्यूजिक ने खरीदे थे हिप हॉप तमिल ने म्यूजिक दिया हुआ था मार्च से सेप्टेम्बर से दो के बीच में इसको रिकॉर्ड किया गया था ट्रैक लिस्टिंग करे तो चो करके जो गाना है उसको विघ्नेश श्रीकांत ने लिखा हुआ था करिश्मा रविचंद्रन और श्रीनिवास श्रीनिवासिलान ने उसको गाया हुआ था जो जो गाने को को ने लिखा था मीनाक्षी इलाया राजा ने उसको या था अमन गाने को मुतामिल ने लिखा हुआ था अरुणा रविचंद्रन वी महालिंगम ने उसको गाया हुआ था ओइले ओइले गाने को ऐसा ने लिखा हुआ था कौशिक क्रिस और स्निग्धा चंद्रा ने गाया हुआ था गोश्त थीम को हिप हॉप तमिला ने गाया हुआ था तो ये टोटल तमिल वर्जन में पांच ट्रिक तैयार किए गए थे जिसकी लेंथ थी सोलह मिनट ते सेकंड इन सभी गानों को तीन मई दो तक ऑफिशियली वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में सभी वर्जन में थिंक म्यूजिक के द्वारा रिलीज़ करवाए हुए थे ये सभी गाने उनके यूट्यूब चैनल के ऊपर आप बिल्कुल फ्री में वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में सुन सकते हो अब थोड़ी बहुत कहानी के ऊपर चर्चा करें तो इस फिल्म को तेलुगु में बाक नाम दिया हुआ है बाकी सभी वर्जन में ये फिल्म अरन वन एक फोर के नाम से रिलीज की गई है जहाँ पे सुंदर सी का जो कैरेक्टर है शिवशंकर जिसको तेलुगु में शिवशंकर नाम दिया हुआ है वैसे उनका नाम सर्वानंद है फिल्म में जो सिंसियर लॉयर है किसी एक दिन उसको पता चलता है कि उनकी बहन जो शिव बहन है शिवानी उसने सुसाइड कर लिए शिवानी का रोल प्ले करे तमन्ना इस न्यूज़ को सुनते ही सर्वानंद पूरी तरह से शौक हो जाता है दूसरी तरफ शिवानी का हस्बैंड भी कुछ मिस्ट्री इस तरीके से जंगल में मर जाता है तो सर्वानंद को इन सभी चीज़ों के ऊपर विश्वास नहीं होता है अपनी बहन का जो एक्सट्रीम स्टेप लिया हुआ है उसमें भी उसको भरोसा नहीं हो रहा है तो ये सभी चीज़ें उसको थोड़ी ऐसी लग रही है कि ऊपर ऊपर से ढकी ढकी है कुछ इसके पीछे और कोई रीज़न हो सकता है या किसी और ने मर्डर किया होगा तो ये सभी चीज़ों को प्रॉपर क्लेरिफाई करने के लिए इस मिस्ट्री इस चीज़ को क्लेरिफाई करने के लिए वो डिसाइड करते हैं कि वो इस डेथ के पीछे शिवानी और उसके हस्बैंड के जो डेथ हुए उसके पीछे क्या रीज़न है उसको ढूंढने के लिए वो निकल जाता है जहाँ पे बाकी की कहानी यही है कि किस तरह से सर्वानंद इस मिस्टीरियस चीज़ों को सोल्व करता है और ये जो घटनाएँ घटी है उसको हमारे सामने पेश कर पाता है इस फिल्म में यानी कि अर मन फ्रेंचाइज में जिस तरह से जो चीज़ें आपने अभी तक देखी है उसमें ये फिल्म पूरी तरह से टेक्निकली काफ़ी बढ़िया नज़र आती है पहले तीन फिल्मों के मुकाबले इस फिल्म में टेक्निकल एस्पेक्ट काफ़ी मज़बूत थे विजअल्स बैकग्राउंड स्कोर प्रोडक्शन वैल्यू काफ़ी बढ़िया तरीके से एक्सट्रीम लेवल्स के ऊपर इसको केयर किया हुआ है मेकर्स ने काफ़ी बढ़िया पैसा डाला हुआ ऐसा नज़र आ रहा है हर एक फ्रेम में क्वालिटी नज़र आ रही थी हॉरर इफेक्ट थे उसको काफ़ी नीटली डन किया हुआ था बैकग्राउंड स्कोर जो दिया हुआ था हिप ऑप तमिला ने वो काफ़ी बढ़िया तरीके से स्क्रेक स्केरी मोवमेंट्स थे उसको एक का एनहेंस करके इम्पेक्ट डालता हुआ नज़र आता है मूवी में कई सारे ऐसे सीन्स थे जो काफ़ी बढ़िया तरीके से डायरेक्टर ने एग्जीक्यू ट किए हुए हैं इंटरवल का जो पोर्सन था वो भी काफ़ी बढ़िया तरीके से हैंडल किया गया था इंटरेस्टिंग इवेंट्स जो सीरीज में दिखाए हुए जब फिल्म आधे दूर तक पहुंचती है जिस तरह से आपकी क्यूरियोसिटी डायरेक्टर बना के रखते हैं इंटरवल तक वो सभी चीज़ें काफ़ी बढ़िया तरीके से हैंडल की हुई है इस फिल्म में कुछ एक्साइटिंग मोमेंट्स देखने को मिलते हैं जिस तरह से सेकंड हाफ़ में पहले पार्ट में पहले हाफ़ में जो सभी चीज़ें दिखाई हुई है फर्स्ट हाफ में उसको सेकंड हाफ़ में किस तरह से वो ज्वाइंट करते हैं इंटरवल के बाद उन डोड को कनेक्ट करके जिस तरह से हमारे सामने पे पेश किया जाता है वो काफ़ी बढ़िया नज़र आता है सुंदर सी इस फिल्म में लीड रोल में देखने को मिलते हैं उनका जो प्रोटोकोनिस वाला किरदार था उसमें वो काफ़ी बढ़िया नज़र आए तमन भाटिया को एक अच्छा खासा ब्रीप रोल दिया गया था जहां पे वो अपने रोल के साथ अपना हुई, नजर आती है उन्होंने भी बढ़िया काम किया का कि लाइन चल रही थी काफी बढ़िया स्टोरी लिखी हुई थी स्क्रीन प्ले भी अच्छा लिखा हुआ था लेकिन उसके बीच में अनवॉन्टेड कॉमेडी ट्रेक आते जो पंद्रह बीस साल पहले फिल्मों में आया करते थे ऐसे जो शायद लगता है कि उन्होंने वैसे भी ये सीरीज मास ऑडियंस के लिए बनाए हुए तो उनको ध्यान में रखती हुई सभी चीज़ें क्लिक करके डाली होगी ये स्टेप्टिक कॉमेडी ज़्यादातर सीनों में वर्क नहीं करते इरिटेशन वाला फील नज़र आता है कुछ फन सीन्स डेफिनेटली इस फिल्म में दिए हुए लेकिन उसमें ये का अननेसेसरी कॉमेडी कुछ ऐसी चीज़ें वो उसका इम्पेक्ट है वो डाइल्यूट करती हुई नज़र आती है क्लाइमेक्स में जिस तरह से जो चीज़ें देखने को मिलती है वो भी उतने कुछ खास करके वर्क नहीं करते कॉमेडी एंगल से इसके अलावा इस फिल्म में अरण फ्रेंचाइज में जो दूसरी फिल्में जिस तरह से वो एक रूटीन फेर टेम्पलेट होते वही रूटीन टेम्पलेट के साथ इस यूनिक स्टोरी को डिलीवर किया होता कुछ नयापन आपको देखने को नहीं नजर आएगा रूटीन प्लॉट को जिस तरह से शुगर क्रॉट करके ट्विस्ट और टर्न्स के साथ गुड टेक्निक के साथ हमारे सामने पेश किया वो बढ़िया था लेकिन जो चीज़ें थी वो कहीं हद तक उसमें हमें पता चल जाता था प्रिडिक्टेबल नज़र आ जाती थी ये फिल्म पूरी तरह से एक प्रिडिक्टेबल नज़र आएगी इमोशनल डेप्थ की कमी नज़र आती है कॉमेडी अननेसेसरी डाली हुई थी जिसके चलते फिल्म की जो मेन मोटिव है वो डायलिट होता हुआ नजर आता है सेकंड हाफ में फिल्म स्लो डाउन काफी हो जाती है सॉन्ग्स जो डाले हुए उसकी भी कुछ खास जरूरत नहीं थी उसको एवॉइड किया जा सकता था एडिटिंग फिल्म की और की जा सकती थी ये फिल्म आ, आसानी से दस मिनट जितनी और छोटी की जा सकती थी तो ओवरऑल देखा जाए तो बा किया अरन मनी फॉर टेक्निकली अच्छी खासी बनी हुई फिल्म है बैकग्राउंड स्कोर भी काफी दमदार नजर आएगा जो सीन्स को एनहेंस कर रहा था सिनेमेटोग्राफी भी जिस तरह से शोकेस किया है जो विजुअल्स देखने को मिलती है वो काफी बढ़िया था प्रोडक्शन वैल्यू भी इस फिल्म की काफ़ी बड़ी और अच्छी नजर आती है एडिटिंग फिल्म की थोड़ी बेहतर हो सकती थी डायरेक्टर सुंदर सिंह ने रूटीन स्टोरी लेते हुए जिस तरह से अपना एंगेजिंग नेरेट की नेरेशन दिया हुआ है कुछ पार्ट्स में काफ़ी बढ़िया तरीके से वर्क करता है वहीं पर कुछ जगह पर ये चीज़ें कुछ खास वर्क कर नहीं पाती है जहाँ पर इस फिल्म में हॉरर एलिमेंट इंटरेस्टिंग थे लेकिन कॉमेडी पोर्स को जिस तरह से चौकेस किया वो सभी चीज़ें बिगाड़ देती है सुंदर सी की तरफ से अननेसेसरी कॉमेडी सीन्स अगर नहीं आते तो ये फिल्म और बेटर इंपेक्ट डाल सकती थी कुल मिला एक रूटीन स्टोरी लाइन के साथ ये फिल्म आई हुई है जहाँ पे डेफिनेटली हॉरर एलिमेंट आपको पसंद आएंगे और दी टॉप कॉमेडी सिक्वेंस को आपको थोड़ा बहुत इग्नोर करना पड़ेगा अदरवाइज वन टाइम वॉचेबल ये फिल्म है अरनमने मने फोर या बाग फिल्म को ऑफिशियली तमिल तेलगु इन सभी वर्जन्स में चालीस करोड़ के बजट के साथ यूएस सर्टिफिकेट लेते हुए तीन मई दो को रिलीज़ किया था जब यह फिल्म रिलीज हुई तब क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से काफ़ी और पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया जिसके चलते इस फिल्म ने आई के ऊपर करीबन करीबन उन्नीस वोट हासिल किए जिसमें इक्काउन सौ पाँच पॉइंट एक की रेटिंग हासिल की दस मई से अरन मने फोर ने अपने पहले वीक में अपने पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ के चलते मास ऑडियंस के चलते पचास करोड़ का वर्ल्ड वाइड वीक लिया हुआ था से, बाद में सेकंड वीक तक पहुंचते पहुंचते फिल्म पिछहत्तर करोड़ तक पहुंच गए करोड़, करोड़ से ज्यादा कलेक्शन किया और बॉक्स ऑफिस काफी बड़ी सक्सेसफुल फिल्म साबित हुई और वन ऑफ लैंग्वेज में भी जो पिछली कुछ फिल्म आई है दो ऑफ चौबीस में उसमें फिल्म साबित हुई और साथ ही में जो ये फ्रेंचाइज है सबसे ज्यादा पैसे कमाने वाली फिल्म साबित हुई तो इस तरह से इस फिल्म ने काफी के कई सारे रिकॉर्ड्स क्रेक किए जब ये फिल्म ओ टी टी पे प्रीमियर करवाई गई वहाँ पर भी इस फिल्म ने काफी बढ़िया रिस्पॉन्स हासिल किया जहाँ पे इस फिल्म ने ओ रिलीज जब ली तब काफ़ी बढ़िया व्यूज़ हासिल किए थे जहाँ पे अरन मने फोर फिल्म को अगर आपको साउथ इंडियन लैंग्वेजेस जैसे कि तमिल तेलुगु कन्नडा मलयालम और हिंदी में देखना है तो डिजनी प्लस होट स्टार के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन देख सकते हो हिंदी वर्जन के ओ टी टी राइट जियो सिनेमा के पास है टी स्थ्रीम टी थ्री स्ट्रीमिंग वालों ने उनको बेचे हुए हैं तो जियो सिनेमा के ऊपर ये फिल्म बिल्कुल फ्री में प्रीमियर करवाई हुई है तो अरुण मने फोर फिल्म हिंदी डब वर्जन में आपको बिल्कुल फ्री में देखने को मिल जाएगी जियो सिनेमा का जियो सिनेमा के ऊपर विदाउट लॉग इन विथ इंग्लिश सब टाइटल एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि अरन मनई फोर फिल्म फिलहाल में ऑफिशियली डिजनी प्लस होटस्टार के ऊपर तमिल तेलुगू कन्नडा मलयालम इन चार वर्जन में देखने को मिलेगी विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन वहीं पर इस फिल्म का हिंदी डब वर्जन आपको बिल्कुल फ्री में जियो सिनेमा के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल आसानी से देखने को मिल जाएगा वहाँ पर फिल्म आप आसानी से हिंदी डब में इंजॉय कर पाओगे तो इस तरह से अरन माने फोर फिल्म आप ऑफिशियली ओटी टी और सेटेलाइट प्लेटफॉर्म के ऊपर पाँच ही लैंग्वेज जैसे कि हिंदी तमिल तेलुगु, कन्नडा मलयालम इन सभी वर्जन में इन्जॉय कर पाओगे जहाँ पे मेनली हिंदी वर्जन आपको बिल्कुल फ्री में देखने को मिलेगा जियो सिनेमा के ऊपर अरन मनई फोर यानि कि पेलेस फोर ये दो हज़ार की इंडियन तमिल लैंग्वेज कॉमेडी हॉरर फिल्म है फिल्म को पहले तमिल और तेलुगू वर्जन में रिलीज़ किया गया था लेटर ऑन बाकी सभी वर्जन में डब करके थिएट्रिकली इस फिल्म को रिलीज़ किया हुआ था जहाँ पे तेलुगू वर्ज़न में इस फिल्म को बाक नाम दिया हुआ था अदरवाइज सभी लैंग्वेज में इस फिल्म को अरन फोर ही नाम दिया हुआ है इस फिल्म का जो हिंदी वर्जन है वो टी थ्री स्ट्रीमिंग के द्वारा प्रोड्यूस किया गया था उनके ही द्वारा डब किया गया था जहाँ पे ओरिजिनल प्रोड्यूसर्स के ऊपर बातचीत करें तो खुशबू सुंदर ए सी सनमुगन ए सी एस अरुण कुमार ने इस फिल्म को अवनी सिनेमेक्स और बेंस मीडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के नीचे करीबन चालीस करोड़ जितने हाई बजट में बनाया हुआ था ये फिल्म जो अरन मने फिल्म सीरीज़ है उसका चौथा पार्ट है इसके पहले की जो तीन पार्ट है वो भी एक से बढ़कर एक हिट हुए हैं जहाँ पे 2014 में पहला पार्ट आया हुआ था जिसमें सुंदर सिंह खुद लीड रोल में थे अरन मने टू में भी वो खुद लीड रोल में और डायरेक्टर भी थे जो दो में रिलीज़ किया गया था 2021 में इसका तीसरा पार्ट आया था वो भी काफ़ी सक्सेसफुल साबित हुआ था और जो दो का पार्ट आया हुआ है वो उससे भी बड़ा काफ़ी बड़ा सक्सेसफुल साबित हुआ है मेनली उसकी कहानी की वजह से जिस तरह से उसको पेश किया था उसकी वजह से इस फिल्म को डायरेक्ट किया हुआ है सुंदर सिंह ने लिखा हुआ है सुंदर सिंह ने जहाँ पे वेंकट राघवन और एस बी रामदास ने भी उसमें राइटिंग में मदद की हुई है स्क्रीन प्ले वो सुंदर सिंह का था एडिशनल स्क्रीन प्ले वेंकट राघवन ने लिखा हुआ है स्टोरी आइडिया ओरिजिनल स्टोरी लाइन थी वो खुद सुंदर सी की थी तो इस तरह से इस फिल्म में सुंदर सी ने अपना पूरा काम दिया हुआ है वहीं पे उनकी वाइफ ने इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है जहाँ पे ये फिल्म है वो का उनके ही द्वारा डिस्ट्रीब्यूट करवाई गई थी इसके अलावा इस फिल्म की कास्टिंग के ऊपर बातचीत करें तो सुंदर सी तमन्ना भाटे और राशिक खन्ना लीड रोल में देखने को मिलेंगे टेक्निकल टीम के ऊपर बात बातचीत करें तो सिनेमाटोग्राफी वो ई कृष्णा सामी ने की हुई है फिल्म को फेनी ओलिवर ने एडिट किया हुआ है जिन्होंने एक मिनट यानी कि दो घंटे और 27 मिनट का रन टाइम दिया हुआ है सेंसर बोर्ड की तरफ से फिल्म को यू ए सर्टिफिकेट मिला हुआ था म्यूज़िक में हिप हॉप तमिला ने बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स दोनों कंपोज किए हुए म्यूज़िक के जो राइट्स है वो थिंक म्यूज़िक वालों ने एक अच्छी प्राइज़ में खरीदे हुए थे उन्होंने तमिल तेलुगु दोनों वर्जन के गानों को ऑफिशियली रिलीज करवाया हुआ है इसके अलावा इस फिल्म के कास्टिंग के ऊपर बातचीत करें कौन सा एक्टर कौन सा रोल प्ले कर रहा है उसके ऊपर तो इस फिल्म में सुंदर सी आपको एडवोकेट सर्वानंद के रोल में लीड रोल में देखने को मिलेंगे तमन्ना भाट ने सेल्वी का रोल प्ले किया हुआ है जो सर्वानंद की यंगर सिस्टर है डॉक्टर माया का रोल राशि खन्ना को दिया गया था स्वामी का रोल रामचंद्र राजू ने प्ले किया हुआ है संतोष जो सेल्वी का हसबेंड है वो रोल संतोष प्रताप ने प्ले किया हुआ है सर्वानंद की जो आंट है उसका रोल कोवाई सरला ने प्ले किया हुआ है मैसौन का रोल है वो योगी बाबू ने प्ले किया हुआ है कारपेंटर के रोल में वी टी गणेश देखने को मिलेंगे माया के ग्रैंडफादर जो जमींदार थे वो रोल दिल्ली गणेश ने प्ले किया हुआ है विलेज के जो प्रेसिडेंट है वर्था राजन एस वो रोल जया प्रकाश ने प्ले किया हुआ है फेडरिक जॉनसन इस फिल्म में रवि के रोल में देखने को मिलेंगे जो वर्धर राजन है उसके बेटे का रोल था वो राजेंद्रन ने रत्नम का रोल प्ले किया हुआ है सिंगम पुलिस ने कॉन्स्टेबल ए सक्तिवेल का रोल प्ले किया हुआ है देवानंदा ने इसमें शक्ति यानी कि सेल्वी की डॉटर का रोल प्ले किया हुआ है इसके अलावा इस फिल्म में और भी सपोर्टिंग कास्ट देखने को मिलते हैं जहां पे सर्वानंद जूनियर का रोल संजय ने प्ले किया हुआ है जमींदार के सर्वण का रोल लोलू सभा से ने प्ले किया है विचू विश्वनाथ ने मनी लेंडर का रोल प्ले किया है यातिन कार्यकर ने इसमें पृष्ठ का रोल प्ले किया है नमो नारायणा ने इस फिल्म में किए दुराई पांडी का रोल प्ले किया है जय श्री चाकी ने इस फिल्म में सेल्वी का रोल प्ले किया जो दुराई पांडे की बेटी का रोल था हर्षा हरीश ने इस फिल्म में प्रष्ट के बेटी का रोल प्ले किया हुआ है इसके अलावा तेलुगू वर्जन में आपको जो योगी बाबू वाला मैसोन का किरदार था वो वेनोला के स्वर प्ले करते हुए नजर आएंगे और श्रीनिवास रेड्डी ने कारपेंटर जो वी टी वी वाला किरदार था वो प्ले किया हुआ है इसके अलावा कुछ कैमियोज देखने को मिलते हैं जहाँ पे के एस रवि कुमार ने डी एस पी एस जगदीशन के रोल में केमियो दिया हुआ है खुशबू सुंदर ने अम्मन गाने में केमियो दिया हुआ है उनके साथ सिमरन ने भी उस गाने में केमियो दिया हुआ है तो ये फिल्म की लीड प्रोमिनेंट कास्ट जिन्होंने इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले किए हुए हैं प्रोडक्शन की ओर बढ़ते मिड जनवरी 2023 में कुछ अनाउंसमेंट आ रही आई थी जहां पे बताया जा रहा था कि अरन में नई फिल्म सीरीज का चौथा तो इंस्टॉलमेंट आने वाला है जिसमें इस फिल्म को लीड करेंगे विजय सेतुपति जहां पे सुंदर सी इसको डायरेक्ट करने वाले और वही प्रोड्यूस करेंगे फिल्म को लेकिन विजय सेतुपति की और, और भी कई कमिटमेंट थे जिसके चलते वो इस प्रोजेक्ट के साथ जुड़ नहीं पाए उसके बाद में सुंदर सी ने खुद लीड रोल करने का फैसला लिया लेटर ऑन मार्च दो में ऑफिशियली राशिक खन्ना और तमन्ना भाटिया को लीड एक्ट्रेस के लिए अप्रोच किया गया उनको कंफर्म किया गया उसके बाद में संतोष प्रसाद को प्र, प्रताप को क्या पाइवटल रोल के लिए सिक्योर किया गया को सला योगी बाबू वी टी वी गणेश दिल्ली गणेश राजेंद्रन सिंगम पोली को भी इस फिल्म में इंपॉर्टेंट रोल के लिए अप्रोच किया गया जहाँ पे तेलुगु में जो इस फिल्म को पार्सियली रिशोट किया हुआ है जहाँ पे विनेला किशोर श्रीनिवास रेड्डी ने योगी बाबू और वी टी गणेश का रोल रिप्लेस किया हुआ है एडिशनली जो सुंदर सी का जो अब म्यूजिक का कॉडियो है हिप हॉप तमिला उनके साथ एक और का, का प्रोजेक्ट जुड़ा क्योंकि इससे पहले उन्होंने काफ़ी फिल्मों में साथ में काम किया हुआ है इस फिल्म के प्रिंसिपल ऑफ़ फोटोग्राफी मार्च 2023 में स्टार्ट करवाई गई थी मिड सितंबर तक रेपअप करवाई गई सीबीएफसी जो बोर्ड है सेंसर बोर्ड वहाँ पे इस फिल्म को यू सर्टिफिकेट मिला गया एक मिनट बाईस सेकंड का रन टाइम सेंसर करवाया गया जहाँ पे तेलुगु वर्जन को एक मिनट और सात सेकंड का सेंसर करवाया गया जहाँ पे यू सर्टिफिकेट फिल्म को दिया हुआ था म्यूजिक डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो फिल्म में तमिल वर्जन में पांच गाने सुनने को मिलेंगे तेलुगु में चार जहाँ पे तमिल ट्रैक लिस्टिंग में टोटल लेंथ है वो है सोलह मिनट तैंतीस सेकंड तेलुगू का जो साउंड ट्रेक है उसके लेते तेरह मिनट सैंतालीस से सेकंड तो इसके रेड थिंक म्यूजिक ने खरीदे थे हिप हॉप तमिल ने म्यूजिक दिया हुआ था मार्च से सितंबर 2023 के बीच में इसको रिकॉर्ड किया गया था ट्रैक लिस्टिंग करें तो अच्छो चो करके जो गाना है उसको विग्नेश श्रीकांत ने लिखा हुआ था करिश्मा रविचंद्रन और श्रीनिवास श्रीनिवासिलान ने उसको गाया हुआ था जो जो गाने को कोशेसा ने लिखा था मीनाक्षी इलाया राजा ने उसको गाया था अमन गाने को मुतामिल ने लिखा हुआ था अरुणा रविचंद्रन वी महालिंगम ने उसको गाया हुआ था गाने को, को ने लिखा हुआ था कौशिक क्रिस और चंद्रा ने गाया हुआ था। को थीम को तमिला ने गाया गाया हुआ हुआ था था को तो ये टोटल तमिल वर्जन में पांच ट्रैक तैयार किए गए थे जिसकी लेंथ थी सोलह मिनट तेसी सेकंड इन सभी गानों को तीन मई 2024 तक ऑफिशियली वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में सभी वर्जन में थिंक म्यूजिक के द्वारा रिलीज करवाए हुए थे ये सभी गाने उनके यूट्यूब चैनल के ऊपर आप बिल्कुल फ्री में वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में सुन सकते हो अब थोड़ी बहुत कहानी के ऊपर चर्चा करें तो इस फिल्म को तेलुगु में बाक नाम दिया हुआ है बाकी सभी वर्जन में ये फिल्म अरन वन एक फोर के नाम से रिलीज़ की गई है जहाँ पे सुंदर सी का जो कैरेक्टर है शिवशंकर जिसको तेलुगु में शिवशंकर नाम दिया हुआ है वैसे उनका नाम सर्वानन है फिल्म में जो सिंसियर लॉयर है किसी एक दिन उसको पता चलता है कि उनकी बहन जो शिव बहन है शिवानी उसने सुसाइड कर लिए शिवानी का रोल प्ले करे तमन्ना इस न्यूज़ को सुनते ही सर्वानंद पूरी तरह से शौक हो जाता है दूसरी तरफ शिवानी का हस्बैंड भी कुछ मिस्टीरियस तरीके से जंगल में मर जाता है तो सर्वानंद को इन सभी चीज़ों के ऊपर विश्वास नहीं होता है अपनी बहन का जो एक्सट्रीम स्टेप लिया हुआ है उसमें भी उसको भरोसा नहीं हो रहा है तो ये सभी चीज़ें उसको थोड़ी ऐसी लग रही है कि ऊपर ऊपर से ढकी ढकी है कुछ इसके पीछे और कोई रीज़न हो सकता है या किसी और ने मर्डर किया होगा तो ये सभी चीज़ों को प्रॉपर क्लेरिफाई करने के लिए इस मिस्ट्री इस चीज़ को क्लेरिफाई करने के लिए वो डिसाइड करते हैं कि वो इस डेथ के पीछे शिवानी और उसके हस्बैंड के जो डेथ हुए उसके पीछे क्या रीज़न है उसको ढूंढने के लिए वो निकल जाता है जहाँ पे बाकी की कहानी यही है कि किस तरह से सर्वानंद इस मिस्टीरियस चीज़ों को सोल्व करता है और ये जो घटनाएं घटी है उसको हमारे सामने पेश कर पाता है इस फिल्म में यानी कि अरण फ्रेंचाइज में जिस तरह से जो चीज़ें आपने अभी तक देखी है उसमें ये फिल्म पूरी तरह से टेक्निकली काफ़ी बढ़िया नज़र आती है पहली तीन फिल्मों के मुकाबले इस फिल्म में टेक्निकल एस्पेक्ट काफ़ी मज़बूत थे विजुअल्स बैकग्राउंड स्कोर प्रोडक्शन वैल्यू काफ़ी बढ़िया तरीके से एक्सट्रीम लेवल्स के ऊपर इसको केयर किया हुआ है मेकर्स ने काफ़ी बढ़िया प्रेसर डाला हुआ ऐसा नज़र आ रहा है हर एक फ्रेम में क्वालिटी नज़र आ रही थी हॉरर इफेक्ट थे उसको काफ़ी नीटली डन किया हुआ था बैकग्राउंड स्कोर जो दिया हुआ था हिप ऑफ तमिला ने वो काफ़ी बढ़िया तरीके से स्क्रेक स्केरी मोवमेंट्स थे उसको एक एनहेंस करके इम्पैक्ट डालता हुआ नज़र आता है मूवी में कई सारे ऐसे सीन्स थे जो काफ़ी बढ़िया तरीके से डायरेक्टर ने एग्जी ट किए हुए प्रिंटल का जो पोर्सन था वो भी काफ़ी बढ़िया तरीके से हैंडल किया गया था इंटरेस्टिंग इवेंट्स जो सीरीज़ में दिखाए हुए जब फिल्म आधे दूर तक पहुंचती है जिस तरह से आपकी क्यूरियोसिटी डायरेक्टर बना के रखते हैं इंटरवल तक वो सभी चीज़ें काफ़ी बढ़िया तरीके से हैंडल की हुई है इस फिल्म में कुछ एक्साइटिंग मोमेंट्स देखने को मिलते हैं जिस तरह से सेकंड हाफ में पहले पार्ट में पहले हाफ़ में जो सभी चीज़ें दिखाई हुई है फर्स्ट हाफ में उसको सेकंड हाफ़ में किस तरह से वो ज्वाइंट करते हैं इंटरवल के बाद उन डॉट को कनेक्ट करके जिस तरह हमारे सामने पे पेश किया जाता है वो काफ़ी बढ़िया नजर आता है सुंदर सी इस फिल्म में लीड रोल में देखने को मिलते हैं उनका जो प्रोटोगोनिस वाला किरदार था उसमें वो काफ़ी बढ़िया नज़र आए तमन भाटिया को एक अच्छा खासा ब्रीप रोल दिया गया था जहां पे वो अपने रोल के साथ अपना प्रेजेंस इंपेक्टर करते हुए काफी बढ़िया नजर आती है ओवरऑल जो सपोर्टिंग कास्ट थी उन्होंने भी बढ़िया काम किया हुआ है इस फिल्म का मेन इश्यू यही है कि इस फिल्म में जो स्टोरी लाइन चल रही थी काफी बढ़िया स्टोरी लिखी हुई थी स्क्रीन प्ले भी अच्छा लिखा हुआ था लेकिन उसके बीच में अनवॉन्टेड कॉमेडी ट्रेक आते जो पंद्रह बीस साल पहले फिल्मों में आया करते थे ऐसे जो शायद लगता है कि उन्होंने वैसे भी ये सीरीज मास ऑडियंस के लिए बनाई हुई तो उनको ध्यान में रखती हुई सभी चीज़ें क्लिक करके डाली होगी ये स्लिप्टिक कॉमेडी ज़्यादातर सीनों में वर्क नहीं करते इरिटेशन वाला फील नज़र आता है कुछ फन सीन्स डेफिनेटली इस फिल्म में दिए हुए लेकिन उसमें ये का अननेसेसरी कॉमेडी कुछ ऐसी चीज़ें वो उसका इम्पेक्ट है वो डाइल्यूट करती हुई नजर आती है क्लाइमेक्स में जिस तरह से जो चीज़ें देखने को मिलती है वो भी उतने कुछ खास करके वर्क नहीं करते कॉमेडी एंगल से इसके अलावा इस फिल्म में अरण फ्रेंचाइज में जो दूसरी फिल्में जिस तरह से वो एक रूटीन फे टेम्पलेट होते वही रूटीन टेम्पलेट के साथ इस यूनिक स्टोरी को डिलीवर किया होता कुछ नयापन आपको देखने को नहीं नजर आएगा रूटीन प्लॉट को जिस तरह से शुगर क्रॉट करके ट्विस्ट और टर्न्स के साथ गुड टेक्निक के साथ हमारे सामने पेश किया वो बढ़िया था लेकिन जो चीज़ें थी वो कहीं हद तक उसमें हमें पता चल जाता था प्रिडिक्टेबल नजर आ जाती थी ये फिल्म पूरी तरह से एक प्रिडिक्टेबल नज़र आएगी इमोशनल डेप्थ की कमी नज़र आती है कॉमेडी अननेसेसरी डाली हुई थी जिसके चलते फिल्म की जो मेन मोटिव है वो डायल्यूट होता हुआ नजर आता है सेकंड हाफ में फिल्म स्लो डाउन काफी हो जाती है सॉन्ग्स जो डाले हुए उसकी भी कुछ खास जरूरत नहीं थी उसको एवॉइड किया किया जा सकता था एडिटिंग फिल्म की और की जा सकती थी ये फिल्म आ, आसानी से दस मिनट जितनी और छोटी की जा सकती थी तो ओवरऑल देखा जाए तो बा किया अरन मनी फोर टेक्निकली अच्छी खासी बनी हुई फिल्म है बैकग्राउंड स्कोर भी काफी दमदार नजर आएगा जो सीन्स को एनहेंस कर रहा था सिनेमेटोग्राफी भी जिस तरह से शोकेस किया है जो विजुअल्स देखने को मिलती है वो काफी बढ़िया था प्रोडक्शन वैल्यू भी इस फिल्म की काफ़ी बड़ी और अच्छी नजर आती है एडिटिंग फिल्म की थोड़ी बेहतर हो सकती थी डायरेक्टर सुंदर सिंह ने रूटीन स्टोरी लेते हुए जिस तरह से अपना एंगेजिंग नेरेट की नेरेशन दिया हुआ है कुछ पार्ट्स में काफ़ी बढ़िया तरीके से वर्क करता है वहीं पर कुछ जगह पर ये चीज़ें कुछ खास वर्क कर नहीं पाती है जहाँ पे इस फिल्म में हॉरर एलिमेंट इंटरेस्टिंग थे लेकिन कॉमेडी पोर्स को जिस तरह शोकेस किया वो सभी चीज़ें बगा बिगाड़ देती है सुंदर सी की तरफ से अननेसेसरी कॉमेडी सीन्स अगर नहीं आते तो ये फिल्म और बेटर इम्पेक्ट डाल सकती थी कुल मिला एक रूटीन स्टोरी लाइन के साथ ये फिल्म आई हुई है जहाँ पे डेफिनेटली हॉरर एलिमेंट आपको पसंद आएंगे और दी टॉप कॉमेडी सिक्वेंस को आपको थोड़ा बहुत इग्नोर करना पड़ेगा अदरवाइज वन टाइम वॉचेबल ये फिल्म है अरन मने फोर या बाग फिल्म को ऑफिशियली तमिल तेलगु इन सभी वर्जन्स में 40 करोड़ के बजट के साथ यूएस सर्टिफिकेट लेते हुए तीन मई 2024 को रिलीज किया था जब ये फिल्म रिलीज हुई तब क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से काफी मिक्सड और पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया जिसके चलते इस फिल्म ने आई के ऊपर करीबन करीबन उन्नीस वोट हासिल किए जिसमें इक्यावन सौ पाँच की रेटिंग हासिल की दस मई से अरन फोर ने अपने पहले वीक में अपने पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ के चलते मास ऑडियंस के चलते पचास करोड़ का वर्ल्ड वाइड वीक

काफ़ी कई सारे रिकॉर्ड्स क्रेक किए जब ये फिल्म ओ टी टी पे प्रीमियर करवाई गई वहाँ पर भी इस फिल्म ने काफ़ी बढ़िया रिस्पॉन्स हासिल किया जहाँ पे इस फिल्म ने ओ रिलीज़ जब ली तब काफ़ी बढ़िया व्यूज़ हासिल किए थे जहाँ पे अरन मने फोर फिल्म को अगर आपको साउथ इंडियन लैंग्वेजेस जैसे कि तमिल तेलगू कन्नडा मलयालम और हिंदी में देखना है तो डिजनी प्लस होट स्टार के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन देख सकते हो हिंदी वर्जन के ओ टी टी राइट जियो सिनेमा के पास है टी थ्री व टी थ्री स्ट्रीमिंग वालों ने उनको बेचे हुए हैं तो जियो सिनेमा के ऊपर ये फिल्म बिल्कुल फ्री में प्रीमियर करवाई हुई है तो अरन मने फोर फिल्म हिंदी डब वर्जन में आपको बिल्कुल फ्री में देखने को मिल जाएगी जियो सिनेमा का जियो सिनेमा के ऊपर विदाउट लॉग इन विध इंग्लिश सब टाइटल फिलहाल में ऑफिशियली डिजनी प्लस होटस्टार के ऊपर तमिल तेलुगु कन्नडा मलयालम इन चार वर्जन में देखने को मिलेगी विथ इंग्लिश सब टाइटल विध सब्सक्रिप्शन वहीं पर इस फिल्म का हिंदी डब वर्जन आपको बिल्कुल फ्री में जियो सिनेमा के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल आसानी से देखने को मिल जाएगा वहां पर फिल्म आप आसानी से हिंदी डब में इंजॉय कर पाओगे तो इस तरह से अरन मने फोर फिल्म आप ऑफिशियली ओटीटी और सैटेलाइट प्लेटफॉर्म के ऊपर पांच ही लैंग्वेज जैसे कि हिंदी तमिल तेलुगु, कन्नड़ा मलयालम इन सभी वर्जन में इन्जॉय कर पाओगे जहां पे मेनली हिंदी वर्जन आपको बिल्कुल फ्री में देखने को मिलेगा जियो सिनेमा के ऊपर अरन मनई फॉर यानि कि पेलेस फॉर ये एक 2024 की इंडियन तमिल लैंग्वेज कॉमेडी हॉरर फिल्म है फिल्म को पहले तमिल और तेलुगू वर्जन में रिलीज़ किया गया था लेटर ऑन बाकी सभी वर्जन में डब करके थिएट्रिकली इस फिल्म को रिलीज़ किया हुआ था जहाँ पे तेलुगू वर्ज़न में इस फिल्म को बाक नाम दिया हुआ था अदरवाइज सभी लैंग्वेज में इस फिल्म को अरन मनई फोर ही नाम दिया हुआ है इस फिल्म का जो हिंदी वर्जन है वो टी थ्री स्ट्रीमिंग के द्वारा प्रोड्यूस किया गया था उनके ही द्वारा डब किया गया था जहाँ पे ओरिजिनल प्रोड्यूसर्स के ऊपर बातचीत करें तो खुशबू सुंदर ए सी सनमुगन ए सी एस अरुण कुमार ने इस फिल्म को अवनी सिनेमेक्स और बेंस मीडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के नीचे करीबन चालीस करोड़ जितने हाई बजट में बनाया हुआ था ये फिल्म जो अरन माने फिल्म सीरीज़ है उसका चौथा पार्ट है इसके पहले की जो तीन पार्ट है वो भी एक से बढ़कर एक हिट हुए जहाँ पे 2014 में पहला पार्ट आया हुआ था जिसमें सुंदर सी खुद लीड रोल में थे अरन माने टू में भी वो खुद लीड रोल में और डायरेक्टर भी थे जो दो में रिलीज़ किया गया था 2021 में इसका तीसरा पार्ट आया था वो भी काफ़ी सक्सेसफुल साबित हुआ था और जो 2024 का पार्ट आया हुआ है वो उससे भी बड़ा काफ़ी बड़ा सक्सेसफुल साबित हुआ है मेनली उसकी कहानी की वजह से जिस तरह से उसको पेश किया था उसकी वजह से इस फिल्म को डायरेक्ट किया हुआ है सुंदर सिंह ने लिखा हुआ है सुंदर सिंह ने जहाँ पे वेंकट राघवन और एस बी रामदास ने भी उसमें राइटिंग में मदद किए हुई है स्क्रीन प्ले वो सुंदर सिंह का था एडिशनल स्क्रीन प्ले वेंकट राघवन ने लिखा हुआ है स्टोरी आइडिया ओरिजिनल स्टोरी लाइन थी वो खुद सुंदर सी की थी तो इस तरह से इस फिल्म में सुंदर सी ने अपना पूरा काम दिया हुआ है वहीं पे उनकी वाइफ ने इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है जहाँ पे ये फिल्म है वो का उनके ही द्वारा डिस्ट्रीब्यूट करवाई गई थी इसके अलावा इस फिल्म की कास्टिंग के ऊपर बातचीत करें तो सुंदर सी तमन्ना भाटे और राशिक खन्ना अली में देखने को मिलेंगे टेक्निकल टीम के ऊपर बात बातचीत करें तो सिनेमाटोग्राफी वो ई कृष्णा सामी ने किए हुई है फिल्म को फेनी ओलिवर ने एडिट किया हुआ है जिन्होंने एक मिनट यानी कि दो घंटे और सत्ताईस मिनट का रन टाइम दिया हुआ है सेंसर बोर्ड की तरफ से फिल्म को यू सर्टिफिकेट मिला हुआ था म्यूज़िक में हिप हॉप ने बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स दोनों कंपोज़ किए हुए म्यूज़िक के जो राइट्स है वो थिंक म्यूज़िक वालों ने एक अच्छी प्राइस में खरीदे हुए थे उन्होंने तमिल तेलुगु दोनों वर्जन के गानों को ऑफिशियली रिलीज़ करवाया हुआ है इसके अलावा इस फिल्म के कास्टिंग के ऊपर बातचीत करें कौन सा एक्टर कौन सा रोल प्ले कर रहा है उसके ऊपर तो इस फिल्म में सुंदर सी आपको एडवोकेट सर्वानंद के रोल में लीड रोल में देखने को मिलेंगे तमन्ना भाटिया ने सेल्वी का रोल प्ले किया हुआ है जो सर्वानंद की यंगर सिस्टर है डॉक्टर माया का रोल राशिक खन्ना को दिया गया था स्वामी का रोल रामचंद्र राजू ने प्ले किया हुआ है संतोष जो सेल्वी का हस्बैंड है वो रोल संतोष प्रताप ने प्ले किया हुआ है सर्वानंद की जो आंट है उसका रोल कोवाई सरला ने प्ले किया हुआ है मैसौन का रोल है वो योगी बाबू ने प्ले किया हुआ है कारपेंटर के रोल में वी टी वी गणेश देखने को मिलेंगे माया के ग्रैंड जो जमींदार थे वो रोल दिल्ली गणेश ने प्ले किया हुआ है विलेज के जो प्रेसिडेंट है वर्था राजन एस वो रोल जया प्रकाश ने प्ले किया हुआ है फेडरिक जॉनसन इस फिल्म में रवि के रोल में देखने को मिलेंगे जो वर्धा राजन है उसके बेटे का रोल था वो राजेंद्रन ने रत्नम का रोल प्ले किया हुआ है सिंगम ने कॉन्स्टेबल ए शक्तिवेल का रोल प्ले किया हुआ है देवानंदा ने इसमें शक्ति यानी कि सेल्वी की डॉटर का रोल प्ले किया हुआ है इसके अलावा इस फिल्म में और भी सपोर्टिंग कास्ट देखने को मिलते जहां पे सर्वानंद जूनियर का रोल संजय ने प्ले किया हुआ है जमींदार के सर्वण का लो, रोल लोलू सभा से ने प्ले किया हुआ है विचु विश्वनाथ ने मनी लेंडर का रोल प्ले किया हुआ है यातिन कार्यकर ने इसमें पृष्ठ का रोल प्ले किया है नमो नारायणा ने इस फिल्म में के दुराई पांडे का रोल प्ले किया हुआ है जयश्री चाकी ने इस फिल्म में सेल्वी का रोल प्ले किया जो दुराई पांडे की बेटी का रोल था हर्षा हरीश ने इस फिल्म में प्रिष्ट के बेटी का रोल प्ले किया हुआ है इसके अलावा तेलुगु वर्जन में आपको जो योगी बाबू वाला मैसोन का किरदार था वो वेनोला के स्वर प्ले करते हुए नजर आएंगे और श्रीनिवास रेड्डी ने कारपेंटर जो वी टी वाला किरदार था वो प्ले किया हुआ है इसके अलावा कुछ केमियोंज़ देखने को मिलते हैं जहाँ पे के एस रवि कुमार ने डी एस पी एस जगदीशन के रोल में कैमियो दिया हुआ है खुशबू सुंदर ने अमन गाने में कैमियो दिया हुआ है उनके साथ सिमरन ने भी उस गाने में केमियो दिया हुआ है तो ये फिल्म के लीड प्रोमिनेंट कास्ट है जिन्होंने इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले किए हुए हैं प्रोडक्शन की ओर बढ़ते मिड जनवरी 2023 में कुछ अनाउंसमेंट आ रही आई थी जहां पे बताया जा रहा था कि अरल में नई फिल्म सीरीज का चौथा तो इंस्टॉलमेंट आने वाला है जिसमें इस फिल्म को लीड करेंगे विजय सेतुपति जहां पे सुंदर सी इसको डायरेक्ट करने वाले और वही प्रोड्यूस करेंगे फिल्म को लेकिन विजय सेतुपति की और, और भी कई कमिटमेंट थी जिसके चलते वो इस प्रोजेक्ट के साथ जुड़ नहीं पाए उसके बाद में सुंदर सी ने खुद लीड रोल करने का फैसला लिया लेटर ऑन मार्च दो में ऑफिशियली राशि खन्ना और तमन्ना भाटिया को लीड एक्ट्रेस के लिए अप्रोच किया गया उनको कंफर्म किया गया उसके बाद में संतोष प्रसाद को प्रताप को क्या पाइवटल रोल के लिए सिक्योर किया गया को योगी बाबू वी टी गणेश दिल्ली गणेश राजेंद्रन सिंगम पोली को भी इस फिल्म में इंपॉर्टेंट रोल के लिए अप्रोच किया गया जहाँ पे तेलुगु में जो इस फिल्म को पार्शली रिसोट किया हुआ है जहाँ पे विनेला किशोर श्रीनिवास रेड्डी ने योगी बाबू और वी गणेश का रोल रिप्लेस किया हुआ है एडिशनली जो सुंदर से का जो अब म्यूजिक कॉडियो का, 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 है हिप हॉप तमिला उनके साथ एक और का, का प्रोजेक्ट जुड़ा क्योंकि इससे पहले उन्होंने काफ़ी फिल्मों में साथ में काम किया हुआ है इस फिल्म की प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी मार्च 2023 में स्टार्ट करवाई गई थी मिड सितंबर तक रेप अप करवाई गई सीबीएफसी जो बोर्ड है सेंसर बोर्ड वहाँ पे इस फिल्म को यू सर्टिफिकेट मिला गया एक मिनट बाईस सेकंड का रन टाइम सेंसर करवाया गया जहाँ पे तेलुगु वर्जन को एक मिनट और सात सेकंड का सेंसर करवाया गया जहाँ पे यू सर्टिफिकेट फिल्म को दिया हुआ था म्यूजिक डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो फिल्म में तमिल वर्जन में पांच गाने सुनने को मिलेंगे तेलुगु में चार जहाँ पे तमिल ट्रैक लिस्टिंग में टोटल लेंथ है वो है सोलह मिनट तैंतीस सेकंड तेलुगू का जो साउंड ट्रेक है उसकी लेंथ है तेरह मिनट सैंतालीस से सेकंड तो इसके रेड थिंक म्यूजिक ने खरीदे थे हिप हॉप तमिल ने म्यूजिक दिया हुआ था मार्च से सितंबर 2023 के बीच में इसको रिकॉर्ड किया गया था ट्रैक लिस्टिंग करें तो चोचो करके जो गाना है उसको विघ्नेश श्रीकांत ने लिखा हुआ था करिश्मा रविचंद्रन और श्रीनिवास श्रीनिवासिलान ने उसको गाया हुआ था जो जो गाने को को ने लिखा था मीनाक्षी इलाया ने उसको गाया था अमन गाने को मुतामिल ने लिखा हुआ था अरुणा रविचंद्रन वी महालिंगम ने उसको गाया हुआ था ओइले ओइले गाने को ऐसा ने लिखा हुआ था कौशिक क्रिस और स्निग्धा चंद्रा ने गाया हुआ था टीम को हिप हॉप तमिला ने गाया हुआ था तो ये टोटल तमिल वर्जन में पाँच ट्रैक तैयार किए गए थे जिसकी लेंथ थी सोलह मिनट तेसी सेकंड इन सभी गानों को तीन मई दो तो तक ऑफिशियली वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में सभी वर्जन में थिंक म्यूजिक के द्वारा रिलीज़ करवाए हुए थे तो ये सभी गाने उनके यूट्यूब चैनल के ऊपर अब बिल्कुल फ्री में वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में सुन सकते हो अब थोड़ी बहुत कहानी के ऊपर चर्चा करें तो इस फिल्म को तेलुगु में बाक नाम दिया हुआ है बाकी सभी वर्जन में ये फिल्म अरन बने फोर के नाम से रिलीज़ की गई है जहाँ पे सुंदर सी का जो कैरेक्टर है शिव शंकर जिसको तेलुगु में शिवसंघ का नाम दिया है वैसे उनका नाम सर्वानंद है फिल्म में जो सिंसियर लॉयर है किसी एक दिन उसको पता चलता है कि उनकी बहन जो शिव बहन है शिवानी उसने सुसाइड कर लिए शिवानी का रोल प्ले करे तमन्ना इस न्यूज़ को सुनते ही सर्वानंद पूरी तरह से शौक हो जाता है दूसरी तरफ शिवानी का हस्बैंड भी कुछ मिस्टीरियस तरीके से जंगल में मर जाता है तो सर्वानंद को इन सभी चीज़ों के ऊपर विश्वास नहीं होता है अपनी बहन का जो एक्सट्रीम स्टेप लिया हुआ है उसमें भी उसको भरोसा नहीं हो रहा है तो ये सभी चीज़ें उसको थोड़ी ऐसी लग रही है कि ऊपर ऊपर से ढकी ढकी कुछ इसके पीछे और कोई रीज़न हो सकता है या किसी और ने मर्डर किया होगा तो ये सभी चीज़ों को प्रॉपर क्लेरिफाई करने के लिए इस मिस्ट्री इस चीज़ को क्लेरिफाई करने के लिए वो डिसाइड करते हैं कि वो इस डेथ के पीछे शिवानी और उसके हस्बैंड के जो डेथ हुए उसके पीछे क्या रीज़न है उसको ढूंढने के लिए वो निकल जाता है जहाँ पे बाकी की कहानी यही है कि किस तरह से सर्वानंद इस मिस्टीरियस चीज़ों को सोल्व करता है और ये जो घटनाएँ घटी है उसको हमारे सामने पेश कर पाता है इस फिल्म में यानी कि अरण फ्रेंचाइज़ में जिस तरह से जो चीज़ें आपने अभी तक देखी है उसमें ये फिल्म पूरी तरह से टेक्निकली काफ़ी बढ़िया नज़र आती है पहले तीन फिल्मों के मुकाबले इस फिल्म में टेक्निकल इस काफ़ी मज़बूत थे विजुअल्स बैकग्राउंड्स को और प्रोडक्शन वैल्यू काफ़ी बढ़िया तरीके से एक्सट्रीम लेवल्स के ऊपर इसको केयर किया हुआ है मेकर्स ने काफ़ी बढ़िया पेसर डाला हुआ ऐसा नज़र आ रहा है हर एक फ्रेम में क्वालिटी नज़र आ रही थी हॉरर इफेक्ट थे उसको काफ़ी नीटली डन किया हुआ था बैकग्राउंड स्कोर जो दिया हुआ था हिप हॉप तमिला ने वो काफ़ी बढ़िया तरीके से स्क्रेक स्केरी मोवमेंट्स थे उसको एक एनहेंस करके इम्पैक्ट डालता हुआ नज़र आता है मूवी में कई सारे ऐसे सीन्स थे जो काफ़ी बढ़िया तरीके से डायरेक्टर ने एग्जीक्यूट किए हुए प्री इंटरवल का जो पोर्सन था वो भी काफ़ी बढ़िया तरीके से हैंडल किया गया था इंटरेस्टिंग इवेंट्स जो सीरीज़ में दिखाए हुए जब फिल्म आधे दूर तक पहुंचती है जिस तरह से आपकी क्यूरियोसिटी डायरेक्टर बना के रखते हैं इंटरवल तक वो सभी चीज़ें काफ़ी बढ़िया तरीके से हैंडल की हुई है इस फिल्म में कुछ एक्साइटिंग मोमेंट्स देखने को मिलते हैं जिस तरह से सेकंड हाफ़ में पहले पार्ट में पहले हाफ़ में जो सभी चीज़ें दिखाई हुई है फर्स्ट हाफ में उसको सेकंड हाफ़ में किस तरह से वो ज्वाइंट करते हैं इंटरवल के बाद उन डोट को कनेक्ट करके जिस तरह से हमारे सामने पे पेश किया जाता है वो काफ़ी बढ़िया नज़र आता है सुंदर सी इस फिल्म में लीड रोल में देखने को मिलते हैं उनका जो प्रोटोकॉलिस वाला किरदार था उसमें वो काफ़ी बढ़िया नज़र आए तमाम भाटिया को एक अच्छा खासा ब्रीफ रोल दिया गया था जहां पे वो अपने रोल के साथ अपना राशि खन्ना सपोर्टिंग कास्ट थी उन्होंने भी बढ़िया काम किया का कि लाइन चल रही थी काफी बढ़िया स्टोरी लिखी हुई थी स्क्रीन प्ले भी अच्छा लिखा हुआ था लेकिन उसके बीच में अनवॉन्टेड कॉमेडी ट्रेक आते जो पंद्रह बीस साल पहले फिल्मों में आया करते थे ऐसे जो शायद लगता है कि उन्होंने वैसे भी ये सीरीज मास ऑडियंस के लिए बनाए हुए तो उनको ध्यान में रखती हुई सभी चीज़ें क्लिक करके डाली होगी ये स्टेफ्टिक कॉमेडी ज़्यादातर सीनों में वर्क नहीं करते इरीटेशन वाला फील नज़र आता है कुछ फन सीन्स डेफिनेटली इस फिल्म में दिए हुए लेकिन उसमें ये का अननेसेसरी कॉमेडी कुछ ऐसी चीज़ें वो उसका इम्पेक्ट है वो डाइल्यूट करती हुई नज़र आती है क्लाइमेक्स में जिस तरह से जो चीज़ें देखने को मिलती है वो भी उतने कुछ खास करके वर्क नहीं करते कॉमेडी एंगल से इसके अलावा इस फिल्म में अरण फ्रेंचाइज में जो दूसरी फिल्में जिस तरह से वो एक रूटीन फे टेम्पलेट होते वही रूटीन टेम्पलेट के साथ इस यूनिक स्टोरी को डिलीवर किया होता कुछ नयापन आपको देखने को नहीं नज़र आएगा रूटीन प्लॉट को जिस तरह से शुगर क्रॉट करके ट्विस्ट और टर्न्स के साथ गुड टेक्निक के साथ हमारे सामने पेश किया वो बढ़िया था लेकिन जो चीज़ें थी वो कहीं हद तक उसमें हमें पता चल जाता था प्रिडिक्टेबल नजर आ जाती थी ये फिल्म पूरी तरह से एक प्रिडिक्टेबल नज़र आएगी इमोशनल डेप्थ की कमी नज़र आती है कॉमेडी अननेसेसरी डाली हुई थी जिसके चलते फिल्म की जो मेन मोटिव है वो डायल्यूट होता हुआ नजर आता है सेकंड हाफ में फिल्म स्लो डाउन काफी हो जाती है सॉन्ग्स जो डाले हुए हैं उसकी भी कुछ खास जरूरत नहीं थी उसको एवॉइड किया जा सकता था एडिटिंग फिल्म की और की जा सकती थी ये फिल्म आ, आसानी से दस मिनट जितनी और छोटी की जा सकती थी तो ओवरऑल देखा जाए तो बा किया अरन मने फोर टेक्निकली अच्छी खासी बनी हुई फिल्म है बैकग्राउंड स्कोर भी काफ़ी दमदार नजर आएगा जो सीन्स को एनहेंस कर रहा था सिनेमेटोग्राफी भी जिस तरह से शोकेस किया है जो विजुअल्स देखने को मिलती है वो काफ़ी बढ़िया था प्रोडक्शन वैल्यू इस फिल्म की काफ़ी बड़ी और अच्छी नज़र आती है एडिटिंग फिल्म की थोड़ी बेहतर हो सकती थी डायरेक्टर सुंदर सिंह ने रूटीन स्टोरी लेते हुए जिस तरह से अपना एंगेजिंग नेरेशन नेरे दिया हुआ है कुछ पार्ट्स में काफ़ी बढ़िया तरीके से वर्क करता है वहीं पर कुछ जगह पर ये चीज़ें कुछ खास वर्क कर नहीं पाती है जहाँ पर इस फिल्म में हॉरर एलिमेंट इंटरेस्टिंग थे लेकिन कॉमेडी पोर्स को जिस तरह शोकेस किया है वो सभी चीज़ें बगा बिगाड़ देती है सुंदर सी की तरफ से अननेसेसरी कॉमेडी सीन्स अगर नहीं आते तो ये फिल्म और बेटर इम्पेक्ट डाल सकती थी कुल मिला के एक रूटीन स्टोरी लाइन के साथ ये फिल्म आई हुई जहाँ पे डेफिनेटली हॉरर एलिमेंट आपको पसंद आएंगे और दी टॉप कॉमेडी सिक्वेंस को आपको थोड़ा बहुत इग्नोर करना पड़ेगा अदरवाइज वन टाइम वॉचेबल ये फिल्म है अरन मने फोर या बाग फिल्म को ऑफिशियली तमिल तेलुगू इन सभी वर्जन्स में चालीस करोड़ के बजट के साथ यू सर्टिफिकेट लेते हुए तीन मई दो को रिलीज़ किया था जब ये फिल्म रिलीज़ हुई तब क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से काफ़ी मिक्सड और पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया जिसके चलते इस फिल्म ने आई के ऊपर करीबन करीबन उन्नीस वोट हासिल किए जिसमें इक्काउन सौ पाँच पॉइंट एक की रेटिंग हासिल की दस मई से अरन मने फोर ने अपने पहले वीक में अपने पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ के चलते मास ऑडियंस के चलते पचास करोड़ का वर्ल्ड वाइड वीक लिया

काफ़ी कई सारे रिकॉर्ड्स क्रेक किए जब ये फिल्म ओ टी टी पे प्रीमियर करवाई गई वहाँ पर भी इस फिल्म ने काफ़ी बढ़िया रिस्पॉन्स हासिल किया जहाँ पे इस फिल्म ने ओ टी टी रिलीज जब ली तब काफ़ी बढ़िया व्यूज हासिल किए थे जहाँ पर अरन मने फोर फिल्म को अगर आपको साउथ इंडियन लैंग्वेज जैसे कि तमिल तेलगु कन्नडा मलयालम और हिंदी में देखना है तो डिजनी प्लस होट स्टार के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन देख सकते हो हिंदी वर्जन के ओ टी टी राइट जियो सिनेमा के पास है टी स्थ्रीम टी थ्री स्ट्रीमिंग वालों ने उनको बेचे हुए हैं तो जियो सिनेमा के ऊपर ये फिल्म बिल्कुल फ्री में प्रीमियर

मिल जाएगा वहाँ पे फिल्म आप आसानी से हिंदी डब में एंजॉय कर पाओगे तो इस तरह से अरन मनी फोर फिल्म आप ऑफिशियली ओटीटी और सैटेलाइट प्लेटफॉर्म के ऊपर पांच ही लैंग्वेज जैसे कि हिंदी तमिल तेलुगु कन्नड़ा मलयालम इन सभी वर्जन में एंजॉय कर पाओगे जहाँ पे मेनली हिंदी वर्जन आपको बिल्कुल फ्री में देखने को मिलेगा जियो सिनेमा के ऊपर अरन मनई फॉर यानी कि पेलेस फॉर ये एक दो की इंडियन तमिल लैंग्वेज कॉमेडी हॉरर फिल्म है फिल्म को पहले तमिल और तेलुगु वर्जन में रिलीज़ किया गया था लेटर ऑन बाकी सभी वर्जन में डब करके थिएट्रिकली इस फिल्म को रिलीज़ किया हुआ था जहाँ पे तेलुगु वर्जन में इस फिल्म को बाक नाम दिया हुआ था अदरवाइज़ सभी लैंग्वेज में इस फिल्म को अरन मनई फ़ोर ही नाम दिया हुआ है इस फिल्म का जो हिंदी वर्जन है वो टी थ्री स्ट्रीमिंग के द्वारा प्रोड्यूस किया गया था उनके ही द्वारा डब किया गया था जहाँ पे ओरिजिनल प्रोड्यूसर्स के ऊपर बातचीत करें तो खुशबू सुंदर ए सी सनमुगन ए सी एस अरुण कुमार ने इस फिल्म को अवनी सिनेमिक्स और बेंस मीडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के नीचे करीबन चालीस करोड़ जितने हाई बजट में बनाया हुआ था ये फिल्म जो अरन माने फिल्म सीरीज़ है उसका चौथा पार्ट है इसके पहले की जो तीन पार्ट है वो भी एक से बढ़कर एक हिट हुए जहाँ पे 2014 में पहला पार्ट आया हुआ था जिसमें सुंदर सिंह खुद लीड रोल में थे अरन माने टू में भी वो खुद लीड रोल में और डायरेक्टर भी थे जो दो में रिलीज़ किया गया था 2021 में इसका तीसरा पार्ट आया था वो भी काफ़ी सक्सेसफुल साबित हुआ था और जो 2024 का पार्ट आया हुआ है वो उससे भी बड़ा काफ़ी बड़ा सक्सेसफुल साबित हुआ है मेनली उसकी कहानी की वजह से जिस तरह से उसको पेश किया था उसकी वजह से इस फिल्म को डरेक्ट किया हुआ है सुंदर सिंह ने लिखा हुआ है सुंदर सिंह ने जहाँ पे वेंकट राघवन और एस बी रामदास ने भी उसमें राइटिंग में मदद किए हुई है स्क्रीन प्ले वो सुंदर सिंह का था एडिशनल स्क्रीन प्ले वेंकट राघवन ने लिखा हुआ है स्टोरी आइडिया ओरिजिनल स्टोरी लाइन थी वो खुद सुंदर सी की थी तो इस तरह से इस फिल्म में सुंदर सी ने अपना पूरा काम दिया हुआ है वहीं पे उनकी वाइफ ने इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है जहाँ पे ये फिल्म है वो का उनके ही द्वारा डिस्ट्रीब्यूट करवाई गई थी इसके अलावा इस फिल्म की कास्टिंग के ऊपर बातचीत करें तो सुंदर सी तमन्ना भाटे और राशिक खन्ना लीड रोल में देखने को मिलेंगे टेक्निकल टीम के ऊपर बात बातचीत करें तो सिनेमाटोग्राफी वो ई कृष्णा सामी ने किए हुई है फिल्म को फेनी ओलिवर ने एडिट किया हुआ है जिन्होंने एक मिनट यानी कि दो घंटे और 27 मिनट का रन टाइम दिया हुआ है सेंसर बोर्ड की तरफ से फिल्म को यू ए सर्टिफिकेट मिला हुआ था म्यूज़िक में हिप ऑप तमिला ने बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स दोनों कंपोज किए हुए म्यूज़िक के जो राइट्स थे वो थिंक म्यूजिक वालों ने एक अच्छी प्राइज में ख़रीदे हुए थे उन्होंने तमिल तेलुगु दोनों वर्जन के गानों को ऑफिशियली रिलीज़ करवाया हुआ है इसके अलावा इस फिल्म के कास्टिंग के ऊपर बातचीत करें कौन सा एक्टर कौन सा रोल प्ले रहा है उसके ऊपर तो इस फिल्म में सुंदर सी आपको एडवोकेट सर्वानंद के रोल में लीड रोल में देखने को मिलेंगे तमन्ना भाटिया सेल्वी का रोल प्ले किया हुआ है जो सर्वानंद की यंगर सिस्टर है डॉक्टर माया का रोल राशि खन्ना को दिया गया था स्वामी का रोल रामचंद्र राजू ने प्ले किया हुआ है संतोष जो सेल्वी का हसबेंड है वो रोल संतोष प्रताप ने प्ले किया हुआ है सर्वानंद की जो आंट है उसका रोल को सरला ने प्ले किया हुआ है मैसौन का रोल है वो योगी बाबू ने प्ले किया हुआ है कारपेंटर के रोल में वी टी गणेश देखने को मिलेंगे माया के ग्रैंडफादर जो जमींदार थे वो रोल दिल्ली गणेश ने प्ले किया हुआ है विलेज के जो प्रेसिडेंट है वर्था राजन एस वो रोल जया प्रकाश ने प्ले किया हुआ है फेडरिक जॉनसन इस फिल्म में रवि के रोल में देखने को मिलेंगे जो वर्धा राजन है उसके बेटे का रोल था वो राजेंद्रन ने रत्नम का रोल प्ले किया हुआ है सिंगम ने कॉन्स्टेबल ए शक्तिवेल का रोल प्ले किया हुआ है देवानंदा ने इसमें शक्ति यानी कि सेल्वी की डॉटर का रोल प्ले किया हुआ है इसके अलावा इस फिल्म में और भी सपोर्टिंग कास्ट देखने को मिलते जहां पे सर्वानंद जूनियर का रोल संजय ने प्ले किया हुआ है जमींदार के सर्वंट का लो, रोल लोलू लो, सभा से ने प्ले किया हुआ है विचू विश्वनाथ ने मनी लेंडर का रोल प्ले किया है यातिन कार्यकर ने इसमें पृष्ठ का रोल प्ले किया है नमो नारायणा ने इस फिल्म में के दुराई पांडी का रोल प्ले किया है जयश्री चाकी ने इस फिल्म में सेल्वी का रोल प्ले किया जो दुराई पांडे की बेटी का रोल था हर्ष हरीश ने इस फिल्म में प्रष्ट के बेटी का रोल प्ले किया हुआ है इसके अलावा तेलुगु वर्जन में आपको जो योगी बाबू वाला मैसोन का किरदार था वो वेनोला के स्वर प्ले करते हुए नजर आएंगे और श्रीनिवास रेड्डी ने कारपेंटर जो वी टी विकनेस वाला किरदार था वो प्ले किया हुआ है इसके अलावा कुछ केमियोंज़ देखने को मिलते हैं जहाँ पे के एस रवि कुमार ने डी एस पी एस जगदीशन के रोल में केमियो दिया हुआ है खुशबू सुंदर ने अमन गाने में केमियो दिया हुआ है उनके साथ सिमरन ने भी उस गाने में केमियो दिया हुआ है तो ये फिल्म की लीड प्रोमिनेंट कास्ट जिन्होंने इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले किए हुए हैं प्रोडक्शन की ओर बढ़ते मिड जनवरी दो में कुछ अनाउंसमेंट आ रही आई थी जहां पे बताया जा रहा था कि अरल में नई फिल्म सीरीज का चौथा तो इंस्टॉलमेंट आने वाला है जिसमें इस फिल्म को लीड करेंगे विजय सेतुपति जहाँ पे सुंदर सी इसको डिरेक्ट करने वाले और वही प्रोड्यूस करेंगे फिल्म को लेकिन विजय सेतुपति की और, और भी कई कमिटमेंट थी जिसके चलते वो इस प्रोजेक्ट के साथ जुड़ नहीं पाए उसके बाद में सुंदर सिंह ने खुद लीड रोल करने का फैसला लिया लेटर ऑन मार्च 2023 में ऑफिशियली राशि खन्ना और तमन्ना भाटिया को लीड एक्ट्रेस के लिए अप्रोच किया गया उनको कंफर्म किया गया उसके बाद में संतोष प्रसाद को प्रताप को क्या पाइवटल रोल के लिए सिक्योर किया गया कोआसला योगी बाबू वी टी वी गणेश दिल्ली गणेश राजेंद्रन सिंगम पोली को भी इस फिल्म में इंपॉर्टेंट रोल के लिए अप्रोच किया गया जहाँ पे तेलुगु में जो इस फिल्म को पार्शली रिसोट किया हुआ है जहाँ पे विनीला किशोर श्रीनिवास रेड्डी ने योगी बाबू और वी टी गणेश का रोल रिप्लेस किया हुआ है एडिशनली जो सुंदर सी का जो म्यूजिक का का डियो है हिप हॉप तमिला उनके साथ एक और का प्रोजेक्ट जुड़ा क्योंकि इससे पहले उन्होंने काफ़ी फिल्मों में साथ में काम किया हुआ है इस फिल्म के प्रिंसिपल ऑफ़ फोटोग्राफी मार्च 2023 में स्टार्ट करवाई गई थी मिड सितंबर तक रेप अप करवाई गई सीबीएफसी जो बोर्ड है सेंसर बोर्ड वहाँ पे इस फिल्म को यू सर्टिफिकेट मिला गया एक मिनट बाईस सेकंड का रन टाइम सेंसर करवाया गया जहाँ पे तेलुगु वर्जन को एक मिनट और सात सेकंड का सेंसर करवाया गया जहाँ पे यू सर्टिफिकेट फिल्म को दिया हुआ था म्यूज़िक डिपार्टमेंट के ऊपर बातचीत करें तो फिल्म में तमिल वर्जन में पांच गाने सुनने को मिलेंगे तेलुगु में चार जहाँ पे तमिल ट्रैक लिस्टिंग में टोटल लेंथ है वो है सोलह मिनट तैंतीस सेकंड तेलुगु का जो साउंड ट्रेक है उसके लें थे तेरह मिनट सैंतालीस से सेकंड तो इसके रेड थिंक म्यूजिक ने खरीदे थे हिप हॉप तमिल ने म्यूजिक दिया हुआ था मार्च से सितंबर 2023 के बीच में इसको रिकॉर्ड किया गया था ट्रैक लिस्टिंग करें तो अच्छो चो करके जो गाना है उसको विघ्नेश श्रीकांत ने लिखा हुआ था करिश्मा रविचंद्रन और श्रीनिवास श्रीनिवासिलान ने उसको गाया हुआ था जो जो गाने को को शेसा ने लिखा था मीनाक्षी इलाया राजा ने उसको गाया था अमन गाने को मुतामिल ने लिखा हुआ था अरुणा रविचंद्रन भी महालिंगम ने उसको गाया हुआ था ले, ले गाने को ऐसा ने लिखा हुआ था कौशिक क्रिस और चंद्रा ने गाया हुआ था कोश को तमिला ने गाया हुआ था तो ये टोटल तमिल वर्जन में पांच तैयार किए गए थे जिसकी लेंथ थी सोलह मिनट ते सेकंड इन सभी गानों को तीन मई 2024 तक ऑफिशियली वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में सभी वर्जन में थिंक म्यूजिक के द्वारा रिलीज करवाए हुए थे ये सभी गाने उनके यूट्यूब चैनल के ऊपर आप बिल्कुल फ्री में वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में सुन सकते हो अब थोड़ी बहुत कहानी के ऊपर चर्चा करें तो इस फिल्म को तेलुगु में बाक नाम दिया हुआ है बाकी सभी वर्जन में ये फिल्म अरन बनाई फोर के नाम से रिलीज़ की गई है जहाँ पे सुंदर सी का जो कैरेक्टर है शिवशंकर जिसको तेलुगु में शिवशंकर नाम दिया हुआ है वैसे उनका नाम सर्वानन है फिल्म में जो सिंसियर लॉयर है किसी एक दिन उसको पता चलता है कि उनकी बहन जो शिव बहन है शिवानी उसने सुसाइड कर लिए शिवानी का रोल प्ले करे तमन्ना इस न्यूज़ को सुनते ही सर्वानंद पूरी तरह से शौक हो जाता है दूसरी तरफ शिवानी का हस्बैंड भी कुछ मिस्टीरियस तरीके से जंगल में मर जाता है तो सर्वानंद को इन सभी चीज़ों के ऊपर विश्वास नहीं होता है अपनी बहन का जो एक्सट्रीम स्टेप लिया हुआ है उसमें भी उसको भरोसा नहीं हो रहा है तो ये सभी चीज़ें उसको थोड़ी ऐसी लग रही है कि ऊपर ऊपर से ढकी ढकी है कुछ इसके पीछे और कोई रीज़न हो सकता है या किसी और ने मर्डर किया होगा तो ये सभी चीज़ों को प्रॉपर क्लेरिफाई करने के लिए इस मिस्ट्री इस चीज़ को क्लेरिफाई करने के लिए वो डिसाइड करते हैं कि वो इस डेथ के पीछे शिवानी और उसके हस्बैंड के जो डेथ हुए उसके पीछे क्या रीज़न है उसको ढूंढने के लिए वो निकल जाता है जहाँ पे बाकी की कहानी यही है कि किस तरह से सर्वानंद इस मिस्टीरियस चीज़ों को सोल्व करता है और ये जो घटनाएं घटी है उसको हमारे सामने पेश कर पाता है इस फिल्म में यानी कि अरण फ्रेंचाइज में जिस तरह से जो चीज़ें आपने अभी तक देखी है उसमें ये फिल्म पूरी तरह से टेक्निकली काफ़ी बढ़िया नज़र आती है पहले तीन फिल्मों के मुकाबले इस फिल्म में टेक्निकल एस्पेक्ट काफ़ी मज़बूत थे विजुअल्स बैकग्राउंड स्कोर प्रोडक्शन वैल्यू काफ़ी बढ़िया तरीके से एक्सट्रीम लेवल के ऊपर इसको केयर किया हुआ है मेकर्स ने काफ़ी बढ़िया पैसा डाला हुआ ऐसा नज़र आ रहा है हर एक फ्रेम में क्वालिटी नज़र आ रही थी हॉरर इफेक्ट थे उसको काफ़ी नीटली डन किया हुआ था बैकग्राउंड स्कोर जो दिया हुआ था हिप हॉप तमिला ने वो काफ़ी बढ़िया तरीके से स्क्रेक स्केरी मोमेंट्स थे उसको एक का एनहेंस करके इम्पैक्ट डालता हुआ नजर आता है मूवी में कई सारे ऐसे सीन्स थे जो काफ़ी बढ़िया तरीके से डायरेक्टर ने एग्जीक्यूट किए हुए हैं इंटरवल का जो पोर्सन था वो भी काफ़ी बढ़िया तरीके से हैंडल किया गया था इंटरेस्टिंग इवेंट्स जो सीरीज में दिखाए हुए हैं जब फिल्म आधे दूर तक पहुंचती है जिस तरह से आपकी क्यूरियोसिटी डायरेक्टर बना के रखते हैं इंटरवल तक वो सभी चीज़ें काफ़ी बढ़िया तरीके से हैंडल की हुई है इस फिल्म में कुछ एक्साइटिंग मोमेंट्स देखने को मिलते हैं जिस तरह से सेकंड हाफ में पहले पार्ट में पहले हाफ़ में जो सभी चीज़ें दिखाई हुई है फर्स्ट हाफ में उसको सेकंड हाफ़ में किस तरह से वो ज्वाइंट करते हैं इंटरवल के बाद उन डोट को कनेक्ट करके जिस तरह हमारे सामने पे पेश किया जाता है वो काफ़ी बढ़िया नजर आता है सुंदर सी इस फिल्म में लीड रोल में देखने को मिलते हैं उनका जो प्रोटोकॉनिस वाला किरदार था उसमें वो काफ़ी बढ़िया नज़र आए तमन भाटिया को एक अच्छा खासा ब्रीप रोल दिया गया था जहां पे वो अपने रोल के साथ अपना हुई नजर आती है, है। मेन इश्यू यही है कि इस फिल्म में जो स्टोरी लाइन चल रही थी काफी बढ़िया स्टोरी लिखी हुई थी स्क्रीन प्ले भी अच्छा लिखा हुआ था लेकिन उसके बीच में अनवॉन्टेड कॉमेडी ट्रेक आते जो पंद्रह बीस साल पहले फिल्मों में आया करते थे ऐसे जो शायद लगता है कि उन्होंने वैसे भी ये सीरीज मास ऑडियंस के लिए बनाई हुई है तो उनको ध्यान में रखती हुई सभी चीज़ें क्लिक करके डाली होगी ये स्टेफ्टिक कॉमेडी ज़्यादातर सीनों में वर्क नहीं करते इरिटेशन वाला फ़ील नज़र आता है कुछ फन सीन्स डेफिनेटली इस फिल्म में दिए हुए लेकिन उसमें ये का अननेसेसरी कॉमेडी कुछ ऐसी चीज़ें वो उसका इम्पेक्ट है वो डाइल्यूट करती हुई नज़र आती है क्लाइमेक्स में जिस तरह से जो चीज़ें देखने को मिलती है वो भी उतने कुछ खास करके वर्क नहीं करते कॉमेडी एंगल से इसके अलावा इस फिल्म में अरण फ्रेंचाइज में जो दूसरी फिल्में जिस तरह से वो एक रूटीन फेर टेम्पलेट होते वही रूटीन टेम्पलेट के साथ इस यूनिक स्टोरी को डिलीवर किया होता कुछ नयापन आपको देखने को नहीं नज़र आएगा रूटीन प्लॉट को जिस तरह से शुगर क्रॉट करके ट्विस्ट और टर्न्स के साथ गुड टेक्निक के साथ हमारे सामने पेश किया वो बढ़िया था लेकिन जो चीज़ें थी वो कहीं हद तक उसमें हमें पता चल जाता था प्रिडिक्टेबल नज़र आ जाती थी ये फिल्म पूरी तरह से एक प्रिडिक्टेबल नज़र आएगी इमोशनल डेप्थ की कमी नज़र आती है कॉमेडी अननेसेसरी डाली हुई थी जिसके चलते फिल्म की जो मेन मोटिव है वो डायलिट होता हुआ नजर आता है सेकंड हाफ में फिल्म स्लो डाउन काफी हो जाती है सॉन्ग्स जो डाले हुए उसकी भी कुछ खास जरूरत नहीं थी उसको एवॉइड किया जा सकता था एडिटिंग फिल्म की और की जा सकती थी ये फिल्म आ, आसानी से दस मिनट जितनी और छोटी की जा सकती थी तो ओवरऑल देखा जाए तो बा किया अरन मने फॉर टेक्निकली अच्छी खासी बनी हुई फिल्म है बैकग्राउंड स्कोर भी काफी दमदार नजर आएगा जो सीन्स को एनहेंस कर रहा था सिनेमेटोग्राफी भी जिस तरह से शोकेस किया है जो विजुअल्स देखने को मिलती है वो काफी बढ़िया था प्रोडक्शन वैल्यू इस फिल्म की काफ़ी बड़ी और अच्छी नज़र आती है एडिटिंग फिल्म की थोड़ी बेहतर हो सकती थी डायरेक्टर सुंदर सिंह ने रूटीन स्टोरी लाइन लेते हुए जिस तरह से अपना एंगेजिंग नेरेट की नेरेशन दिया हुआ है कुछ पार्ट्स में काफ़ी बढ़िया तरीके से वर्क करता है वहीं पर कुछ जगह पर ये चीज़ें कुछ खास वर्क कर नहीं पाती है जहाँ पर इस फिल्म में हॉरर एलिमेंट इंटरेस्टिंग थे लेकिन कॉमेडी पोर्स को जिस तरह से शोकेस किया है वो सभी चीज़ें बिगाड़ देती है सुंदर सी की तरफ से अननेसेसरी कॉमेडी सीन्स अगर नहीं आते तो ये फिल्म और बेटर इंपेक्ट डाल सकती थी कुल मिला एक रूटीन स्टोरी लाइन के साथ ये फिल्म आई हुई है जहाँ पे डेफिनेटली हॉरर एलिमेंट आपको पसंद आएंगे और दी टॉप कॉमेडी सिक्वेंस को आपको थोड़ा बहुत इग्नोर करना पड़ेगा अदरवाइज वन टाइम वॉचेबल ये फिल्म है अरन मने फोर या बाग फिल्म को ऑफिशियली तमिल तेलुगू इन सभी वर्जन्स में चालीस करोड़ के बजट के साथ यू सर्टिफिकेट लेते हुए तीन मई दो को रिलीज़ किया था जब यह फिल्म रिलीज़ हुई तब क्रिटिक्स ऑडियंस की तरफ से काफी मिक्सड पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया जिसके चलते इस फिल्म ने आई के ऊपर करीबन करीबन उन्नीस वोट हासिल किए जिसमें इक्यान सौ पाँच पॉइंट एक ये की रेटिंग हासिल की दस मई से अरन मने फोर ने अपने पहले वीक में अपने पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ के चलते मास ऑडियंस के चलते पचास करोड़ का वर्ल्ड वाइड वीक लिया हुआ था से, बाद में सेकंड वीक तक पहुंचते पहुंचते फिल्म पिछहत्तर करोड़ तक पहुंच गए उसके बाद में इस फिल्म में इस फिल्म फिल्म ने ने अपना जो थिएट्रिकल रन रन कंप्लीट किया उस में चालीस करोड़ के बजट के सामने सौ करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन किया और बॉक्स ऑफिस पर फिल्म काफी बड़ी सक्सेसफुल फिल्म साबित हुई और वन ऑफ दी तमिल लैंग्वेज में भी जो पिछली कुछ फिल्में आई है दो ऑफ चौबीस में उसमें फिल्म साबित हुई और साथ ही में जो ये फ्रेंचाइज है से फोर तक की उसमें सबसे ज्यादा पैसे कमाने वाली फिल्म साबित हुई तो इस तरह से इस फिल्म ने काफी कई सारे रिकॉर्ड्स क्रेक किए जब ये फिल्म ओ टी टी पे प्रीमियर करवाई गई वहां पर भी इस फिल्म ने काफी बढ़िया रिस्पॉन्स हासिल किया जहाँ पे इस फिल्म ने ओ टी टी रिलीज जब ली तब काफी बढ़िया व्यूज हासिल किए थे जहां पर अरन मने फोर फिल्म को अगर आपको साउथ इंडियन लैंग्वेजेस जैसे कि तमिल तेलुगु कन्नडा मलयालम और हिंदी में देखना है तो डिजनी प्लस होट स्टार के ऊपर विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन देख सकते हो हिंदी वर्जन के ओ टी टी राइट जियो सिनेमा के पास है टी स्थ्रीम टी थ्री स्ट्रीमिंग वालों ने उनको बेचे हुए हैं तो जियो सिनेमा के ऊपर ये फिल्म बिल्कुल फ्री में प्रीमियर करवाई हुई है तो अरन मनई फोर फिल्म हिंदी डब वर्जन में आपको बिल्कुल फ्री में देखने को मिल जाएगी जियो सिनेमा का जियो, जियो सिनेमा के ऊपर विदाउट लॉग इन विंग्लिश सब टाइटल में ऑफिशियली डिजनी प्लस होटस्टार के ऊपर तमिल तेलगू कन्नड़ा मलयालम इन चार वर्जन में देखने को मिलेगी विथ इंग्लिश सब टाइटल सब्सक्रिप्शन वहीं पे इस फिल्म का हिंदी डब वर्जन आपको बिल्कुल फ्री में जियो सिनेमा के ऊपर विथ इंग्लिश सब आसानी से देखने को मिल जाएगा वहाँ पे फिल्म आप आसानी से हिंदी डब में एंजॉय कर पाओगे तो इस तरह से अरन मने फोर फिल्म आप ऑफिशियली ओटीटी और सैटेलाइट प्लेटफॉर्म के ऊपर पांच ही लैंग्वेज जैसे कि हिंदी तमिल तेलुगु कन्नडा मलयालम इन सभी वर्जन में एंजॉय कर पाओगे जहाँ पे मेनली हिंदी वर्जन आपको बिल्कुल फ्री में देखने को मिलेगा जियो सिनेमा के ऊपर तो बस गायस अरन मने फोर फिल्म के ऊपर जो भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स थे जो बातें थे वो मैंने शेयर कर दिए ये फिल्म किस तरह से कैसे क्या ऑफिशियली देख सकते हो उसकी जानकारी दी हुई है फिल्म के प्री प्रोडक्शन पोस्ट प्रोडक्शन बजट बॉक्स ऑफिस कलेक्शन फिल्मिंग के ऊपर भी एक जानकारी दे दिए फिल्म से जुड़े अलग अलग एस्पेक्ट है वो भी मैंने शेयर कर दिए तो आज का हमारा वीडियो यहीं तक था आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा अगर वीडियो पसंद आया हुआ है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा थैंक यू